आई थिंक आई वी आर लाइव हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग बताइए गुड आफ्टरनून से बहुत जल्दी अपना गुड इवनिंग भी हो गया सो हेलो बच्चा लो गुड इवनिंग एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस एंड थैंक यू सो मच फॉर दपोर्ट दैट यू हैव शोन शोन टू दिस चैनल एंड शोन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन चलिए हाय हाय उम्मीद करते हैं बच्चा कि अब और कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने के वक्त अगर कोई टेक्निकल इशू आता है ना तो पूरे मोमेंटम का है ना पूरा एकदम तबाही तबाही हो जाता है आपके मोमेंटम का भी ब्रेक आता है और मेरा भी जो एक प्रॉपर मोमेंटम था वो भी उसमें भी एक ब्रेक आता है लेकिन अब अब मुझे उम्मीद है कि और प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो एक बार ये पहले बता दो कि अभी तो कोई लैग नहीं है ना अभी आपको एक परसेंट का भी कोई लैग है या नहीं है बता दीजिए गुड इवनिंग थैंक यू थैंक यू सो मच बच्चा हेलो हेलो गुड इवनिंग कम ऑन बताइए पहले बच्चा काम की बात बताओ कि अभी कोई लाग नहीं आ रहा है सर नो लाग एवरीथिंग इज फाइन राइट आई होप ठीक है चलिए तो अपना जो सेशन था मुझे पता है कि आप चाहेंगे कि सर वी हैव ऑलरेडी कवर यूनिट्स एंड डायमेंशन और थोड़ा सा हमने खाली वन डायमेंशन मोशन नहीं किया था तो एक काम करते हैं क्योंकि वो वाला जो अपना सेशन था वो अनफॉर्चुनेटली सेशन जो है वो सेव नहीं हो पाया अपने चैनल पे तो बहुत क्विकली इसको दोबारा से ब्रश अप करते हुए एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू दस टू डी मोशन जहाँ पे हमने टॉपिक को छोड़ा था क्लियर है एक सेकेंड कमऑन चलिए अब सभी बच्चे सेशन पे बिल्कुल से ध्यान देंगे तो ये जो सेशन है यहां पे हम लोग फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज करेंगे और बीच बीच में जहां जहां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसपे आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्जामिनेशन पे वो भी आपको टाइम टाइम पे बता दिया जाएगा एंड सेशन को सपोर्ट करने के लिए दोबारा से एक बार बच्चा लाइक कर देना राइट चलिए आगे बढ़ते अपने यूनिट्स डायमेंशन में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था आपको फोर्स एनर्जी का डायमेंशन याद होना चाहिए आपको एबसाइलेंट नॉट और म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला भी रटा होना चाहिए ठीक है सेशन का पूरा पीडीएफ सेशन के खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये अपना पार्ट वन है जहां पे हम लोग इलेवेंथ कंप्लीट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ जो अपना होमोजनिटी है सिंपल सा यहां पे एक लॉजिक कहता है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है मान लीजिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो s का डायमेंशन यू टी का डायमेंशन और ए टी स्क्र का डायमेंशन आपको सेम होना चाहिए बराबर होना चाहिए सिंपल सिंपल सा पॉइंट है लेकिन न्यूमेरिकल बनता है सबसे ज्यादा जो आपका न्यूमेरिकल बनता है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, से बनता है इस पर्टिकुलर वरायटी से बनता है फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल में बोल सकता है कि भैया जो आपका टाइम है उसको आप कैपिटल जी सी और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट साइड में टाइम का डायमेंशन और राइट right साइड में क्योंकि आपको जी का पावर एच का पावर और सी का पावर नहीं पता है तो आप अपने मन से ए मानते हो और फिर डायमेंशन को लेफ्ट और राइट right में इक्वेट करके ए की वैल्यू पता करते हो राइट right? तो ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसपे आपको न्यूमेरिकल्स पहले भी पूछा गया और आपसे दो में भी पूछा जा सकता है तीसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका की पॉइंट्स होता है दैट इज आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वहां पे आपका डायमेंशन नहीं होता है राइट right? चाहे वो आपका साइन थीटा हो कॉस थीटा हो ई e की पावर में आपको जो भी चोज टर्म्स होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया हुआ है ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी आपने ये वाला टर्म चार्जिंग में देखा होगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में तो यहाँ पे बच्चा टी बाई आर सी का डायमेंशन नहीं होना चाहिए जिसका मतलब है कि जो डायमेंशन टाइम का होगा वही डायमेंशन आर का होगा इसलिए आपको कभी कभी आर का यूनिट सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है रेनॉल्ड्स नंबर अगेन योर डायमेंशन क्वांटिटी है ठीक है दूसरा अपना यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट एरर एनालिसिस जहाँ पे अपने को दो ही वैरायटी का सवाल बनता है पहला वैरायटी होता है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे मेजरमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपसे वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको तीन सिंपल स्टेप होता है सबसे पहला स्टेप आपको होता है कि आप उन रीडिंग्स का एवरेज लेते हो तो आपको आर एवरेज मिल जाता है उसके बाद आप हर रीडिंग का एरर निकालते हो तो रीडिंग नंबर वन में एरर कितना होगा रीडिंग माइनस एवरेज रीडिंग माइनस एवरेज तो आपको एरर इन रीडिंग वन एरर इन रीडिंग टू एरर इन रीडिंग एनथ आपको मिल जाता है उसके बाद आपको निकालना पड़ता है मीन एरर तो उसके लिए आप सारे एरर के मैग्निट्यूड का मीन लेते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे मॉड लगाना है mod नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपको सारे एरर्स के मैग्नीट्यूड का यहाँ पे मीन लेना होता है और आपका जो यहाँ पे फाइनल स्टेप होता है दैट इज योर हाउ टू राइट द रीडिंग तो वो आप लिखते हो आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज तो इसके ऊपर आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है जहां पे आपको रीडिंग्स देके आपसे फिर फाइनल रिजल्ट पूछा जा सकता है दूसरा जो यहां पे वराइटी होता है वो ये वाला वरायटी है जहां पे आपको मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का कोई इक्वेशन होता है और आपसे यहां पे एक्स का एरर आपको देगा वाई का एरर आपको देगा जेड का आपको एरर देगा आपसे पी का एरर पूछ लेगा इसको इस तरीके से लिखा जाता है ध्यान ये देना है एक्स की पावर जो होगी वो लेफ्ट साइड में आएगी बी की वाई की पावर जो बी है तो बी आपको लेफ्ट साइड में आ जाएगा जेड का पावर जो सी है तो सी भी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा और इसके ऊपर आपने सवाल ज़रूर से देखा होगा सवाल बनाने को यहाँ पे इस तरीके से भी बना सकते थे कि टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी यह आपको टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का मान लीजिए हमसे सवाल में आपसे कहता है कि आपका जो लेंथ है लेटर से कॉन्स्टेंट है और हमसे कहता है कि ग्राविटी जो है वो आपको डिक्रीज की गई है लेटर से बाई वन परसेंट तो यहाँ पे आप फिर लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ़ डेल्टा जी बाई जी हाफ़ क्यों लगाया सर क्योंकि यहाँ पे जी की पावर बेसिकली हाफ है अंडर रूट में है ना तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई वन तो ये आपको आ जाएगा हाफ परसेंट तो इस तरीके का न्यूमेरिकल हमसे बनाया जा सकता है थर्ड जो अपना यहाँ पे टॉपिक आता है दैट इज इन मोशन इन वन डायमेंशन सबसे सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे होता है आपका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन देखिए काम की बात है सभी को पता है कि ये आपको डिस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है लेकिन जो यहाँ पे खास बात होती है जिसपे आपके न्यूमेरिकल टफ़ बनाया जा सकता है कि आपको वेलॉसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे और तब अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको उसको इंटीग्रेट करना होगा टी से लेकर टी तक डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन सिमिलरली फॉर योर एवरेज वेलॉसिटी तो ये आपको एक अच्छे लेवल का सवाल हो सकता है तीसरा जो यहां पे आपका इंफॉर्मेशन होता है कि आपको डिफरेंशियल एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में आपको जाना आना चाहिए अगर आपके पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है तो यहां पे आप एक्सेलरेशन जो लिखते हो वो लिखते हो वी डी वी बाई डी एक्स तो इस तरीके के छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए ताकि आप कन्वर्जन जो है वो आसानी से कर सकें तीसरा यहाँ पे आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपको रटा होना चाहिए और यहाँ पे आपको जो भी वैल्यूज़ इस्तेमाल करना है वो बच्चा आप साइन में इस्तेमाल करें क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स आपको वेक्टर क्वांटिटी है चाहे वो आपका एस हो यू हो वी हो या फिर एक्सेलरेशन हो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जनरली जेई मेन्स में बहुत कम देखा गया है फिर भी याद रहना ज़रूरी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन योर एन एथ सेकेंड यू प्लस ए बाई टू ब्राकेट टू एन माइनस वन क्लियर है एकदम तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है अगर आपने एक पार्टिकल को सिर्फ वर्टिकली ऊपर फेंका है तो वो ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है तो यहां पे आपका तीन फॉर्मूला काम का है एक तो आपको मैक्सिमम हाइट याद होना चाहिए यू स्क् दूसरा आपको यहां पे याद होना चाहिए कि पार्टिकल को ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम लगता है टू यू बाई जी यानी कि ऊपर जाने का टाइम हो जाएगा सिंपली यू बाई जी अच्छा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका पार्टिकल मान लीजिए एच हाइट अटेन करता है तो वो वो पर्टिकुलर हाइट दो बार अटेंड करता है एक आपको बी पॉइंट पे एक आपको सी पॉइंट पे एक बार ऊपर जाते वक्त एक बार नीचे आते वक्त तो यहां पे आपको बेसिकली एच का जब आप इक्वेशन बनाओगे ना एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क् माइनस लगाया क्योंकि आपका ग्रेविटी नीचे की तरफ है आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका टाइम का दो वैल्यू निकल के आएगा एक टाइम होगा छोटा वाला एक टाइम होगा आपका बड़ा वाला जो छोटा वाला टाइम है वो बताता है आपको कि पार्टिकल को ए से लेके बी जाने में कितना टाइम लगा है और जो आपका बड़ा वाला टाइम है वो ये बताता

वट तो आप तीनों एरियाज के मैग्नीट्यूड को सिंपली यहाँ पे ऐड कर दोगे अगर आपके पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है इस तरीके से और यहां पे ये जो आपका एरिया होगा ये आपको होता है चेंज इन वेलोसिटी क्लियर है अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होगा यानी कि डी वी बाई वो आपको होता है स्मॉल ए बाई वी तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए सो नाउ कमिंग टू द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन मोशन इन टू डायमेंशन इन डायमेंशन इन टू एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पार्टिकल का चेंज करेगा तो ऐसे सिचुएशन में आपको पार्टिकल में आप एक्स में अलग इक्वेशन लगाते हो और वाई में अलग इक्वेशन लगाते हो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो आपको आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में और यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज रटा होना चाहिए एक है आपका ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला टू यू थीटा बाई जी दूसरा आपका एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी लेकिन यहाँ पे इसका ये वाला फॉर्मेट भी ध्यान में रखना यहाँ पे आपको यू स्क्वायर वाई क्या है दैट इज योर यू वाई का होल स्क्वायर तो दोनों फॉर्मेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तीसरा आपका रेंज आता है तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी राइट अच्छा यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में हमेशा जीरो रहता है बिकॉज वी अज्यूम दर इज नो एयर ड्रैग तो ऐसे केस में आप हमेशा ये सब पॉइंट को याद रखेंगे कि आपका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट ठीक है बढ़िया है चलिए तो यहां पे नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि रेंज मैक्सिमम कब हो सकता है और रेंज सेम कब होता है सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 45 डिग्री अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो आपका रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा और अगर आपका दो एंगल के लिए रेंज सेम है तो उन दोनों एंगल का समीशन हमेशा 90 डिग्री होगा क्लियर है एकदम अच्छा अब क्या होता है कि सिंपल सिंपल सवाल तो आप डायरेक्ट फॉर्मुला से सॉल्व कर लोगे लेकिन आपको किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी लिखना आना चाहिए राइट right. तो सपोज कीजिए कि हमसे ये बोलता है कि भैया ये जो पॉइंट पी है इस पॉइंट पे पार्टिकल का एनालिसिस कीजिए तो अगर आपको वी एक्स लिखना है तो भैया एक्स तो आपका एक्स के ही बराबर होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज होता नहीं है जहां तक बात आपकी वीवाई की है तो वीवाई को आप यहां पे लिख सकते हो यूवाई माइनस जी टी क्लियर है एकदम तो अगर आपको vy पता है अगर आपको वी पता है तो आप वी निकाल लोगे क्योंकि vy वी वाई और वी आपका परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्क्वायर करके समिशन करके अंडर रूट मार देंगे तो उससे आपका स्पीड निकल आएगा किसी पॉइंट पी पे क्लियर एकदम और अगर हमसे कोई इसका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो लिख ही सकते हो एक्स आपका कितना हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा यू एक्स टी और वाई कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले से तो ये सब आपको ऑब्वियस बातें हैं लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको सवाल में करना आना है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री की बात करें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होता है बेसिकली आपका जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है इस येलो डॉटेड पाथ का इक्वेशन क्या होता है तो इसका इक्वेशन जो है आपको कम से कम दो तीन वैरायटी याद होना चाहिए इसको ड्राइव करने का एग्जामिनेशन में टाइम नहीं है बच्चा एक तो आपको ये वाला वेरायटी याद होना चाहिए वाईजिकल टू एक्स टैन थीटा जी एक्स स्क्वायेर अपॉन टू यू स्क्वायेर कॉ स्क्वायर थीटा एक तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दूसरा क्या है दूसरा क्या है आपको ये वाला फार्मूला थीटा ब्राकेट वन माइनस एक्स वाई आर तो ये दोनों वेराइटी जो है आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का याद होना चाहिए क्लियर है बाकी ये सब आपको नोट्स में तो मिल ही जाने वाला है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि सर इसको आप नोट्स दोगे कि नहीं दोगे आपको ये कंप्लीट कंपाइल्ड पीडीएफ मिलेगा ठीक है तीसरा अगर आपने किसी पार्टिकल को किसी टावर से प्रोजेक्टाइल किया है फेंका है किसी एंगल थीटा पे तो आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए किसी भी प्रोजेक्टाइल में बच्चा सबसे पहले आपका धर्म होना चाहिए

जितना टाइम उसको लगा है नीचे गिरने में इस तरीके से आप ऐसे वाले सवालों को भी हैंडल कर लोगे लेकिन आपको 99% क्वेश्चन जो बनता है इस पे बनता है कि आपने पार्टिकल को टावर से तो फेंका है लेकिन हॉरिजॉन्टली फेंका है तो हॉरिजॉन्टली फेंकने में फायदा यह होता है कि आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो भी है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है तो जब आप ऐसे में फार्मूलाज डिराइव करोगे तो आपको दो फार्मूला याद करना है एक इसको नीचे आने में टाइम कितना लगता है तो दैट इज अंडर रूट टू एच बाई जी ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए आपके पास टाइम नहीं है एग्जामिनेशन में इसको ड्राइव करने का दूसरा आपको इस रेंज का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए रेंज तो सिंपली आपको क्या होता है हॉरिजोंटल स्पीड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट तो दोनों को आप सॉल्व करेंगे आपको रेंज निकल के आ जाएगा क्लियर एकदम अच्छा नेक्स्ट आपका आता है मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन तो इंक्लाइन प्लेन पे आपको बच्चा दो चीजों का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए सबसे पहला आपका यहाँ पे फॉर्मुला आता है कि इंक्लाइन प्लेन पे पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में तो यहां पे आप क्या करते हो एक्सेलरेशन का भी कॉम्पोनेंट लेते हो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ग्राविटी का अलॉन्ग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हमने कॉम्पोनेंट ले लिया और हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी इंक्लाइन के अलोंग ही रखा है एक्स इंक्लाइन के अलोंग है वाई एक्सिस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट इज टू यू वाई बाई ए वाई राइट यानी कि टू यू साइन एल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा और 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 अगर आपसे कोई मैक्सिमम हाइट पूछे अगर आपसे कोई मैक्सिमम हाइट पूछे ये वाली यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या है ये वाली है तो इसका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा और अगर आपसे कोई रेंज पूछेगा तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा इस तरीके से तो रेंज के लिए आप कोई फॉर्मूला ना ही रटे तो बेहतर है आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया तो आप फिर रेंज के लिए इक्वेशन लगा दें आपका सिंपल सा यहाँ पे टिप है ठीक है अच्छा अब ये वाला जो था अभी जो हमने देखा ये वाला आपका मोशन अप नीचे फेंका है तब आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ये है आपका एच मैक्स ये है और फिर आपका जो रेंज का इक्वेशन होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा सो so, दोनों में सिर्फ साइन का ही अंतर है बाकी और कुछ खास अंतर है नहीं यहाँ पे तो ये दोनों केसेस आपको याद रहना चाहिए जो लास्ट केस यहाँ पे बनता है दैट इज़ ऑफ रिलेटिव मोशन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक ट्रॉली है जो कि मूव कर रहा है और उसके ऊपर कोई कोई आदमी खड़ा है राइट ये ट्रॉली का भी वेलोसिटी आपको वीटी दिया हुआ है और जिसने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है लेटर से कि उसने उसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो इस यू का दो कॉम्पोनेट हो जाएगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल में आपको हो जाएगा यू साइन थीटा तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस बॉल का जो अब हॉरिजॉन डायरेक्शन में स्पीड है वो है यू कॉस थीटा प्लस वी टी और वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड है यू साइन थीटा अब सिर्फ यू कॉस थीटा नहीं है अब यू कॉस थीटा प्लस वी टी है बस इतना ही चेंज आया है बाकी सब आपका सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला में तो सिर्फ वर्टिकल Component का कंपोनेंट का वेलोसिटी लिया जाता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा एच मैक्स भी वही रहेगा बस आपका जो रेंज है वो बदल जाएगा क्योंकि रेंज में आप हॉरिजॉन्टल स्पीड को लेते हो और और अब आपका यही है हॉरिजॉन्टल स्पीड दैट इज u cos थीटा प्लस vt तो इतना बात अपने को ध्यान में रखना है अगर आपका ऐसा कोई सवाल आ जाता है आई होप मेरी बातें आपको एकदम क्लियर है ठीक है चलिए बढ़िया है अब आपका नेक्स्ट आता है रेनमैन प्रॉब्लम सिंपल सा यहां पे आपको जो स्टैंडर्ड केस बनता है कि आपका रेन जो है मान लीजिए वर्टिकली नीचे गिर रहा है आपका जो आदमी है वो राइट right साइड भाग रहा है विद सम वेलोसिटी वीएम तब उस आदमी को जो रेन है किसी एंगल पे अपियर होगा फॉल करता हुआ उसको लगेगा कि रेन इस एंगल पे आ रहा है तो वो अपने छाते को भी उसी एंगल पे रखेगा ताकि वो उससे बच सके भीगने से और ऐसे सिचुएशन में आपसे ये एंगल थीटा अगर पूछ लेता है तो आप इस एंगल थीटा का फॉर्मूला ये वाला ध्यान में रख सकते हो दैट इज Vm एम बाई वी आर वी एम इज वेलॉसिटी ऑफ मैन एंड वी आर इज वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलॉसिटीज आपको दे रखी है क्लियर है एकदम तो ये वाला चीज अपने को ध्यान में रहना चाहिए और ये थीटा फिर आप निकाल लोगे टन इनवर्स वी एम बाई वी आर तो जनरली हमसे ये एंगल थीटा इस सिचुएशन में पूछा जाता है जहां तक बात रिवर स्विमर प्रॉब्लम की है तो यहाँ पे बच्चा आपका दो तीन इंपॉर्टेंट केस है और पिछले जो आपका हिस्ट्री देखा गया है जेई मेन्स का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका रिवर स्विमर प्रॉब्लम से ही बनता है यहाँ पे आपको तीन टर्म होता है एक आपको होता है रिवर का वेलोसिटी एक आपको होता है स्विमर का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर यानी कि ये उस स्विमर की अपनी खुद की वेलोसिटी है जिस ताकत से वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो एक ग्राउंड पे खड़े बंदे को दिखाई देने वाला है राइट अच्छा इसका मतलब ये है कि रिवर आपको राइट साइड फ्लो कर रहा था आदमी इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश किया लेकिन वो अल्टीमेटली जाने वाला है इस ग्रीन वेक्टर के अलोंग वो जाने वाला है इस ग्रीन वेक्टर के अलोंग तो पहली बात तो अपने को ये टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए अब इसको हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सा काम करिए कि ये जो आपका VS/R है इसका आपने एक कंपोनेंट इधर ले लिया आपने एक कंपोनेंट इधर ले लिया यानी कि आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है VS/R cos थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आदमी का नेट वेलोसिटी होगा थीटा इसी के ऊपर आपका पूरा पूरा खेल होता है क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जो कि स्विमर को रिवर को क्रॉस कराने में हेल्प करती है और ये वो वेलोसिटी है जो स्विमर को ड्रिफ्ट कराती है यानी कि एक्स डायरेक्शन में स्विमर को डिस्प्लेसमेंट दिलाती है तो अगर हमसे कोई ड्रिफ्ट पूछेगा तो ड्रिफ्ट आपको बेसिकली होगा ये हॉरिजोंटल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम जितना टाइम लगा है स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में और कितना टाइम लगेगा वो टाइम आपका क्या हो जाएगा दिस वेथ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाई जितना उसका वर्टिकल स्पीड है दैट इज़ योर वी एस बाई आर थीटा तो इतना टाइम स्विमर को लगने वाला है क्रॉस करने में और इस टाइम को आप जब हॉरिजॉन्टल वाले स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको बेसिकली ड्रिफ्ट दे देने वाला है अब इसी के ऊपर हमसे केसेस बनता है कि भैया उसको शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा या फिर शॉर्टेस्ट पाथ अगर उसको लेना है तो क्या करना पड़ेगा तो आपको फिलहाल रिजल्ट याद में रखना है कि कंडीशन टू क्रॉस इन मिनिमम टाइम अगर स्विमर को कम से कम समय में रिवर को क्रॉस करना है तो जो उसका वीएस बाय आर है वो वीआर के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो वीआर के परपेंडिकुलर होना चाहिए मेरी बात समझ में आ रही है तो आप देख सकते ये इसका ट्रायंगल डायग्राम है तो ये आपका vs आर है ये आपका VR है और ये आपका VS है राइट तो यहां से आपको कभी-कभी VS पूछ सकता है तो ये आप देख सकते हैं अप्लाई द पाइथागोरस लॉ राइट अगर आपसे फाइव पूछता है तो आप ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करके फाइव निकाल सकते हैं तो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा वो आपको हो जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय VS/R इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कितना मिनिमम टाइम उसको लगा होगा रिवर को क्रॉस करने में दूसरा हमसे केस पूछता है कि भैया उसको मिनिमम पाथ क्या लगा होगा या फिर ड्रिफ्ट जीरो का कंडीशन क्या है ड्रिफ्ट जीरो का मतलब है कि भैया ये जो डी था ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं आपको सबसे पहला कंडीशन तो ये है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर इज स्मॉलर दैन वी एस बाई आर तो इस एंगल पे अगर स्विमर स्विम swim करे जहां पे एंगल थीटा वीएस के साथ लिया हुआ है यानी कि परपेंडिकुलर टू वी से लिया हुआ है तो अगर इस एंगल पे आपका स्विमर स्विम swim करेगा तब वो आपको ड्रिफ्ट जीरो पाएगा इन दैट केस द ड्रिफ्ट इज गोइंग टू बी जीरो और उस केस में आपका होगा क्या कि आपका जो वीएस होगा वो डायरेक्टली इस तरीके से होगा आदमी अगर ए पॉइंट से चालू किया है तो आदमी आपको बी पॉइंट पे सीधा जाके पहुंच जाएगा लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपका जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो कम है आपके स्विमर के वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू द रिवर अगर आपका वीआर वीएस बाय आर से ज्यादा है इन दैट केस कभी भी ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगा एंड दिस इज अ स्पेशल केस जिसके ऊपर सवाल अगर आता है तो बहुत से बच्चे इसमें फसेंगे स्पेशल केस क्या है कि अगर आपका वी आर वी एस बाई आर से ज्यादा है तो ड्रिफ्ट कभी भी जीवन में जीरो नहीं हो सकता वैसे केस में आप ड्रिफ्ट को मिनिमम कर सकते हैं वैसे केस में आप ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा लेकिन उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है तो वो अभी भूल जाइए आप रिजल्ट को ध्यान रखिए कि आप ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर पाएंगे लेकिन मिनिमम कब कर पाएंगे अगर आपका ये एंगल थीटा साइन इनवर्स अपॉन वी आर के बराबर होगा ये रिजल्ट आपको याद रखना है इस सिचुएशन में क्या मेरी बात क्लियर है क्या मेरी बात एकदम आपको क्लियर है बताइए ये बहुत ही आपको बच्चा इंपॉर्टेंट केस है ठीक है चलिए बढ़िया है नेक्स्ट आपका यहां पे देखिए लॉज ऑफ मोशन में आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो तो आपको आना ही आई होप आपको पता होगा कि नॉर्मल फोर्स क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स है राइट right? तो इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे इसके ऊपर आपको सवाल खूब बनता है आपका जो स्टार्टिक इक्वीबरियम का प्रॉब्लम होता है राइट right? स्टार्टिक्विबरियम में आप क्या करते हो वाई डायरेक्शन में आप फोर्सेस को बराबर करोगे एक्स डायरेक्शन में आप फोर्सेस को बराबर करोगे और फिर दो दो इक्वेशन आपको बनेगा आपको सिंपली उसको बस सॉल्व कर देना है ठीक है अच्छा आपको सिंपली उसको बस सॉल्व कर देना है ये आपका है आउटपुट मशीन इसका रिजल्ट जो है ना बच्चा वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में अगर आपको इस सिंपल आउटपुट मशीन मशीन का रिजल्ट याद है तो आप न्यूमेरिकल्स को जल्दी क्रैक कर सकते हो दैट इज एक्सेलरेशन इज हेवियर मास माइनस योर लाइटर मास अपॉन टोटल मास इनटू ग्रेविटी इससे आप सवाल को बहुत जल्दी क्रैक कर लोगे राइट right? अच्छा नेक्स्ट यहां पे आपका आता है आउटपुट मशीन का जो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होता है जहां पे आपको दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है ऐसे सिचुएशन में जो आपको ट्रिक याद रखना है दैट इज 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 योर सिग्मा सिग्मा टी टी डॉट डॉट ए ए जीरो जीरो राइट तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए इस वाले डायग्राम में इन द डायग्राम नंबर सी अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले ब्लॉक पे जो टेंशन है वो सिर्फ टी है लेकिन इस वाले ब्लॉक पे टेंशन आपको टू टी है तो आप यहां पे क्या करते हो आप इसका एक्सिलेशन ए वन मान लेते हो आप इसका तो मिलकर आ जाता है तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये वाला होता है दूसरा इक्वेशन ये होता है तीसरा इक्वेशन आपके पास एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है जिससे आप इन सवालों को फिर सॉल्व कर पाते हो तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं अब ये जो जो आपका मशीन का है है इसका आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि जब आप किसी एक ऐसे सिस्टम में हो ऊपर की तरफ कर रहा है, तो आपको आपको महसूस महसूस होता होता है 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 वो अगर नीचे कर रहा तो तो वैसे केस में आपको जो महसूस हो रहा है वो कितना वजन है वो रीडिंग क्या है अगर आप एक स्केल पर खड़े हो तो वेइंग स्केल की रीडिंग क्या है वो रीडिंग अपने को ध्यान में होनी चाहिए आप इसको हालांकि दोबारा से एफ बना के सॉल्व कर सकते हो लेकिन बहुत से बच्चे इसका ना रिजल्ट ही याद कर लेते हैं कि अगर आपका सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सोलेट कर रहा है तो आपका जी इफेक्टिव हो जाता है जी प्लस ए और अगर आपका सिस्टम नीचे की तरफ एक्सोलेट कर रहा है तो आपका जी इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए तो जो नॉर्मल आप महसूस करोगे दैट इज सिंपली मास इंटू जी इफेक्टिव सो मासू जी प्लस ए मास इंटू जी माइनस है लेकिन जो आपका वेंग स्केल होता है वो आपको किलोग्राम में रीडिंग दिखाता है तो आप इस आप इस नॉर्मल को ग्राविटी से डिवाइड करोगे तो आपको रीडिंग निकल के आ जाएगा तो आपको इन फॉर्मुलेस को रटने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप सॉल्व करते हो ऐसे क्वेश्चन को ठीक है सेम कहानी आपको होता है स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग बैलेंस में बेसिकली अगर आपसे इस स्प्रिंग बैलेंग बैलेंस का रीडिंग पूछ रहा है तो आपको सिर्फ इस धागे का टेंशन निकालना है और उसको ग्रेविटी से डिवाइड कर देना और टेंशन कैसे निकालते हैं वो तो हमको आता ही है इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखो और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए आपको टेंशन निकल के आ जाएगा तो ये वाला चीज भी अपने को पता रहना चाहिए अगर रीडिंग पूछ ले तो ठीक है स्प्रिंग कटिंग का कॉम्बिनेशन सपोज कीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होता है स्प्रिंग के केस में दैट इज के इन एल इज कॉन्स्टेंट स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग का लेंथ ये जो प्रोडक्ट है वो आपको कॉन्स्टेंट होता है वो आपको कॉन्स्टेंट होता है तो मान लीजिए आपने इस स्प्रिंग को कट किया है दो हिस्सों में एक का लेंथ एल है दूसरे का लेंथ एल है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से के वन एल वन के टू ऑन के इन टू एल्व ये सब आपको आपस में बराबर होने चाहिए तो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी आपको अगर याद है तो स्प्रिंग कटिंग के सवाल आप सॉल्व कर लोगे जहां पे आपको एक स्प्रिंग देगा बोलेगा कि आपने उसको आठ हिस्सों में कट कर दिया है तो बताइए हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अब अब क्या होने वाला है तो आप ये फंडे से उसको सॉल्व कर लोगे सही बात है फिर नेक्स्ट आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग अगर आपके पास दो स्प्रिंग है और आपने उसको अगर जोड़ा है तो यहाँ पे अगर सीरीज में जोड़ा है तो जो के इक्वेलेंट होगा उसका फॉर्मूला है, है।, है तो इसका फॉर्मूला है।, तो है, है जो कि रहना चाहिए क्योंकि इसको आप एस में भी अप्लाई करोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम राइट अब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हालांकि सिंपल सा इतना कहता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में इक्वेशन जो लिख रहे हो वो आप अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिख रहे हो कहने की बात है अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो कार्ट है वो आपको राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए अब इस सिचुएशन में जो आपका ऑब्जर्वर है ना वो इस गाड़ी के अंदर ही खड़ा है और उससे बोला जा रहा है कि भैया इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्योंकि ये ऑब्जर्वर एक एक्सलरेटेड फ्रेम के अंदर खड़ा है तो वो सूडो फोर्स को अप्लाई करेगा और सूडो फोर्स अप्लाई करने से आपका सवाल ईजी बन जाता है सॉल्व करने के लिए तो वो क्या बोलेगा कि भैया ये जो पार्टिकल है ना ये पार्टिकल पे एक रियल फोर्स तो दिखा दो टेंशन डाउनवर्ड में आप एम भी दिखा दो लेकिन वो सूडो फोर्स दिखाएगा जिसका फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो होगा मास इन टू एक्सिलेशन ऑफ द का डायरेक्शन होगा इस एक्सेलरेशन के अपोजिट अब इस वाले बंदे के लिए ये पार्टिकल है तो रेस्ट पे तो उसने स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगा दिया यानी कि टेंशन को रिजॉल्व किया वाई और एक्स में सो टी कॉस थीटा एम जी के बराबर है टी साइन थीटा एम ए के बराबर है दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके उस बंदे ने टी का वैल्यू भी निकाल लिया और टैन थीटाजिक टू ए बाई जी भी निकाल लिया तो इस तरीके से भी आप सवाल को हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडो फोर्स ये जो आपका लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है यहां पे फोर्स वाला चैप्टर में कि आपको कभी कभी फोर्स एज अ टाइम दिया जा सकता है तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे को हम लोग हमेशा लिखते हैं तो कर और फिर इंटीग्रेशन मार देंगे फिर सवाल में जो भी पूछ रहा है अगर आपको फोर्स एज फंक्शन ऑफ एक्स दिया है तो आप एक्सेलरेशन को वेलोसिटी दिया है तो आप फिर से, को लिख देंगे. इस तरीके से आप सवाल को हैंडल कर सकते अगर आपको फोर्स वेरिएबल फॉर्मेट में दिया है तो राइट बढ़िया है क्या आप सभी को यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो रही है बताइए कम ऑन एक बार आप लोग सबको अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि क्या आप सभी को चीजें समझ में आ रही है एंड uh, कहा गया हां जी हांजी कमौन ये रिकॉर्डेड नहीं बेटा ये लाइव चल रहा है ठीक है आई नो आपको शायद स्पीड ये तेज लग सकता है लेकिन बच्चा स्पीड अगर आपने मेरे स्पीड के साथ अपने मोमेंटम को पकड़ लिया ना तब आपको बहुत मजा आने वाला है ठीक है बहुत ऐसा हॉलू हॉलू और धीरे धीरे ये वो समय रहा ही नहीं है कि बहुत धीरे धीरे चीजों को अब समझा जाए अब है कि बहुत फास्ट पेस में अपने को चीजों को पकड़ना पड़ेगा ग्रास्प करना पड़ेगा तो आपका अटेंशन पूरा पूरा मुझे इस समय स्क्रीन के ऊपर चाहिए ठीक है बेटा आपने कंप्लीट इलेवेंथ करने वाले आज चलिए ध्यान से देखिए फ्रिक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फ्रिक्शन का यहाँ पे आपको दो वेराइटी है एक आपका क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन एक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है ध्यान से देखिए इसका ग्राफ आपने जरूर से देखा होगा कि आप जब आप जब एक्सटर्नल फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन अपने आप को पहले शुरुआत में सेल्फ एडजस्ट करता है ब्लॉक को मूव करने नहीं देता है तो यही है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग वाला नेचर जहां पे फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है और प्रपोर्शनली बढ़ रहा है इसलिए आपको ये एंगल 45 डिग्री है लेकिन आपको एक ऐसा मोमेंट आता है जिसके बियॉन्ड आपका फोर्स आप जितना भी बढ़ा दो आपका फ्रिक्शन फिर कांस्टेंट हो जाता है सो दैट कांस्टेंट फ्रिक्शन इज बेसिकली योर स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज योर स्टार्टिंग सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन और जो आपका ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या फिर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका आपको फॉर्मूला होता है म्यूएस इंटू नॉर्मल तो फ्रिक्शन में मुद्दे की बात दो ही होती है एक आपको ये बात पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन बॉडी पे कब लगता है कितना लगता है दैट इज म्यूएस इंटू नॉर्मल दूसरा फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए उसके लिए आपको समझना होगा कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना कि सिर्फ मोशन को मैं दोबारा बोलूंगा फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना कि सिर्फ और सिर्फ मोशन को कहने की बात है कि आपने बहुत टाइम से सिर्फ यही डायग्राम अगर देखा है तो फिर आप कंफ्यूजन में है अगर आपका ब्लॉक एक फिक्स्ड ग्राउंड पे राइट साइड भाग रहा है तो ग्राउंड उसको अपोज करेगा ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन ऐसा है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक ठीक है एक डायग्राम को मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं तो जो आपका ऊपर वाला ब्लॉक है उसका वेलोसिटी टू मीटर पर सेकंड है जो आपका नीचे वाला ब्लॉक है उसका वेलोसिटी फोर मीटर पर सेकंड है तो अगर अगर अगर, अगर आप इस ब्लॉक पे आके खड़े हो जाओ अगर आप ब्लॉक नंबर बी पे खड़े हो जाओ तो आपको ब्लॉक ए का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा ध्यान से सोच से सोचो आपको इस केस में ब्लॉक ए का वेलोसिटी पीछे की तरफ दिखाई देगा दैट इज योर टू मीटर्स पर सेकेंड रिलेटिव यानी कि बी के रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में ए वाला ब्लॉक पीछे भाग रहा था इसलिए ए वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन एफ आगे लगा है और अगर ए पे फ्रिक्शन आगे है तो ए बी पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा एज सिंपल एज इट इज तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा उसके लिए आपको रिलेटिव मोशन को समझना जरूरी है क्लियर है ये जो पुशिंग और पुलिंग वाला केस है ना ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कभी कभी नॉर्मल लिखने में गलती करते हैं बच्चे को को हमेशा लगता है ना कि नॉर्मल जो है सर वो तो सर एमजी के बराबर ही होगा ये सर सरासर सर, गलत है बेटा नॉर्मल के बराबर तभी होगा जब वर्टिकल डायरेक्शन में आपको और कोई फोर्सेस है ही नहीं लेकिन अगर आप यहां पे एग्जाम्पल देखो अगर आप इस ब्लॉक को पुश कर रहे हो तो एफ का एक कॉम्पोनेट एफ साइन सिमिलरली अगर आप ब्लॉक को पुल कर रहे हो तो एफ का एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा है तो अब आपका जो नॉर्मल है वो है एम जी माइनस एफ साइन थीटा क्योंकि नॉर्मल पे ही आपका फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करती है सो दैट इज दाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बढ़िया है चलिए आगे बढ़ते हैं मिनिमम टाइम टू स्टार्ट स्लिपिंग इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है अगर आपके पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को आपको सवाल में पूछा गया है कि भैया इस पर कितना मिनिमम फोर्स लगाए ताकि ये स्लिप कर जाए तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए रिजल्ट गलत आता है आपको यहाँ पे फोर्स किसी एंगल पे लगाना होता है और वो एंगल थीटा जो होता है दैट इज नथिंग बट टैन इनवर्स म्यू आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि एंगल थीटा जिस पे आपको ये ब्लॉक स्लिप करना शुरू करेगा दैट इज टैन इनवर्स म्यू और जो उस फोर्स की वैल्यू होगी दैट इज म्यू एम जी अपॉन रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन इस पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है जेई के एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपको डेरिवेशन है डेरिवेशन की अब आपको जरूरत नहीं है ठीक है कॉन्टैक्ट फोर्स को बहुत से बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं

मैक्सिमम हो जो कि आपको होता है म्यू इंटू नॉर्मल तो यहां पे म्यू इंटू नॉर्मल का होल स्क्वायर किया हुआ है इसलिए आपका कांटेक्ट फोर्स का जो रेंज है वो इस बीच में लाई करता है इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंगल ऑफ रिपोज आप सभी को पता है कि अगर आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है वहां पे एक ब्लॉक स्टेशनरी रखा हुआ है तो वो ब्लॉक स्लिप करना कब शुरू करता है अगर आपका जो एंगल थीटा है वो टैन इनवर्स म्यू के बराबर है सिंपल सा फॉर्मूला है ये अगर आपका एंगल थीटा टैन इनवर्स म्यू के बराबर है और और इस एंगल थीटा को ही हमको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टैन इनवर्स म्यू से कम है तो आपका ब्लॉक वहीं का वहीं रहेगा और अगर ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है राइट तब आपका ब्लॉक स्लिप करना शुरू करेगा विद एक्सलेशन ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा यह आपको पता रहना चाहिए इसके ऊपर आपको बड़ा ही सिंपल सा सवाल पहले भी पूछा जा चुका है एक चीटी है आपको ऊपर की तरफ चढ़ती 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 है हमसे अगर कोई ये आल्फा पूछेगा कि किस एंगल आल्फा के लिए ये चीटी आपको चढ़ते 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 जस्ट स्लिप करना शुरू कर जाती है तो आप सभी को आप समझ सकते हैं कि टैन आल्फा यहाँ पे टैन आल्फा शुड बी इक्वल टू म्यू इसको सॉल्व कीजिए आपको सवाल क्लियर हो जाएगा एकदम तो ये आपको रिजल्ट अगर ध्यान में है तो आप सवाल को हैंडल कर लेंगे अगर आपके पास चेन रखा होता है तो इसके ऊपर सवाल बनता है कि चेन का ये जो आपको लेंथ है चेन का ये जो आपको लेंथ है कितना मैक्सिमम लेंथ आप लटका सकते हैं ताकि आपको चेन जस्ट स्लिप करना शुरू हो जस्ट स्लिप लिमिटिंग केस की बात की जा रही है तो उसके लिए ये आपका रिजल्ट निकल के आता है म्यूएल म्यू μु आपका यहां पे सरफेस पे जो आपका फ्रिक्शन है सो म्यूएल अपॉन वन प्लस म्यू राइट मैक्सिमम एक्स जिसके लिए आपको चेन जस्ट स्लिप करना शुरू होगा उसके लिए ये आपको रिजल्ट आ जाता है बढ़िया है ठीक है तो इस तरीके से बच्चा अपना फ्रिक्शन भी क्लियर है तो आप देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रिवाइज करें और यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास खुद का इस तरीके से कुछ कंटेंट होगा तो आप इसको एक घंटे में कंप्लीट रिवाइज़ कर लोगे वर्क एनर्जी पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वर्क का जो आपको आ, फॉर्मेट uh, होता है वो दो से तीन होता है क्या तो आपको वहां पे डायरेक्टली एफ डॉट एस करने को मिल सकता है आपको एफ वेक्टर फॉर्म में हो आपको डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में हो आप यहां पे एफ डॉट एस कर दोगे दूसरा फॉर्मेट होता है अगर आपके पास जो फोर्स हो वो किसी एक्स का फंक्शन हो फोर्स इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो वैसे केस में आप जो वर्कडन निकालते हो दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स है ना एफ डी एक्स को आप इंटीग्रेट मारते हो आपको वर्कडन निकल के आ जाता है ठीक है तीसरा जो यहाँ पे फॉर्मेट है अगर आपका फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वैसे केस में आपको ये जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आपको हु बहू ऐसे फॉलो करना है इस केस में आप क्या करते हो आप फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सलेशन और और आप एक्सलेशन को यहाँ पे लिख सकते हो डी वी बाई करके तब आपको इस तरीके से फॉलो करके चीजों को सॉल्व करना है चौथा आपको होता है कि अगर आपको फोर्स और एक्स का अगर आपको फोर्स और एक्स का ग्राफ दे दिया है तो वहाँ पे जो आपका एरिया अंडर दी कर्व होगा वही आपका बेसिकली वर्क डन हो जाएगा तो ये चार फॉर्मेट पे आपको वर्क डन के सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मेट होता है दैट इज़ अ वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपका सिस्टम पे टोटल डन है जो आपका सिस्टम पे टोटल डन है टोटल ये जो वर्क डन है वो आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी हो गया स्प्रिंग फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया सो so, उसे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जहां पे आपका फ्रिक्शन आ सकता है डन ड्यू टू एनी एक्सटर्नल एजेंट जहां पे कोई एक्सटर्नल आदमी ह्यूमन बींग कुछ काम कर रहा है ये टोटल वर्क डन जो होता है वो आपको चेंज इन कैनेटिक एनर्जी के बराबर होता है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज़ माइनस ऑफ डेल्टा यू तो आप कभी कभी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ से रिमूव करके इसको माइनस डेल्टा यू से रिप्लेस करोगे तो आपका यही वाला फॉर्मेट आ जाता है दैट इज़ वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू ये आपको हो गया है वर्क एनर्जी थ्योरम आपका जहां पे डेल्टा के चेंज इन कैनेटिक एनर्जी है डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है ग्राविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आपका हो सकता है क्लियर है अब यहां पे स्पेशल केस क्या है कि मान लीजिए कि आपका कोई फ्रिक्शन भी नहीं है देर इज नो फ्रिक्शन देर इज नो फ्रिक्शन इन दिस सिस्टम यानी कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एजेंट भी नहीं है तो वैसे केस में आपका लेफ्ट साइड जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जो है वो जीरो हो जाएगा, दैट नो चेंज इन टोटल एनर्जी और उसे ही हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यानी कि सिस्टम का जो टोटल एनर्जी शुरुआत में था वही आपका सिस्टम का टोटल एनर्जी बाद में रहने वाला है इसके ऊपर आपको सवाल खूब बनता है ठीक है ये वाला जो आपका वैरायटी है इस पे आपको बहुत रेयरली सवाल देखने के लिए मिलता है लेकिन ध्यान में रहना चाहिए दैट इज फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स ठीक है यहां पे आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में आइडिया होना चाहिए आप सभी ने ऐसा वाला प्लॉट जरूर से देखा होगा ये आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर अगर आपने पार्टिकल को लेफ्ट राइट डिस्प्लेस किया तो वो वापस से उसी पोजिशन पर आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर आपको एस एच एम अक्कर कर सकता है लेकिन अनस्टेबल पर आपको एस एच एम नहीं होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला कंडीशन भी आपको याद होना चाहिए दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू

मैग्नेट अगर है मैग्नेटिक फील्ड में तो माइनस एम डॉट बी और अगर आपका कोई रॉड जो है वो अगर स्ट्रेस्ड फॉर्मेट में है तो वहां पे आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है दैट इज योर हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम तो ये आपको सारे फॉर्मूले हो जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के पावर का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होता है एवरेज पावर होता है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम और इंस्टेंटेनियस पावर आपको होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी और डी डब्ल्यू बाई डी टी से ही आप ये वाला रिजल्ट भी ड्रेड्यूस करते हो दैट इज एफ डॉट बी और रादर एफ बी कॉस थीटा क्लियर है एकदम चलिए बताइए क्या यहां तक की चीजें आपको क्लियर है बताइए बच्चा लोग क्या आप सभी सब क्या आप सभी को यहां तक की चीजें क्लियर है क्या एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बच्चा पीडीएफ मिलेगा है ना लेकिन पहले से देखिए सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा वेन आई एम सींग तो वो आपके दिमाग में ज्यादा घुसेगा सिर्फ पीडीएफ को रीड कर लोगे तो शायद उतना नहीं समझ में आएगा है ना? चलिए आगे बढ़े बात करें सर्कुलर मोशन की चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर सर्कुलर मोशन तो आप देख सकते हैं मात्र पचास मिनट उन ओनली इन फोर्टी मिनट्स वी हैव रीच सर्कुलर मोशन देखिए सर्कुलर मोशन में क्या है ना आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपका एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे गोल 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 घूम रहा है तो वैसे सिचुएशन में पार्टिकल के पास दो एक्सल्रेशन हो सकता है पहला एक्सेलेशन आपका जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन या फिर योर रेडियल एक्सेलेशन जिसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर राइट right. और अगर पार्टिकल का स्पीड भी चेंज हो रहा है अगर पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड भी चेंज हो रहा है कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहां पे स्पीड v1 थी यहां पे स्पीड v2 थी और यहां पे स्पीड v3 थी अगर पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है यानी पार्टिकल के पास एक टांजेंशियल एक्सेलरेशन भी है तो यही दो यहां पर फंडामेंटल कहानी होती है बाकी ओमेगा आपको पता ही रहता है ओमेगा आपको होता है एंगुलर वेलोसिटी उसकी यूनिट आपको होती है रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा को आप डी थीटा बाई डी टा भी लिख सकते हो ओमेगा को आप डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते सकते हो दैट इज योर इंस्टेंटेनियस ओमेगा राइट लेकिन काम की बात है कि टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज योर अल्फा इनटू आर वेर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड योर नॉर्मल या फिर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज योर वी स्क्वायर बाय आर या फिर आपका ओमेगा स्क्वायर आर ये आपको की इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है सर्कुलर मोशन में अब यहाँ पे आपको जिस पे न्यूमेरिकल बनता है एक है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका जीवन में कोई भी पाथ हो किसी भी पॉइंट का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कहने का मतलब है कि वो जो कर्वेचर है वो किसी सर्कल का हिस्सा है और उस सर्कल का रेडियस क्या है उसे आप सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं तो यहाँ पर जो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज योर वी स्क्वेर बाई एक्सल्रेशन कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी और एक्सलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए क्लियर है और अब देखिए 99.9 परसेंट चांस है कि क्वेश्चन इसी पे बने बहुत रेयर है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये डिफरेंशियल फॉर्मूला याद रखना पड़ सकता है इस पे आने की चांसेस बहुत 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 कम है लेकिन एन का कोई भरोसा नहीं है कब उनका दिमाग फिर जाए कब उनका मूड चेंज हो जाए ठीक है तो भैया इसको याद रख लेना याद रख लेना इस फॉर्मूले को भी राइट right? अच्छा इसके ऊपर जो आपको सवाल बनता है बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको यहाँ पे दो जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता है एक तो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इजी है क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोइंसिडेंटली परपेंडिकुलर ही था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा u स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा बाई जी मुश्किल आती है अगर आपसे पूछ लेता है किसी पॉइंट ए पे क्योंकि यहाँ पे आपको वेलासिटी और ग्राविटी के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्रीज नहीं है तो इस सिचुएशन में आप ग्राविटी का कॉम्पोनेंट लोगे कुछ बच्चे मेरे से पहले भी पूछते थे कि सर ग्राविटी का क्यों लिया

कैलकुलेशन एंड ऑल उस पे बाद पे आप फोकस कर सकते हैं लेकिन मुद्दे की बात यही थी अब यहाँ पे आपका आता है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो अभी तक आपने तो सिर्फ इतना ही सीखा कि आपका जो भाई ये वी होता है वो ओमेगा आर होता है यानी ओमेगा v... आपको होता है वी बाई आर लेकिन अगर यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट है दोनों पॉइंट का वेलोसिटी है तो एक पॉइंट पे खड़े होकर दूसरे पॉइंट को देखोगे तो ओमेगा कितना दिखाई देगा ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आपको दो में ग्रेविटेशन पे सवाल बनाया गया था राइट तो जानना जरूरी है ठीक है तो आपका जो ये पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी वी है आपका जो पॉइंट बी है उसकी वेलोसिटी वी भी है तो हमसे पूछता है कि बताओ व्हाट इज ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए यानी कि अगर आप ए पे खड़े हो जाओ अगर आप ए पे खड़े हो जाओ तो आपको बी का ओमेगा कितना दिखाई देगा द मोमेंट यू स्टैंड आपके लिए रेस्ट पे आ गया और बी का जो वेलोसिटी है अब आप बोलोगे सर वो है वी बी माइनस वी ए तो आपका ओमेगा कितना हो जाएगा वी बी माइनस वी ए अपन आर दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज योर रिलेटिव एंगुलर वेलॉसिटी क्लियर है एकदम अच्छा अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है तो यहां पे आपका सर्कुलर मोशन को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है एक आपका यूनिफॉर्म है और दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि आपका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट होगा यानी कि आपका अल्फा जो है वो जीरो होगा अगर आपका अल्फा जीरो है है यानी कि आपका एक्सेलरेशन जीरो और आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल लेकिन अगर आपका सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि आपके पार्टिकल का ओमेगा चेंज कर रहा है क्या तो इंक्रीज कर रहा होगा या फिर डिक्रीज कर रहा होगा वैसे सिचुएशन में जहां पे आपका ओमेगा वेरिएबल है तो आपके पास ओमेगा भी होगा अल्फा भी होगा कहने का मतलब है कि आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा और आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा वैसे केस में जो पार्टिकल पे नेट एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट ये आपको ध्यान में रहना चाहिए क्लियर है मेरी बात आगे बढ़ते हैं अच्छा अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है लेकिन अल्फा कांस्टेंट है आपका जो एंगुलर एक्सलेशन है अगर वो कांस्टेंट है तो जितने भी आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन कैनोमेटिक्स में सीखा है वो सब यहां पे बच्चा आपको वैलिड होने वाला है यानी आपका ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी राइट सो बेसिकली आप वी को रिप्लेस करोगे ओमेगा फाइनल से आप यू को रिप्लेस करोगे ओमेगा इनिशियल से आप एस को रिप्लेस करोगे थीटा से और आप ए को रिप्लेस करोगे अल्फा से सिंपल कहानी है एकदम सिंपल अच्छा जहां तक साइन कन्वेंशन की बात है अगर ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में है तो आप दोनों को पॉजिटिव लोगे लेकिन अगर ओमेगा और अल्फा अलग अलग डायरेक्शन में है तो आप किसी एक को नेगेटिव मान लेना ठीक है बढ़िया है अच्छा

एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर शुड बी इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स सिंपल सी कहानी है और टी कॉ सीटा आपको एम जी के बराबर है दोनों को सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पर टैन थीटा का इक्वेशन बन के आ जाएगा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आप अगर लगा रहे हो यानी कि आप रोटेटिंग फ्रेम की बात कर रहे हो सेंट्रिपिटल फोर्स ग्राउंड के फ्रेम में लगाया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटिंग फ्रेम में लगाया जाता है सिंपल सी बात है दोनों से आपको सवाल सॉल्व होता है डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है एग्जाम्पल के तौर पर यह आपको एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक ड्रम है जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और उसके अंदर एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है इस ड्रम के साथ टच में है कांटेक्ट में ये नीचे नहीं गिर पा रहा है क्यों नहीं गिर पा रहा होगा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ड्रम इस पर ऐसे नॉर्मल लगा रहा है सेंट्रिफिकल फोर्स की बात करें तो बाहर की तरफ इस पर एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा तो एम जी नीचे लगना चाहता है लेकिन ड्रम इस पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा होगा तो ये आपका हो गया है एफ बी डी और इसके ऊपर फिर जो है हमसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है ठीक है आप बाद में इस न्यूमेरिकल को इस पी डी एफ से गो थ्रू कर सकते हैं लेकिन मुद्दे की बात इतनी ही थी वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको तीन चार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबसे पहला आपका आता है कि अगर आपके पास एक धागा है और धागे के एंड में आपके पास अगर कोई बॉब है को, कोई पार्टिकल है और इसको आपने कुछ वेलोसिटी दिया अगर ये वेलोसिटी आपका रूट टू से कम है या फिर बराबर है तो जो एंगल थीटा का फार्मूला होता है वो आपको इससे दिया जाता है जो कि आप एनर्जी कंजर्वेशन से डिराइव कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे इसको एनर्जी कंजर्वेशन से ही ड्राइव करते हैं बट स्टिल फार्मूला कोई हाईफाई नहीं है बच्चे अपने प्रैक्टिस में इसको याद कर लेते हैं अगर आपका तो पाथ में घूमता रहेगा गोल 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 इसको बोलते हैं, हम लोग कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना इन द वर्टिकल प्लेन अच्छा यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब यह जब ये अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है तो धागे पे टेंशन टी है जब ये आपको हॉरिजॉन्टल है तो धागे में टेंशन टी वन है और जब ये वर्टिकल है तो धागे में टेंशन टी टू है तो यहाँ पे आपका जो टी वन माइन टी माइनस टी वन होगा वो थ्री एम जी के बराबर होगा और आपका जो टी माइनस टी टू है वो भी आपका सिक्स एम जी के बराबर होगा इसका मतलब है कि आप जब यहाँ से आप जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो जो आपका टेंशन है वो 3mg से कम होता है और आप जब यहाँ से यहाँ जाते हो तो अगेन आपका टेंशन 3mg से कम हो जाता है तो ये वाला जो ट्रिक है वो भी आपको यूजफुल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो आपका इसका तीसरा केस होता है कि आपका जो वेलोसिटी है वो आपको √2gl से तो ज्यादा है लेकिन √5gl से कम है इस केस में आपको क्या होता है कि आपको जो ये पार्टिकल है इस वाले रीजन में आता है और अपना धागे का टेंशन जीरो कर बैठता है और उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है इस पे सवाल जेई मेंस में आने का चांसेस स्लाइटली कम है बट स्टिल अपने को आइडिया रहना चाहिए आपको ये एंगल थीटा का जो फॉर्मूला है वो इससे दिया जाता है ये थीटा एंगल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आप एनर्जी कंजर्वेशन से इतना निकाल सकते हो अब, है? अब ये एंगल थीटा इंपॉर्टेंट क्योंकि तो आपको थीटा और भी तो पता होना चाहिए ना तभी तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेश को लगा पाओगे राइट लेकिन अगर ये धागे की जगह एक मासलेस रॉड है तब आपका यहां पे कंप्लीट सर्कुलर मोशन रूट फोर जीएल से बराबर या उससे ज्यादा वेलोसिटी पे करता है अगर धागास रॉड है तो रूट फोर जी एल याद रहना चाहिए अच्छा जितना भी फॉर्मूला आपके धागे के केस में है वो सेम टू तो सेम फॉर्मूला आपका अगर ये सिचुएशन है तब भी चलेगा यानी कि आपके पास एक आ, आ, स्फेरिकल हॉलो स्पेरिकल बॉडी है और उसके अंदर वाले सरफेस में अगर पार्टिकल आपका घूम रहा है तो सब कुछ सेम रहेगा यानी कि रूट फाइव जी आर से ज्यादा पे सर्कुलर मोशन करेगा कंप्लीट अगर ऐसा वेलोसिटी है तो कहीं यहां पे आके नॉर्मल जीरो हो जाएगा और फिर वो यहां से पैराबोलिक पाथ पे ट्रैवल करना शुरू कर देगा क्लियर है ये जो आपका वैरायटी है इस पे आपको जेई मेन 2021 पे सवाल पूछा गया था जहां पे आपका ये एक स्फेरिकल सरफेस है आपके पास जो एक ब्लॉक है यहां पे टॉप मोस्ट पे मान लीजिए आपने उसको कुछ वेलोसिटी यू दिया है वो नीचे आएगा 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 आएगा, आएगा। कोई तो एक एंगल ऐसा थीटा होगा जहां पे नॉर्मल ये जीरो हो जाता है राइट ये जो एंगल थीटा है जहां पे आपका नॉर्मल जीरो हो जाता है दैट एंगल थीटा इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वो एंगल थीटा जहां पे कांटेक्ट छूट जाएगा इस केस में वो एंगल थीटा ये है लेकिन जब जेई मेंस में आपसे सवाल पूछा गया था वहां पे आपका यू जीरो था तो अगर आप इस फॉर्मूले में अगर आप इस फॉर्मूले में u को जीरो पुट करो तो आप देखोगे कि कॉस टू बाई थ्री के बराबर आता है ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए दैट इज इनवर्स अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इतने एंगल पे ब्लॉक जो है स्पेरिकल सर्फेस का साथ छोड़ देगा दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि पहले भी आपको पूछा जा चुका है और इसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं यहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाया जा सकता है कि एक ट्यूब है और यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो आपने उसको स्पीड जीरो दिया अब आपने अच्छा बा, आ, बाई ट्यूब आपको फिक्स है राइट तो ये ब्लॉक आपको नीचे गिरेगा गिरेगा तो टू बाई थ्री तो इनवर्स एंगल तक ये ब्लॉक नीचे वाले यानी कि नंबर के साथ टच में रहेगा लेकिन उसके बाद ये स्वेयर नंबर टू के साथ टच में रहेगा क्योंकि अब ये कांटेक्ट छोड़ के बाहर की तरफ गिरने वाला था क्लियर है मेरी बात वेरी इंटरेस्टिंग केस वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसपे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है बैंकिंग ऑफ रोड बैंकिंग ऑफ रोड आई होप आपको डायग्राम सब भी इसका ध्यान में होगा आपका एक रोड होता है जो कि, कि किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड होता है और इसके ऊपर जो है अपनी गाड़ी जो है वो टर्न कर रही होती है तो वैसे सिचुएशन में आपकी गाड़ी मैक्सिमम कितना स्पीड अटेन कर सकती है विदाउट स्किडिंग वो ये वाला फॉर्मूला होता है लेकिन बच्चों को सिर्फ यही बताया जाता है मेजरली लेकिन बच्चा इसका एक एक इसका रेंज होता है ये आपको होता है कि भैया मैक्सिमम कितना रख सकता है लेकिन मिनिमम का भी एक फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर जेई मेन 2021 में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पता होना चाहिए इससे आपको रेंज पता चल जाता है कि भाई। अच्छा इस रेंज में ही गाड़ी को अपनी स्पीड मेंटेन करनी चाहिए क्लियर एकदम अच्छा अगर 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 आप चाहते हैं कि आपके टायर पे कोई फ्रिक्शन कभी लगे ही नहीं इन दैट केस आपको वेलोसिटी एग्जैक्टली exactly इतनी रखनी पड़ेगी इन ऐसे सिचुएशन में आपके कार के टायर पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है तो सवाल में आपसे पूछ सकता है फॉर वॉट वेलॉसिटी दर इज नो वियर एंड टेयर ऑफ द टायर तो आपको वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा रखना पड़ेगा क्लियर है अगर आपकी वेलॉसिटी अंडर रूट आर जी टैन थीटा से ज़्यादा है तो फ्रिक्शन जो है वो डाउन द स्लोप लगता है कहने का मतलब है कि ये अगर आपका इंक्लाइन है और ये रही आपकी गाड़ी ये रही आपकी गाड़ी अगर गाड़ी का वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टैन थीटा से ज्यादा है तो फ्रिक्शन डाउन द स्लोप लगता है फ्रिक्शन गाड़ी के टायर पे नीचे लगेगा लेकिन अगर आपका वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टैन थीटा से कम है तो फ्रिक्शन आपको ऊपर की तरफ लगेगा ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में स्टेटमेंट टाइप में पूछा जा सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ठीक है क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास राइट तो सेंटर ऑफ मास में आपको जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मान लीजिए एन नंबर है और आपसे उसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है यानी कि उससे आपका एवरेज लोकेशन पूछ रहा है तो उसको निकालने के लिए हम यहां पे एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू जहां पे आर वन आर टू आपके पोजिशन वैक्टर है आप इसको चाहो तो एक्स वाई और जेड में भी लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अप टोटल मास वाई कोऑर्डिनेट क्या है तो एम वन वाई वन एंड सो ऑन राइट अच्छा यहाँ पे आपको जो एक रिजल्ट निकल के आता है जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास दो मासेस है एम वन एंड एम टू सेंटर ऑफ मास से एम वन की दूरी आर वन है सेंटर ऑफ मास से एम टू की दूरी आर टू है तो एम वन आर वन इज ऑलवेज इक्वल टू एम टू आर टू ये एक रिजल्ट है जो कि अपने को ध्यान में रहना चाहिए क्लियर है अच्छा अगर आपका कोई सवाल इंटीग्रेशन बेस्ड है यानी कि अगर आप ध्यान से देखें इसके पहले आपके जो मासेस थे तो वैसे केस में आपको अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो वी uh, है इसका एग्जाम्पल अभी आपको आगे भी एक दिखा दिया जाएगा राइट right? अब स्टैंडर्ड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास यू हैव टू मेमोराइज इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है रात को तीन बजे भी अगर आपको मैं उठा के पूछूँ की बेटा बताओ कि एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए कि सर वो आपको टू आर बाई पाई पे है एक सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास फोर आर बाई थ्री पाई है एक सेमी एक हॉलो हेमीस्फेयर का आर बाई टू पर है सॉलिड हेमिसफेयर का थ्री आर बाई एट पे है अगर आपके पास एक आर्क ऑफ रिंग है जो कि एंगल टू थीटा नॉट सेपटेंड कर रहा है सेंटर पे तो वैसे केस में सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका फॉर्मूला होगा आर साइन नॉट अपॉन थीटा नॉट जहां पे थीटा नॉट बच्चा आपको रेडियंस में पुट करना है डिग्री में मत पुट कर देना ठीक है सिंपल पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपके पास एक हलो कोन है तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मुला आपको होता है फ्रॉम बेस इस पे आपको डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है है पहले भी सॉलिड कोन तो एच लीजिए आपको बोलता है कि आपने मार्केट से पिज्जा खरीद लिया और पिज्जा जो है वो अपने सेंटर पे लेट अस से 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है तो पता ही सेंटर ऑफ मास कहां पे है देन यू हैव टू गो विध दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन में टाइम नहीं कि आप इसको ड्राइव करने बैठेंगे तो मैंने आपके लिए सब ड्राइव करके ऑलरेडी यहां पे फॉर्मला लिखा हुआ है क्या मेरी बात क्लियर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब कभी कभी आपको क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसे बॉडी का निकालना होगा जिसका डेंसिटी आपको यूनिफॉर्म नहीं है इसके पहले जो आपने फॉर्मूले देखे हैं वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के बॉडी का सेंटर ऑफ मास का फॉर्म है लेकिन यहां पे आपका जो बॉडी है उसका डेंसिटी वेरी कर रहा है उसका डेंसिटी सिग्मा जो है वो रेडियस के साथ वेरी कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन के लिए ही आपको वो इंटीग्रेशन का सहारा लेना होता है और ऐसे सवाल आपको जेई मेंस में पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आप बेसिकली एलिमेंट का सहारा लेते हो आप यहाँ पे आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक पतला सा रिंग ले लेते हो ये जो आपका है एक पतला सा सेमी सर्कुलर रिंग है फिर आप इस पतले से सेमी सर्कुलर रिंग का डी एम मास निकालते हो और आप इस तरीके से वाई कोऑर्डिनेट में इंटीग्रेशन का सहारा लेके सवाल सॉल्व करते हो यह आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 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 मुझे उम्मीद कि कि आपने ऐसे वैरायटी वैरायटी जरूर से होंगे होंगे और और किए भी होंगे। जो एक और होता है कि आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग बॉडी से combined. एक आपका यहाँ पे शेप क्या स्क्वायर का दिख रहा है दूसरा शेप आपका सेमी सर्कुलर डिस्क है और अब हमसे इस स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर यहां पे आप क्या करते हो का सिर्फ स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास सी पे है सिर्फ सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास सी वन पे है तो अच्छा मान लीजिए स्क्वायर का मास एम वन है और ग्रीन वाले का मास एम टू है तो आप यहाँ पे सी बनाते हो आप यहाँ पे सी वन बनाते हो और एम वन यहाँ पे और एम टू यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड दो पॉइंट मासेस मान लेते हो अब आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास सॉल्व कर लेते हो बाय यूजिंग एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू तो ये भी वैरायटी जो है आपको काफ़ी स्टैंडर्ड है। कैविटी वाला तो स्टैंडर्ड है सर। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का, तो का तो यहाँ पे आप क्या करते हो आप पहले एज्यूम करते हो कि एक टोटल डिस्क है और जिसका मास डेंसिटी आपने पॉजिटिव लिया है एक पॉजिटिव मास का डिस्क लेते हो और एक नेगेटिव मास का डिस्क अज्यूम करते हो हालांकि नेगेटिव मास कुछ होता नहीं है लेकिन आप बस अज्यूम करते हो राइट right. क्योंकि अगर ये वाला माइनस एम है और अगर ये वाला जो है वो प्लस एम था तो प्लस एम माइनस एम मिलके जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कैविटी क्रिएट हो जानी है तो इस लॉजिक से हम इस अप्रोच का इस्तेमाल लेते हैं अब फिर से आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज का सवाल हो गया है तो यहाँ पे इस वाले का मास अगर m1 है जो कि ओरिजिन पे कॉन्सेंट्रेटेड है इस वाले का मास अगर माइनस एम है जो कि r बाई टू कॉमा जीरो पे कॉन्सेंट्रेटेड है अब आप दोबारा से लगाओगे एम वन एक्स वन प्लस एम वन प्लस एम टू और फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है माइनस आर बाई सिक्स जो कि अगर आपको याद है तो अच्छी बात है है ना एक डिस्क के, के केस में आपको ये याद होना चाहिए राइट बढ़िया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फंडा क्या बोलता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तो है ठीक है अगर हमने दोनों तरफ डेल्टा ले लिया है यानी कि डेल्टा आर सी इज इक्वल टू एम वन डेल्टा आर वन डेल्टा आर टू एंड सो ऑन तो इस पर आपको सवाल बनता है एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया हुआ है कि दो के जी को अगर आपने दो मीटर राइट साइड घसकाया फाइव के जी को अगर आपने थ्री मीटर लेफ्ट साइड घसकाया है तो बताइए

एक्सेलरेशन का फॉर्मला आ जाएगा और इसके ऊपर आपको सवाल पहले भी पूछा जा चुका है है ना आपको एक आटवुड मशीन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए वहां पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है राइट सो वेरी सिंपल फॉर्मूला लेकिन अपने को याद रहना चाहिए ठीक है बताइए आगे बढ़े क्या यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर है कमॉन ऑन कम ऑन प्रिया राजपूत यस सर वेरी गुड हां जी शुभम जी कंप्लीट इलेवन बेटा आज ही होगा अपने को एकदम फराटे स्पीड पे पूरे इलेवन के कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला को रिवाइज करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अनेक अनेक बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में तकलीफ है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है यानी आपके सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है कांस्टेंट है क्योंकि अगर आपका एफ नेट जीरो है यानी कि आपका ए सी जीरो है या फिर आप ऐसे देख सकते हो अगर आपका एफ नेट जीरो है तो यानी आपका पी नेट कॉन्स्टेंट है इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम जो है कंजर्व्ड रहने वाला है कंजर्व्ड रहने वाला है क्लियर है अच्छा यहाँ पे आपको दो वेराइटी का सवाल बनता है एक आपका ये वाला वैरायटी है जहाँ पे जहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करते हो अभी अभी हमने देखा था डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट आरसीएम इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू एंड सो ऑन अगर हम दोनों तरफ चेंज ले ले राइट लेकिन अगर आपका सेंटर ऑफ मास हमेशा ही रेस्ट पे था तो लेफ्ट साइड का जो डेल्टा आर सी एम है वो जीरो होगा तो ये जो फॉर्मूला है ना ये जो कॉन्सेप्ट है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वैरायटी के क्वेश्चन में जहां पे आपके पास एक प्लैंक है और प्लैंक का मास कैपिटल एम उस पर एक बंदा खड़ा है स्मॉल एम मास का प्लैंक और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन ज़ीरो हमसे कहता है कि अगर ये बंदा यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ तक आ जाता है तो बताइए प्लैंक पीछे कितना एक्स से मूव किया होगा तो हम यहाँ ये यह बोलते हैं कि मान लो कि प्लैंक आपका पीछे प्लैंक आपका यहाँ पे पीछे देखिए एक्स डिस्टेंस मूव किया है ऐसे तो अगर प्लैंक एक्स मूव किया है तो मैन जो है इफेक्टिवली कितना मूव किया है वो है आपको एल माइनस एक्स अब यहां पे आप इसी वाले फॉर्मूले को यहां पे इस्तेमाल कर देते हो एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो जहां पे आपका डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स वन यानी कि आदमी का डिस्प्लेसमेंट है एल माइनस एक्स लेकिन आपका प्लांट पीछे भागा है इसलिए माइनस एक्स है तो यहां से हमको एक्स निकल के आ जाता है तो एक तो ये वैरायटी होता है दूसरा आपका होता है ये गन वाला प्रॉब्लम जिस पे आपको 2021 में सवाल पूछा गया था यहाँ पे आपको क्या बोलता है कि आपके पास एक गन है कैपिटल एम मास का बुलेट है उसके अंदर स्मॉल एम मास का आपने बुलेट को फायर किया तो जो मजल वेलोसिटी है जो मजल वेलोसिटी है वो आपको मान लीजिए कहता है यू है तो मजल वेलॉसिटी बुलेट की एक्चुअल वेलॉसिटी नहीं है मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन में आप जो वेलोसिटीज़ लिखते हो वो ग्राउंड फ्रेम में होनी चाहिए और मजल वेलोसिटी जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू दी गन जस्ट आफ्टर दी फायरिंग

इफ़ेक्टिवली प्लस भी आ गया है तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते थे कि बुलेट की अपनी वेलोसिटी कितनी है अब उसके बाद क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन शुरुआत में आपका गन जो था वो रेस्ट पे था यानी इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी आपका जीरो होना चाहिए यानी कि मोमेंटम ऑफ बुलेट शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन तो इस तरीके से आप इस सवाल को क्रैक करते हो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई और क्लियर है एक्सप्लोजन का सवाल भाई कितना एकदम ही यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपको एक्सप्लोजन में भी क्या होता है जो भी फोर्स है इंटरनल फोर्स है यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे भी जीरो है तो बेसिकली आप मोमेंटम यहाँ पे भी कंजर्व करते हो लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप मोमेंटम एक्स एक्सिस में अलग कंजर्व करोगे और वाई एक्सेस में अलग कंजर्व करोगे तो अगर आपके पास सवाल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके पास वी वन अलग अलग एंगल पे है तो आप वी का y में x में कॉम्पोनेंट लेंगे v2 का y में और x में कॉम्पोनेंट लेंगे और x में अलग से इक्वेशन लिखेंगे y में अलग से इक्वेशन लिखेंगे और दोनों इक्वेशन को फिर आप सॉल्व कर देंगे ये तो आपका होता है एक्सप्लोजन का सवाल यही सवाल अगर आपको प्रोजेक्टाइल में डाल दिया जाए यही सवाल अगर आपको प्रोजेक्टाइल में डाल दिया जाता है तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल टाइप का वैरायटी बनता है और ये तभी वैलिड है अगर आपका एक्सप्लोजन टॉप मोस्ट पॉइंट पे हुआ है अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं हुआ है तब वो सवाल जे मेन्स में आने का चांसेस बहुत 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 कम है टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आपका एक्सप्लोजन होता है और आपसे सवाल में कहता कि भैया एक पार्टिकल तो टूटने के बाद इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ गया था तो वो नीचे फ्री फॉल करेगा और दूसरा पार्टिकल बताइए फिर कहाँ जाके गिरता है दूसरा पार्टिकल बताइए कहाँ जाके गिरेगा तो यहाँ पे फंडा ये होता है कि प्रोजेक्टाइल का जो सेंटर ऑफ मास है राइट right, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो अपना ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा यानी अगर ये वाला मास यहां पे गिरा है दूसरा वाला मास यहां पे गिरा है तो सेंटर ऑफ मास तो भैया आज भी यहीं पे होगा इसका मतलब क्या है ये जो आपका टू एम बाई थ्री है इन टू आर बाई टू शुड बी इक्वल टू दिस डी मल्टीप्लाइड बाई एम बाई थ्री एम वन आर वन इज एम टू आर टू हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके भी आपसे सवाल बनाया जाता है एक और जो आपसे वैरायटी यहां पे डाला जाता है दैट इज योर कंबाइनिंग मोमेंटम कंजर्वेशन एंड योर एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे आपको दो वैरायटी का सवाल देखने के लिए मिलता है एक आपका होता है कि एक बुलेट आता है एक ब्लॉक में आपको जाके घुस जाता है और उसके बाद ये पूरा सिस्टम इकट्ठा मूव करता है और जाके स्प्रिंग को कंप्रेस करता है तो बताइए स्प्रिंग कितना कंप्रेस करेगा तो सबसे पहले ड्यूरिंग कोलिजन के लिए ड्यूरिंग इंपैक्ट के लिए आप मोमेंटम को कंजर्व करोगे और उसके बाद आप एनर्जी को कंजर्व करते हो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे राइट यानी कि एम इन टू यू शुड बी इक्वल टू टोटल मास इन कैपिटल वी यहां से वी निकालोगे और उसके बाद आप एनर्जी कंजर्व करोगे दैट इज योर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसका एक और वैरायटी होता है आपका जब आपका बुलेट आके किसी बॉब से टकराता है तो सबसे पहले ये आता है और इस बॉब में आके मान लीजिए फिट हो जाता है फंस जाता है तो पहले करोगे मोमेंटम कंजर्वेशन बच्चे यहां पे पहले एनर्जी लगाने की कोशिश करते हैं पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे दैट इज एम इंटू यू शुड बी इक्वल टू टोटल मास इंटू वेलॉसिटी उसके बाद एक वेलोसिटी आ गया फिर आप ये पता करो कि यह सिस्टम आपको ऊपर जाएगा जाएगा तो कितना एंगल थीटा ये ऊपर जा सकता है वो आप एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो ये आपको हो गया है दो वैरायटी तीसरा ये जो वैरायटी है ये आपको अभी अभी जेई मेन 2021 में आया है और इस कारण से बच्चे इसको लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव भी रहते हैं यहाँ पे आपको टू ब्लॉक सिस्टम है जहां पे आप रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं इसको स्पीड सॉल्विंग के लिए सिंपल सा वरायटी होता है कि आपके पास दो ब्लॉक है बीच में आपको स्प्रिंग है एक का मान लीजिए ये आपको एग्जाम्पल है एक का मान लीजिए मास टूएम है और इसका मास आपको एम है और आपने इसको जो है वेलोसिटी यू दे दी है तो बताइए स्प्रिंग कितना मैक्सिमम कंप्रेस किया होगा तो आप इस पूरे सिस्टम को आप इस पूरे सेटअप को इसके साथ रिप्लेस कर देते हो दोनों मास की जगह आप एक सिंगल सा मास रखते हो जिसको आप रिड्यूस्ड मास कह, मास कहते हो और उस रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है ये एक बार ये आपको रिड्यूस्ड मास आ गया उसके बाद खिलाई खत्म क्यों क्योंकि इस सिस्टम के लिए आप मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग सॉल्व कर सकते हो लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी सो ये आपको हो गया है लॉस इन कैनेटिक एनर्जी और ये आपको हो गया है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्या मेरी बात क्लियर है एकदम क्या मेरी बात एकदम क्लियर है बढ़िया है सर कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स

तो इसी पे आपको ग्राफिकल क्वेश्चन बनने के रहते है कि आपको होगा चेंज इन मोमेंटम आपको ध्यान में रखना है कि एफ वर्सेस टी ग्राफ में एरिया अंडर द इन मोमेंटम होता है अगर आपका दो पार्टिकल आपस में टकराता है तो जो टकराने का प्रोसेस है ना वो आपको तीन टाइप का होता है एक आपको हो सकता है कि वो जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है यानी कि बॉडी थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ होगा लेकिन वापस से अपना शेप रिगेन कर लिया वैसे केस में आपका सिस्टम का कैनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है लेकिन अगर आपका बॉडी डिफॉर्म हुआ लेकिन कंप्लीटली अपना शेप रिगेन नहीं कर पाया है तो वैसे में थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होता है अब वहां पे आपको क्या होता है उस कोलिजन को कहते हैं इन इलास्टिक कोलिशन

यहां अगर आप ध्यान से देखिए तो वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है आफ्टर कोलिजनिटी ऑफ सपरेशन आफ्टर कोलिजन की बात की जाती है तो फोर माइनस थ्री इज योर वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन एंड किस रेट से विलोसिटी ऑफ अप्रोच था तो फोर माइनस टू इज योर वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच तो ये आपका ई e का वैल्यू वन बाई टू आ गया है लेकिन अगर आप नीचे वाले एग्जाम्पल को देखें तो नीचे वाले एग्जाम्पल में वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन इज फाइव माइनस थ्री

टकराने के बाद अगर वो एच टू हाइट अटेन किया है तो वो एच टू हाइट जो होता है दैट इज योर ई स्क्वायर एच वन तो ये दोनों जो रिजल्ट है बच्चा वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आपको जेई मेन 2021 में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था जो काफी लेंथी था वहां पे बेसिकली आपका इनफाइनाइट कोलिजन का सवाल था कि बॉल आ रहा है टप्पा खाता है टू ई टू ई टू ई टू ई टू देखा होगा ना बॉल टप्पा खाया टू ई टू ई टू ई टू 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 तो इस तरीके से बेसिकली फिर वो रुक जाता है सो बेसिकली हमको वहाँ पे टोटल टाइम पता होना चाहिए बॉल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया हमको पता होना चाहिए तो वो बेसिकली आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सॉल्व होकर आता है उसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो टोटल डिस्टेंस होगा वो इतना होगा टोटल टाइम टेकन इतना होगा लेकिन हमसे जेई मेन 2021 में टोटल टाइम और डिस्टेंस नहीं पूछा हमसे बचा यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा था यानी कि आपको एस बाय टी सॉल्व करना था इस वाले न्यूमेरिकल में ठीक है गेस्ट yes. राइट आई होप आपको मेरी पॉइंट एकदम क्लियर है बच्चा ये आपको क्विक रिविजन देने वाला है आपको एकदम दिमाग को आपके पूरा खोल देगा सिर्फ दो से ढाई घंटे में यहां पे आपका जो उबली का कोलिजन हो रहा है ध्यान से देखिएगा आपको सिर्फ रिजल्ट और चीजें ध्यान में रहनी चाहिए अगर आपको एक पार्टिकल है किसी एंगल थीटा पे आता है और किसी एंगल फाइव पे लौट जाता है ठीक है लौटते वक्त वेलोसिटी वी है और आते वक्त वेलोसिटी अगर यू है तो यहां पे आपका तीन केस बनता है

और अगर आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन यानी ई e की वैल्यू अगर जीरो है तो बॉल इस तरीके से आएगा और इस तरीके से बॉल निकल जाएगा वो ऊपर उठेगा ही नहीं और उसकी जो राइट right साइड में वेलोसिटी होगी वो आपको यू साइन थीटा रहने वाली है तो ये आपको तीन फैक्टर्स तीन चीजें ध्यान में रहनी चाहिए ठीक है हेड ऑन कोलिजन इस पर तो बच्चा आपको एकदम स्टैंडर्ड सवाल आता है टकराने से पहले का टकराने बाद का velocity, आपको दो इक्वेशन लिखना पड़ता है एक आपको होता है मोमेंटम कंजर्वेशन दूसरा आपको होता है कोफिशन ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला इक्वेशन यहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है अगर आपका ई इज इक्वल टू वन है सो देर इज एनर्जी कंजर्वड जो सिस्टम का करंटिक एनर्जी पहले है वही बाद में होने वाला है लेकिन अगर आपका ई जीरो जीरो है तो मैक्सिमम लॉस होगा और अगर आपका ई जीरो और वन के बीच में है तो लॉस होगा लेकिन वो मैक्सिमम नहीं कहलाया जाएगा तो ये आपको इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट्स है ठीक है अब यहां पे जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो पार्टिकल जो हेड ऑन कोलाइड कर रहा है अगर उनका मासेस सेम है और अगर कोई कि इलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली तो वैसे केस में आफ्टर कोलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज यानी इसका फाइव था और इसका टू था तो अब आगे वाले का फाइव हो जाएगा पीछे वाले का टू हो जाएगा नीचे एक और एग्जाम्पल है अगर इस वाले का फाइव था राइट साइड इसका टेन था लेफ्ट साइड तो अब इसका टेन हो जाएगा लेफ्ट साइड तो वेलोसिटी का मतलब है भी कर लेते हैं। तो इसका हजार हो जाएगा और स्पीड सॉल्विंग तो करने में भी आपसे पूछा गया था जहां पे आपके पास क्या है कि आपको आगे एक पार्टिकल है नीचे एक पार्टिकल है लेकिन दोनों आपको ओब्लिकली कोलाइड करते हेड ऑन कोलिजन नहीं है तो इस कारण से एक पार्टिकल आपको थीटा टू एंगल पे भाग गया एक पार्टिकल आपको थीटा वन एंगल पे भाग गया वी वन वी टू है लेकिन भैया है तो आपको ये कोलिजन ही मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे आप एक्स में मोमेंटम कंजर्व करोगे इस v2 का और इस v1 का x में कॉम्पोनेंट लोगे तो मोमेंटम कंजर्व करोगे x में मोमेंटम कंजर्व करोगे y में और क्योंकि आपका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो आप एनर्जी भी कंजर्व करोगे तो आपको जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इन्हीं तीन इक्वेशन से आपको वो न्यूमेरिकल हैंडल हो जाएगा उसमें कोई डाउट नहीं है यहां पे आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि अगर आपका आगे वाला पार्टिकल रेस्ट पे है अगर u2 टू जीरो है और अगर m1 और m2 आपस में बराबर है और अगर कोलिजन परफेक्टली लास्टिक है सो आफ्टर कोलिजन थीटा टू प्लस थीटा वन शुड बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री दोनों का जो समीशन होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है राइट right? क्या मेरी बात क्लियर है एकदम यह आपको एकदम स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है मास वेरिएशन मास वेरिएशन राइट एग्जाम्पल में यहाँ पे रॉकेट बना लेकिन कुछ भी हो सकता है अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें से आपको मास निकल रहा है विथ रिलेटिव वेलोसिटी वी रिलेटिव ये वी रिलेटिव क्या है जिस जिस स्पीड uh, से मास निकल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू योर दिस रॉकेट या फिर ये जो भी चीज़ हो तो ये वी रिलेटिव अगर आपको दिया हुआ है और जिस रेट से आपको ये मास निकल रहा है अगर वो डी एम बाई डी दिया है तो इसके ऊपर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगता है एंड दिस थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वी रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई डी एम बाई डी टी इस पर आपको न्यूमेरिकल फ्लूड में भी काफ़ी बना हुआ है यहाँ पर आपका फ्लूड होता है यहाँ पर आपको छेद है तो यहाँ से आपको आ, पानी निकलता है तो यहाँ पर भी आपको जब ये पानी बाहर निकलता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पर एक बैक थ्रस्ट फोर्स लगता है और उसका फॉर्मूला आप इसी को इस्तेमाल करके ड्राइव कर

और उस पर लग रहा है तो किसी भी टाइम टी पे रॉकेट का जो वेलोसिटी होगा उसका इक्वेशन ये रहा आपका वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी जहां पे यू रॉकेट का इनिशियल वेलोसिटी है जी ग्रेविटी है ये आपका वी रिलेटिव है दिस इज योर व्हाट दिस इज योर मास इनिशियल रॉकेट का इनिशियल मास और बाद में रॉकेट का फाइनल मास जो कि घट जाएगा क्यों घटेगा सर क्योंकि उसमें से बच्चा फ्यूल बर्न हो रहा है तो इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं क्या मेरी बात क्लियर है एकदम इसरो बेटा इसरो नहीं आने वाला अभी बताइए क्या यहां तक की चीजें एकदम क्लियर है ऑन क्या यहां तक की चीजें क्लियर है रोटेशनल मोशन वी हैव रीस्ट द चैप्टर रोटेशनल मोशन चलिए आगे बढ़ जाए ओके okay. रोटेशनल मोशन में क्या है कि बच्चों को काफी तकलीफ रहता है तो इसको काम काम की बातें एक बार डिस्कस कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां पे आपको दो थ्योरम पैरल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता होना चाहिए अब यहां पे क्या है ना कि दोनों थ्योरम का आपको की पॉइंट बस याद होना चाहिए कि पैरल एक्सिस थ्योरम में आप जब ये इक्वेशन लिखते हो तो आपको जो आई होता है वो एक ऐसा एक्सिस है जो कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करना ही चाहिए अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे डी जो होता है इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो आप सिर्फ टू डी बॉडीज पे लगा सकते हो यहाँ पे आपका जो ये आप जो इक्वेशन लिखते हो कि i3 थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू यहाँ पे वन और टू दोनों बॉडी के प्लेन में होना चाहिए तभी आप ये थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको रटे रहने चाहिए जो कि आपको याद रहने चाहिए एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है वो एम आर स्क्वायर है टेंजेंट्स की बात करें तो टू एम आर स्क्वायर है डिस्क में एम आर स्क्वायर बाई टू टैनजेंट पे बात करें तो थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू रिंग के डायमीटर पे आधा हो जाएगा डिस्क के डायमीटर पे एम आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा तो ये सब स्टैंडर्ड है आप एग्ज़ाम में वहाँ पे थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम ख़राब होगा है ना हॉलो सिलेंडर और रिंग का फॉर्मुला सेम है डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मुला सेम है अगर एक सिलेंडर को आप इस एक्सिस पे घुमाते हो तो ये आपका रिजल्ट आता है जिसपे पहले भी जेई में दो से तीन बार सवाल पूछा जा चुका है अगर रॉड है तो उसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जो आपको होता है दैट इज एम एल स्क्वायर बाई पे आपको होता है एम एल स्क्वायेयर बाई थ्री राइट अगर आपके पास यहाँ पे एक हॉलोस्फियर है तो उसके सेंटर के अबाउट आपको होता है टू बाई थ्री एम आर स्क्र लेकिन जो आपको टेंजेंट के along होगा वो अबाउट तो होता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वा और टैंजेंट के अबाउट आपको होगा सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर यहां पे जो आपका रेक्टेंगुलर शीट है वहां पे तो कंप्लीट आपको यहाँ पे फुल ऑन पीएचडी किया हुआ है हालांकि जो रिजल्ट आया है आपको वो रॉड के रिजल्ट को ही इस्तेमाल करके लाया गया है अगर आपके पास एक कोन हो तो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको होता है 2, लेकिन कोन, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सॉलिड कोन हो तो थ्री स्क्वायर स्क् टेन ये जो रिजल्ट है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सेंटर ऑफ मास से अगर ऐसा एक्सेस पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट है जो कि रॉड वाले फॉर्मूले से मिलता है तो इसको भी रट लो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट सेमी सर्कुलर रिंग है, 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 है देखिए अगर एक कंप्लीट रिंग होता तो फॉर्मूला था एम आर अगर आपके पास आधी रिंग है और उसका मास भी अगर एम है तब भी फॉर्मूला एम आर ही रहेगा समझ में आ रहा है अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू रहेगा यहाँ पे जो आपको क्रिटिकल एक वैरायटी बनता है वो ये वैरायटी बनता है जहाँ पे आपसे सपोज कीजिए आई वन पूछ लिया है आई वन पूछ लिया है तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन बनाना पड़ता है इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू और आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए टू आर बाई फाइव तभी आप इक्वेशन नंबर वन और टू को सॉल्व करके आई वन की वैल्यू को डिराइव कर सकते हो राइट तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है नेक्स्ट आपको यहां पे होता है कॉम्बिनेशन यानी कि एडिशन एंड इन द केस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपके पास एक डिस्क है और इसके डिस्क के एज में आपके पास यहां पे एक और पॉइंट मास रखा हुआ है तो आप इसमें क्या करते हो हर इंडिविजुअल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट निकालो और चीजों को एड करते चलो लेकिन अगर आपके पास यहां पे एक डिस्क था और आपने सेंटर से एक डिस्क को कट करके निकाल दिया है तो वैसे में क्या करोगे पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस ये जो चीज काट के निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल है पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो पोर्शन कट के निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐसे आप हैंडल कर सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मुला क्या होता है अंडर रूट आई बाई एम अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई टोटल मास पे आपको दिया हुआ है आप देख सकते हैं सिंपल सा ये रिजल्ट है ठीक है हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल यूज किया दैट इज योर स्मॉल आर जी ये मेरा बहुत ही फेवरेट सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कि आपका जेई मेंस का सवाल है सवाल इजी है राइट right? मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन uh, है सो so, आप इसको जरूर से देखें अगर अभी तक नहीं देखा है ये पी जब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लियर है अच्छा टॉर्क क्या आपका टॉर्क आपको होता है आर क्रॉस एफ टॉर्क में आपको ध्यान ये रखना है

आपने देखा होगा ये आपके पास पुल्ली है ये इस तरीके से यहाँ पे है यहाँ पे आपको मान लीजिए एक मास है और ये मास आपको नीचे गिर रहा है सो बेसिकली टॉर्क इज इक्वल टू आई एन टू अल्फ़ा का यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो लेकिन अगर आपका कोई एक ऐसा सवाल है जहाँ पे आपका पूरा सिस्टम ही रेस्ट पे है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम जहाँ पे आपका टॉर्क भी ज़ीरो है और जहाँ पे आपका नेट फोर्स भी जीरो है तो वैसे सवालों में भी आप टॉर्क का इस्तेमाल करते हो ठीक है अच्छा अब जो फॉर्मूला आपका एटवुड मशीन में था अब वो यहां पे वैलिड नहीं है क्यों वैलिड नहीं है सर क्योंकि बच्चा यहां पे आपका टेंशन दोनों धागे में डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है क्योंकि अब आपके लाइफ में ये जो पुली है ना वो घूमेगा अब इस पुली के भी मोशन को अकाउंट में लेना है कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें टेंशन अलग अलग क्यों होगा तो बच्चा आप खुद ही सोचो अगर टेंशन अलग अलग नहीं होगा तो ये पुलिस पे नेट टॉर्क कैसे आएगा लेकिन हमको तो पता है कि पुल्ली घूमने वाली है तो आप यहीं से सोच सकते हो कि टेंशन अलग अलग होना ही चाहिए और आप यहाँ पे ब्लॉक का लिखते हो इक्वेशन दोनों ब्लॉक का और इस पुलिस का लिखते इक्वेशन एंड आफ्टर सॉल्विंग

एक ऐसे एक्सिस के अबाउट घूम रहा है लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है यानी कि ये एक्सिस भी आपको आगे जा रहा है तो यहां पे आपका एक्सिस बच्चा फिक्स्ड नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका बॉडी का एनर्जी होता है वो होता है रोटेशनल दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशनल हाफ सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए इसके ऊपर आप एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है या एंगल मान लीजिए आपका थीटा है इस रॉड को आपने छोड़ दिया तो जब बच्चा ये रॉड आप छोड़ोगे राइट तो ये आपको नीचे आएगा आएगा और जब यहां जाएगा तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी ओमेगा होगी तो आप यहाँ पे लॉस इन इज इक्वल टू सॉरी लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन करंटिक का फंडा अप्लाई करोगे और इस सिचुएशन में आपका जो रॉड का एनर्जी होगा वो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जहां पे ओमेगा आपका हो जाएगा आ, आई आपका हो जाएगा एम स्क्वायर बाय थ्री इन द केस ऑफ रॉड जो कि एज के अबाउट है एंड के अबाउट है क्लियर एकदम अच्छा यहां देखिए हम लोग अपने रोटेशन चैप्टर में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग लिखा करेंगे के एम आर स्क्वायर जहाँ पे के जो है वो आपका कोइफिशियंट होने वाला दिस इज़ नॉट रेडियस ऑफ गाइरेशन ये के आपका कोइफिशियंट है यानी कि अगर रिंग है तो वन है डिस्क है तो हाफ है हॉलोस्फेयर है तो टू बाई और सॉलिड स्फेयर है तो टू बाई ठीक है तो इस लिहाज से हम लोग अपने इस बॉडीज़ में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज़ योर रोटेशनल प्लस योर ट्रांसलेशनल तो इसका हम लोग इस्तेमाल अभी आगे जाके करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो आपको होता है आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम आपको होता है आर क्रॉस पी जहां पे बच्चा आपका ये जो आपका ये जो पी आप लिखते हो ना और रादर आप यहाँ पे लिखते हो आर एम वी साइन थीटा

एंड के अबाउट किसी एज के अबाउट तो वैसे केस में आपका जो एंगलर मोमेंटम होगा वो आपको हो जाएगा आई इनटू ओमेगा आई इनटू ओमेगा और ये वाला जो आपका एक सिचुएशन है ये वाला जो आपका केस है ये आपको आ, किसी एक ऐसे बॉडी के लिए है जो आपको रोटेट भी कर रहा है एक एक्सिस के अबाउट और वो आगे मूव भी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक डिस्क है जो कि रोड पे आपको रोल कर रही है तो वो आगे भी जा रही है और वो अपने एक्सिस पे घूम भी रही है तो वैसे केस में जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो हम इस इक्वेशन से देते हैं सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी यानी कि सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी गिवन पॉइंट तो इससे हम लिखते हैं आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी राइट right. लेकिन जो आपका सिंपल सा सवाल जनरली बनता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम क्या है तो वैसे केस में, अभी -अभी आपको सिखाया था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू योर एम डी जहां पे आपका डी क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ पे बच्चा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो तो आपको स्मॉल एच के बराबर है एंड मैक्सिमम हाइट अचीव बाई प्रोजेक्टाइल तो आप उस मैक्सिमम हाइट को इस वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं क्या मेरी बात क्लियर है बताइए उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बढ़िया है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आपके सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपका बराबर होता है इस पे आपने ये वैरायटी के सवाल ज़रूर से देखे होंगे कि आपके पास एक डिस्क है और आपने इस डिस्क के ऊपर एक स्मॉल मास एम रख दिया तो बताइए अब सिस्टम का ओमेगा कितना होगा तो आप यहां पे क्या करते हो आप यहां पे करते हो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू जहां पे आपका आई टू हो जाएगा अब इस वाले नए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उससे आप ओमेगा टू जो है वो सॉल्व कर लेते हो एक और वैरायटी होता है कि आपके पास एक डिस्क है जो कि ओमेगा वन से घूम रहा है और आपने इसके ऊपर एक और डिस्क को रख दिया एंड एंड फाइनली दोनों डिस्क आपको एक कॉमन ओमेगा से घूमती है तो फिर से आपसे यहां पे ओमेगा टू पूछ सकता है तो आप फिर से शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बाद का एंगुलर मोमेंटम और एक बार अगर आपका ओमेगा टू आ जाता है फिर आपसे यहां पे ये भी पूछता है कि बताओ व्हाट इज द लॉस इन कनेंटिक एनर्जी तो शुरुआत का एनर्जी माइनस बाद का एनर्जी आप ऐसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हो योर लॉस इन एनर्जी क्लियर एकदम ये आपके पास एक और वैरायटी होता है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है आपके पास ये पार्टिकल है जो कि आता है है इस रॉड के साथ टकराता राइट टकराने के बाद मान लीजिए इस रॉड के साथ चिपक जाता है तो हमको सबसे पहले पता करना होता है कि इस सिस्टम का अब ओमेगा कितना है तो आप इस वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम के बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाते हो अबाउट दिस पॉइंट आप ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हो क्योंकि उसी पॉइंट के अबाउट आपको नेट टॉर्क भी जीरो है तो शुरुआत में जो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एम यू दिस परपेंडिकुलर लेंथ दैट इज योर एम यू एल और बाद में पूरे उस रॉड प्लस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा आप यहां से ओमेगा निकाल लोगे और एक बार आपको अगर ओमेगा आ जाता है उसके बाद ये रॉड कितना एंगल थीटा अचीव करेगा वो आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द ऑफ लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपको इस वाले इक्वेशन में लिखा हुआ है यह सवाल आपको जेई मेन 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है विच इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी ठीक है अच्छा नौ ये जो आपका रिंग वाला केस है ये बहुत ही आपको जरूरी है इंपॉर्टेंट है क्यों मान लीजिए आपके पास एक रिंग है या आपको डिस्क भी हो सकता था इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी है और इसका एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ओमेगा है तो ऐसे केस में हमको इसके हर पॉइंट का वेलोसिटी आपसे ल्यूट वी लिखना आना चाहिए तो बेसिकली आप इसके मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करते हो कि ये हो गया आपको इसका सिर्फ लीनियर विलॉसिटी और ये हो गया इसका आपको ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलॉसिटी तो एंगुलर वेलॉसिटी की वजह से इसके इस पॉइंट का वेलॉसिटी ओमेगा आर होगा लेकिन क्योंकि ट्रांसलेट भी कर रहा है तो भी इसके इस पॉइंट का वेलोसिटी वी तो होगा यानी इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी है वी प्लस ओमेगा आर तो ये वो चीज़ आपको यहां पे लिखी हुई है सिमिलरली आपको इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो वी और ओमेगा आर का रिजल्टेंट होगा बॉटम मोस्ट का जो वेलोसिटी है वो आपको वी माइनस ओमेगा आर होगा तो ये तरीका है आपका किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी लिखने का उसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है जो आपको आगे की तरफ मूव कर रहा है राइट right? इसका ओमेगा है इसका अल्फा भी है अब आपको इसको किसी भी पॉइंट का एक आएगा इसका एक्सेलरेशन यानी कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा ए प्लस एल्फा आर और इसका और ओमेगा का रिजल्टेंट इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जो है वो लिख सकते हो राइट प्योर रोलिंग प्योर रोलिंग का सिंपल सा कंडीशन है कि अगर आपका ये ग्राउंड फिक्स्ड है उस केस में आपका वी और ओमेगा आर आपस में बराबर होना चाहिए ये आपका कंडीशन है प्योर रोलिंग का यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पर कोई भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि अगर आपका प्योर रोलिंग इस सिचुएशन में हो रहा है तो आपको जो फ्रिक्शन लगेगा अगर वो लगता भी है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा कान्टिक फ्रिक्शन नहीं होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्कडन है वो हमेशा जीरो होगा यानी आप प्योर रोलिंग के क्वेश्चन में हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो एक और पॉइंट आपके पास यहां पे ये यह है कि कल को मान लीजिए प्योर रोलिंग नहीं होता है और हमको कहता है कि भैया जो वी है वो ओमेगा से ज्यादा है यानी कि वी जो है वो आपका यहां पे ध्यान से ज... देखिएगा सपोज की जो आपको बोलता है कि आपका जो वी है वो ओमेगा आर से ज्यादा है सॉरी आपका जो वी है अगर वो ओमेगा आर से ज्यादा है यानी ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी टेंडेंसी आगे की तरफ स्लिप करने की है तो फ्रिक्शन उस पर पीछे की तरफ लगेगा यह आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है और अगर आपका ओमेगा आर वी से ज्यादा है यानी कि अगर पीछे उसकी भागने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन आपको फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा लेकिन हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो आपको ज़्यादातर प्योर रोलिंग के केस के लिए ही डिफाइन या बनाया जाता है जिससे आप एनर्जी कंजर्वेशन के फंडे को अप्लाई कर सके राइट और प्योर रोलिंग के केस में किसी भी आपके सर्कुलर बॉडी का आपको काइनेटिक एनर्जी का एक शॉर्टकट याद होना चाहिए शॉर्टकट फॉर्मुला क्या है कि अभी अभी हमने देखा था कि इस तरीके के बॉडी का एनर्जी जो होता है वो रोटेशनल प्लस होता है जहां पे ट्रांसलेशनल हो हाफ एम वी स्क् रोटेशनल जो है वो आपका होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहां पे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लिखेंगे kmr square. तो यहां पर लिखा हुआ आपका के एम आर स्क्र और ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं वी बाई आर क्योंकि बच्चा यह आपका प्योर रोलिंग तो ये आपका एक रिजल्ट आ जाता है दिस इज योर टोटल एनर्जी टोटल रोटेशनल प्लस कैनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर इंटू वन प्लस के ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो भर भर के इन योर एनर्जी कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपको एक बॉडी है ऊपर से मान लीजिए आपने उसको छोड़ दिया तो वो आपको रोल करता हुआ नीचे आएगा तो बताइए यहाँ पे आपका बॉडी जब नीचे गिरेगा तो उसकी वेलॉसिटी क्या होगी तो आप यहाँ पे लॉस इन कैनेटिक इज इक्वल टू सॉरी लॉस इन इज इक्वल टू गेन इन कैनेडिक आप लगा सकते हो ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है बहुत ही स्टैंडर्ड सा न्यूमेरिकल है जहाँ पे आपका ये जो बॉल है आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका वो ऊपर जाता है जाता जाता है राइट और फिर वो एच हाइट अटेन करता है और ये एच आपको दे रखा है तो हमसे पूछता है, बताओ ये बॉडी वो कौन सी बॉडी है क्या वो रिंग है क्या वो स्फियर है राइट right? तो आप यहां पे सॉल्व करते हो स्मॉल के की वैल्यू निकाल लेते हो अब क्योंकि वो हाफ आया है यानी कि वो क्या तो डिस्क होगा या फिर वो सॉलिड सिलेंडर होगा आपको एग्जांपल में डिस्क ही दिया था तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाता है तो आप इस फॉर्मूले से सवाल को इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आपका एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रोल करता हुआ नीचे गिर रहा है और फ्रिक्शन भी है यानी कि प्योर रोल कर रहा है मस्त वाला तो वैसे केस में बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो इतना होता है जी साइन थीटा पॉइंट वन प्लस के आई विल रिमाइंड ये के आपको रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है ये के आपको उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है के एम आर स्क्वायर वहां पर वो वाला के है को है और जो बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा उसका इक्वेशन ये है के एमजी साइन थी प्लस के फ्रिक्शन पे आपको ज्यादा यूज नहीं आता है आपको ज्यादा यूज ए का ही आएगा आपको यहाँ पे चार बॉडी दे देगा फिर हमसे पूछेगा कि बताइए कौन से बॉडी का एक्सिलेशन सबसे ज्यादा होगा या फिर कौन सबसे पहले नीचे आपको पहुंचने वाला है तो आपने आपनेक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के तो जिसका के सबसे छोटा होगा उसका ए सबसे ज्यादा होगा और सबसे जल्दी आपको वही नीचे पहुंचने वाला है तो इसका रिजल्ट स्टैंडर्ड है सॉलिड स्पेयर जो होता है वो आपको सबसे जल्दी पहुंचेगा ठीक है अब ये आपका टॉपलिंग का स्टैंडर्ड सा एक रिजल्ट है हालांकि अगर अभी तक इसको ठीक से नहीं पड़ा है तो अभी आप चाहो तो इसको इग्नोर मार सकते हो बट स्टिल इसके रिजल्ट को सिर्फ ध्यान में रख लो कि अगर आपके पास ऐसा कोई बॉडी है आपने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया है जिसका हाइट आपको एच है तो यहाँ पे एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि आपको ये बॉडी जो है वो टॉपल कर जाए मिनिमम लिमिटिंग केस की बात की जा रही है तो इसका रिजल्ट आता है एम जी ए अपॉन एच स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद रह जाए तो अच्छी बात है ठीक है इसका जो दूसरा वेराइटी है वो आपको ऐसा वाला बनता है अगर आपका बॉडी ऐसा रखा हुआ है और इसका सेंटर ऑफ मास से जब आप एम को आप पास कराओगे अगर इस वाले टिप के राइट साइड है एम तब तो ये बॉडी टॉपल अपने आप नहीं करेगा लेकिन 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 अगर मैंने एक ऐसा सिचुएशन बना दिया ध्यान से देखिएगा अगर मैंने एक ऐसा सिचुएशन बना दिया इस तरीके से मान लीजिए जहां पे आपका जो ये एम है ऐसे लग रहा है मान लीजिए और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड तो आप देख सकते हैं अब ये बॉडी पे टॉर्क लगेगा एम का और ये बॉडी टॉपल कर जाएगी तो ये वाला भी आपको वैरायटी समझ में आना चाहिए ठीक है तो लिमिटिंग केस क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास का जो एमजी है वो इस वाले टिप से ही पास करे तो ये आपको लिमिटिंग केस हो गया यानी ये एंगल थीटा थ्री वो थीटा है जिसपे आपको बॉडी जस्ट बचा हुआ है इस समय जस्ट बचा हुआ है राइट right? अक्षत प्रियादर्शी क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा लोग चलिए बताइए बताइए क्या यहां तक समझ में आया है वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्राविटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें आपको फॉर्मुले जो है वो भर भर के है हर्ष भानुशाली आई सेड यू कैन इग्नोर टॉपलिंग क्योंकि अगर वैसा डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तब तो कर लोगे लेकिन अगर कुछ घुमा फिरा दिया तो उसके लिए इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए जिसके लिए अब समय नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है दैट वॉज माई पॉइंट अनुपमा शुक्ला सर कितना टाइम और बच्चा अपने ग्रेविटेशन पे तो आ गए इसके बाद क्या है एस एच एम है सॉलिड्स है फ्लूड्स है आई थिंक इट शुड टेक वन आवर मोर ठीक है बट स्टिल दो ढाई से तीन घंटे में फिर uh, फिर भी कंप्लीट इलेवंथ को कवर कर पाना इट्स अ टेल डील राइट दस बारह घंटे का सेशन बच्चा एक्चुअली मुझे भी पसंद नहीं है और ना ही उतना मैं बोल भी सकता कभी अच्छा तुम लोग को ब्रेक चाहिए क्या चलो एक काम करते हैं अस डू वन थिंग टेक अ ब्रेक ऑफ टेन मिनट्स फाइव मिनट फाइव मिनट्स ब्रेक चलिए एक काम कीजिए थोड़ा सा हम भी जो है ब्रेक ले लेते हैं टेक फाइव मिनट्स ब्रेक जाओ भाई टेक चलिए मेरी आवाज आ रही है एक बार अभी कहाँ लेट संजय एकदम बैंग ऑन टाइम है बॉस ऑन मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है अरे एक बार बता दो कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है मतलब कोई पंगा तो नहीं हो गया पांच मिनट अगर में चला गया कहीं चलिए आ रही है अब देखिए ग्रविटेशन क्या है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्राविटेशन दोनों आपका सेम टू सेम चलता है तो ग्राविटेशन में देखिए ये जो बेसिक बेसिक बात है उस उनको तो बात करने में भी मेरे को अब इस समय ख़राब लग सकता है क्योंकि फोर्स आपका किसी दो पॉइंट मास के बीच में होता है जी जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर यहाँ पर जी की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए आप सवाल पर डिपेंड नहीं कर सकते कि क्वेश्चन आपको ये वैल्यू लिख के दे राइट इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो भी आपको पता रहना चाहिए एन एनटीए का दिमाग फिर जाए आपसे सवाल पूछ ले कोई गारंटी नहीं है तो ये इसका वेक्टर फॉर्म में है वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस ठीक है अच्छा नेक्स्ट आपका आता है कि अगर आपके पास एक रिंग है तो उसके एक्सिस पे ग्राविटी का फॉर्मूला जो होता है सेम आपको चार्ज में भी होता है दैट इज योर जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्स आर स्क्वाई टू मुद्दे की बात यह है कि यह ग्राविटी आपको टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द रिंग होगा यहां की बात करें तो ग्राविटी आपको टूवर्ड्स देंटर ऑफ दी रिंग होगी और ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से होता है राइट अच्छा सर आपने ये वाले ग्राफ को नीचे क्यों बनाया क्योंकि बच्चा ये वाली ग्राविटी आपको लेफ्ट साइड थी यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में थी और ये वाली ग्राविटी आपको राइट साइड है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ग्राफ आपको इसलिए ऊपर भी है यहाँ पे मेरी बात क्लियर है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ग्राविटी की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी तो वो आपको होगा आर बाई राइट साइड भी आर बाई और लेफ्ट साइड भी आपको आर बाई तो ये सारे डेटा आपको रटे रहने चाहिए अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसका मास डेंसिटी को दे रखा है लामडा के जी पर मीटर तो फॉर्मूला बिल्कुल वही होगा अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता तो फॉर्मूला था टू के लामडा बाई डी तो बस के की जगह आपको रिप्लेस करना है कैपिटल जी से वेरी सिंपल सेम फॉर्मूला है सवाल बन सकता है अगर आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर आपको ग्राविटी हमेशा जीरो होगा लेकिन बाहर जो ग्राविटी होगा वो आपको सिंपली हो जाएगा जी एम बाई वाली पॉइंट की बात करते हैं तो आप पूरे मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं तभी आप जीएम बाई आर स्क्वायर का फॉर्मुला को फिर रट सकते हैं जहां तक ग्राफ की बात है ग्राफ हमने नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि जनरली आपको ग्राविटी जो है वो आपको जब रेडियली

R cube, gm r r cube, और बाहर में जो होता 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 है 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 वो आपको आपको uh, ही होता है. Clear है एकदम अच्छा Potential energy, दो के बीच का energy आपको होता है. Minus g, minus को बच्चा कभी मत भूलना बच्चे भूल जाते हैं माइनस जी एम वन एम टू बाई आर अगर आपका सेल्फ एनर्जी का बात करें तो अगर एक हॉलो स्फीयर है तो उसका सेल्फ एनर्जी होता है माइनस जी एम स्क्र और एक सॉलिड का होता है माइनस जी एम अपॉन फाइव इंटू आर राइट तो ये आपको दो फॉर्मूला हो गया सेल्फ एनर्जी का इस पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे जेई मेन्स के Uh, 2021 के examination में अगर आपके पास एक ring है तो उसके axis पे आपको gravitational potential का formula लिखना आना चाहिए दो हजार इक्कीस प्लस एक्स x दूरी पे पॉइंट पे आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है और उसका ग्राफ आप नीचे इस तरीके से देख सकते हैं किसी एक पॉइंट मास की वजह से आर डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल होता है माइनस जीएम बाई स्मॉल आर एक आपके शेल है और उसके अंदर में जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा दैट इज योर माइनस जी एम बाई कैपिटल आर इट इज कांस्टेंट पोटेंशियल और किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए आपका जो पोटेंशियल है वो आर के साथ वेरी करता है इस वाले ग्राफ के हिसाब से तो ये पॉइंट आपको जितने भी हैं ये सब आपको सेम सेम टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फॉलो होते अगर हम यहाँ पे एक सॉलिड की वजह से इसके अंदर और बाहर की की पोटेंशियल बात करें तो अंदर में जो इसका पोटेंशियल का फॉर्मुला होता है वो थोड़ा सा वो सेंटर से मेजर किया जा रहा है लेकिन अगर हम लोग बाहर वाले पॉइंट की बात करें तो आपका जो ग्रा पोटेंशियल होगा दैट इज सिंपली माइनस जी एम बाई स्मॉल आर इसका ग्राफ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस पर आपको बहुत पहले डायरेक्ट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे चार ऑप्शन दिया गया था और एक ऑप्शन में आपको यही वाला ग्राफ बना हुआ था आपको यही चूज करना था यहाँ पे मुद्दा यह है कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपको पैराबोला है क्यों क्योंकि ये जो आपको इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है और ये वाला आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन हो सकता है ग्राफ हो सकता है क्लियर है आपको वेरिएशन विथ जी वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट अगर आप धरती से आप किसी भी सॉलिड बॉडी से जब ऊपर ऊपर जाते हैं तो आपका ग्राविटी जो है वो डिक्रीज करता है अब यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला रटना है ग्राविटी में एक तो आपका ये वाला फॉर्मूला है एक आपका ये वाला फॉर्मूला है वेरिएशन ऑफ ग्राविटी विथ हाइट दैट इज़ जी इज टू जी नॉट वन माइनस टू एच वाई आर एच आप सर्फेस से मेजर करते हो ये फार्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस के सामने या फिर प्लानट के रेडियस के सामने बहुत बहुत छोटा है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो लेकिन अगर हाइट जो है वो रेडियस के कम्पेबल है मान लीजिए आपको बोलता है हाइट इज इक्वल टू अब आप एच को इग्नोर नहीं नहीं मार सकते उस केस में वो बहुत छोटा नहीं हुआ इस समय अब आपका जो ग्रेविटी का फॉर्मुला होगा किसी भी हाइट एच पे वो नॉर्मली आप इस तरीके से ही लिखोगे इसका रिअरेंज करके ये फॉर्मला बनता है जिससे आप स्पीड सॉल्विंग कर सकते हो सर ये जी नॉट क्या है तो सर बच्चा आपका जो जी नॉट है जो यहाँ पे आपका जी नॉट है दैट इज योर

राइट सपोज कीजिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें कि भैया इस पॉइंट पे आपको व्हाट इज दी ग्रेविटी और ये एंगल आपका अगर थीटा है तो ये वाला फॉर्मूला होता है दैट इज जी नॉट जी नॉट क्या है ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ और यहां पे आपका जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉ स्क्वायर थीटा है यहां पे थीटा आपका ये पर्टिकुलर एंगल है 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 ओमेगा आर की जो वैल्यू वो अगर आपको याद है, तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्मूथ हो सकता है, .034 क्योंकि अगर आपको ये याद रही है तो इसको ड्राइव करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि आपको ओमेगा जो होगा ट्वेंटी हो so अच्छा एस्केप बेलॉसिटी वो मिनिमम बेलॉसिटी आप पार्टिकल को क्या दे ताकि आपका जो पार्टिकल है वो अर्थ के या फिर जो भी आपका बॉडी है उसके अट्रैक्टिव फोर्स को ही एस्केप कर जाए तो आपका एक नॉर्मल इस सिचुएशन में जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडरू टू जी एम बाई आर और अर्थ की अगर बात करें तो ये आपको अप्रॉक्सिमेटली इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर्स पर सेकेंड निकल के आता है लेकिन इस केस में इसका डेरिवेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट फॉमूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आना थोड़ा सा मुश्किल है तो यहाँ पे आपसे जो सवाल बनता है कभी कभी आपको ऐसा बोलेगा कि आपने यहाँ पे इसको वी ई बाई टू दे दिया यानी कि एस्केप वेलोसिटी का आधा दे दिया है अब ये एस्केप तो करेगा नहीं कुछ हाइट ये अटेन करेगा कुछ हाइट ये अटेन करेगा और उसके बाद ये वापस लौटेगा तो बताइए ये हाइट आपको कितना हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में आपको बच्चा एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख के ही सॉल्व करना पड़ेगा दैट इज वॉट टोटल इनिशियल एनर्जी जहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक आएगा और बाद में आपका पोटेंशियल और काइनेटिक आने वाला है तो इस तरीके से आपका सवाल इसमें बनता है ऑर्बिटल वेलोसिटी कहने का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए ये

दूसरा आपका फॉर्मूला बनता है टाइम पीरियड का यानी कि कितना टाइम लगेगा इस सैटेलाइट को एक चक्कर में काटने के लिए टू तो तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर टू दावर थ्री बाई टू जो कि आपको कैप्लर का थर्ड लॉ भी होता है राइट अच्छा इस सिचुएशन में जो आपको काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर उसको आप जब v से रिप्लेस करोगे तो ये आएगा जी एम एम बाई टू आर पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी एम बाई आर तो टोटल एनर्जी इनको ऐड करोगे तो नेगेटिव आ जाने वाली है तो टोटल एनर्जी हैज बी नेगेटिव तभी आपका ये एक बाउंड स्टेट में गोल 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 घूम रहा होगा और, K, U और T के यू और टी के बीच में जो रिलेशन है वो आपको इस रिलेशन से दिया जाता है राइट right? अच्छा इसी में आपको सैटेलाइट में एक स्पेशल सैटेलाइट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का दो से तीन कंडीशन है पहला कंडीशन ये है कि ये आपको अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में ही लाई करना चाहिए दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जियो स्टेशनरी जियो यानी अर्थ और स्टेशनरी तो अर्थ के रेस्पेक्ट में आपको ये सैटेलाइट स्टेशनरी रखना चाहिए राइट right? थैंक यू पीजुष अर्थ के रेस्पेक्ट में आपको यहां पे सेटेलाइट रेस्ट पे होना चाहिए यानी कि अर्थ अगर 24 घंटा लेता है अपने एक्सिस पे घूमने के लिए तो अर्थ का ओमेगा जो होगा वही इस सेटेलाइट का भी ओमेगा होना चाहिए तो ये दो आपको इंपॉर्टेंट कंडीशन है और तीसरा अगर अर्थ आपको ऐसे घूम रहा है तो सेटेलाइट भी आपको उसी सेंस में घूमना चाहिए अपोजिट सेंस में नहीं घूमवा सकते तो ये आपको सिंपल सा फंडा है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का इस तीन कंडीशन के वजह से इसका जो ये हाइट है वो फिक्स हो जाता है दैट इज थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर इन द केस ऑफ अर्थ क्लियर है आपको एकदम अच्छा प्रोजेक्टेड वेलोसिटी वर्सेस पाथ अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये जो फंडा है ये तो सर आपको ओलंपियाड लेवल जैसा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस पर आपको जेई मेन्स में सवाल आ चुका है यहां पे आपको केसेस क्या है आप या आपका कोई भी प्लानट है आप किसी हाइट पे जाके इस पार्टिकल को v वेलोसिटी देते हो अगर ये वेलोसिटी v, अगर ये वेलोसिटी v जीरो है तब तो ये पार्टिकल आपको डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा ठीक है फ्री फॉल कर लेगा अगर ये वेलोसिटी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को अगर ये वेलोसिटी आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो फिर वो ये वाला एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा अगर ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है एग्जैक्टली exactly, तब तो मस्त प्योर सर्कुलर पाथ में ये गोल गोल घूमेगा अगर ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है लेकिन एस्केप से कम है तो ये दोबारा आपको बाउंड स्टेट में रहेगा और बड़ा वाला एलप्टिकल पाथ फॉलो करेगा अगर ये वेलोसिटी आपको एस्केप के बराबर है तो वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा और ये जो आपको पाथ होगा उसका शेप होगा पैराबोला और अगर ये वेलोसिटी एस्केप से भी ज़्यादा है तो एस्केप तो करेगा लेकिन ये जो पाथ होगा वो होगा आपको हाइपरबोला तो ये आपको छह केसेस है जो कि आपको ध्यान में रहने चाहिए केपलर भाई साहब जो है बड़े प्यारे प्यारे से तीन ठो लॉ वो आपको दे गए हैं सबसे पहला आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट है इसको तो पढ़ना ही बेकार है ने किसी काम करनी फिलहाल के लिए लॉ ऑफ एरिया आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो डी ए बाई डी टी है लॉ ऑफ एरिया कहता है कि एरिया स्वेप्ट यूनिट टाइम इज कॉन्स्टेंट और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है एल बाई टू एम एल होता है उस सैटेलाइट का या फिर जो भी चीज है उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट अबाउट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग राइट एम आपको होगा सैटेलाइट का मास

एलिप्स में पड़ा होगा तो ये डिस्टेंस जो है वो बेसिकली आपका स्मॉल ए होता है क्लियर एकदम बढ़िया है ठीक है डबल मास सिस्टम डबल मास सिस्टम या फिर डबल स्टार सिस्टम बाइनरी स्टार सिस्टम इस पे आपको जेई में 2021 में तो दो सवाल आ गए थे तो बच्चों का इस पे काफी खास एक अटेंशन है यहाँ पे कांसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास यहां पे दो पार्टिकल हैं m1 मास और m2 मास तो ये दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमे रहे तो इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ये सी है राइट और ये जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है इसका दूरी m1 से r1 है m2 से इसका दूरी r2 है क्लियर एकदम तो ये जो दोनों पार्टिकल है ये आपको पहली बात तो सेम ओमेगा से घूमेंगे अगर ये आपको ऐसे घूम रहा है ओमेगा से तो ये वाला बच्चा आपको ऐसे घूमेगा ओमेगा से तो ये ओमेगा का रिजल्ट आप याद रख सकते हैं √gm/r कैसे कैसे अपना वहां पे भी था अंडर रूट जी एम बाई आर तो यहां पे ये आपका अंडर रूट जी एम बाई आर क्यूब सॉरी आर क्यूब तो एम क्या लेना है टोटल मास ऑफ द सिस्टम और आर क्या लेना है दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये लेना है आपको आर ठीक है अच्छा जहां तक आपको बात है इसके वेलोसिटी की तो ये वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू आर वन और इसके वेलोसिटी की तो वो हो जाएगा आपको ओमेगा इंटू आर टू जहाँ पे आर टू और आर वन क्या है मासेस का सेंटर ऑफ मास से दूरी ठीक है और वो हमको सेंटर ऑफ मास के फॉर्मुले से निकालना आता है अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो क्लियर है बढ़िया आगे बढ़ जाए बताइए क्या हम लोग आगे बढ़ जाए बात कर ले सॉलिड्स या फिर इलास्टिसिटी की एरियल वेलोसिटी बच्चा आपको कांस्टेंट होता है डी ए बाई डी टी इज ऑलवेज योर कांस्टेंट राइट चलिए सॉलिड्स सॉलिड्स तो सबसे छोटा चैप्टर है यहां पे बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है आपने उसको डिफॉर्म किया है तो वो बॉडी अपना शेप दोबारा से रिगेन करने की कोशिश करता है जब बॉडी का शेप डिफॉर्म होता है तो वहां पे हम लोग स्ट्रेन वर्ड को डिफाइन करते हैं स्ट्रेन वर्ड को डिफाइन करते हैं जिस फोर्स की वजह से वो डिफॉर्म हो रहा है उसके लिए हम लोग स्ट्रेस वर्ड को डिफाइन करते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है

आप फोर्स लगा रहे हो आपने बॉडी को पानी के अंदर ले गया तो पानी उस पर पूरा पूरा चेंज कर सकता है प्रयोग करते हैं है। जहां पे आपका स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा वो आपको सिंपली हो जाएगा एक्साइस प्रेशर जो उस बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगना शुरू हो गया दैट इज योर स्ट्रेस एक्टिंग ओवर देयर क्लियर एकदम अब इन स्ट्रेसेस के वजह से बॉडी में चेंजेस आएंगे डायमेंशन में अगर बॉडी का लेंथ चेंज होता है तो हम लोग स्ट्रेन कहते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन योर ओरिजिनल लेंथ अगर ये थीटा आ जाता है यानी कि बॉडी किसी एंगल से टिल्ट हो गया है तो वैसे केस में स्ट्रेस स्ट्रेंज होगा वो आपका थीटा ही होगा लेकिन ये थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए हम थीटा को एक्स अपॉन एच बोल पाते हैं और अगर वॉल्यूम ही चेंज हो गया है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये आपको तीन प्रकार का स्ट्रेन होता है अब क्या है अब आपके पास क्या है कि हुक्स भैया ने क्या किया इन दोनों को स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपस में मिला दिया हुक्स भैया ने बोला अपना एक लॉ दिया कि विद इन इलास्टिक लिमिट यानी कि अगर बॉडी अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी को नहीं खोता है तो जो आपको स्ट्रेस होगा दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन राइट right. और उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमने एक नया टर्म डिफाइन किया जिसको आप कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो तीन प्रकार का स्ट्रेस था तो तीन प्रकार का स्ट्रेन तो तीन प्रकार का आपका होने वाला है ऑफ इलास्टिसिटी तो यहां पे आप लोग डिफाइन करते हो सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस दैट इज योर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यहां पे आप डिफाइन करते हो मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉड्यूल जो कि अगेन स्ट्रेस

अच्छा अब इनके जो सवाल होते हैं यहाँ पे बेसिकली आप एनालॉजी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आपके पास यहाँ पे जो रॉड है आप उसको स्प्रिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो जैसा आपका स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वैसे अगर इस रॉड को आप जब खींचते हो तो ये जो आपका स्ट्रेस है दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडल्स इंटू एक्स बाई एल तो एफ जो है वो आपको ये आपका सम कॉन्स्टेंट है इंटू एक्स तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेलेंट फोर्स कॉन्स्टेंट तो जैसा स्प्रिंग में के होता था तो हम लोग रॉड के केस में इसी को के बोल दिया करते हैं इससे आपका सवाल सॉल्विंग ईजी क्यों हो जाता है सपोज कीजिए आपके पास दो रॉड है इस तरीके से और दोनों पे आपने फोर्स लगाया है यहाँ पे राइट तो हमसे यहाँ पे अगर x पूछता है तो x हम लिख सकते हैं सिंपली f f डिवाइडेड बाई k इक्वेलेंट जहां पे k इक्वेलेंट क्या होगा अगर इस वाले रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और इस वाले का k2 है तो आपको पता है कि दो स्प्रिंग जब सीरीज में होता है तो उसका इक्वेलेंट जो होता है वो आप लिखते हो k1 k2 टू अपॉन के वन तो उससे आप इस चीज को इजली सॉल्व कर सकते हो और के वन का फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हो मेरी बात क्लियर है पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी आपने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एक स्प्रिंग में होता था हाफ के एक्स स्क् तो के वैल्यू तो यंग्स इस तरीके से आप लिख सकते हो रॉड के केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अगर आपके पास एक रॉड है जिसका कोई मास एम है तो अपने खुद के वजन के वजह से वो थोड़ा सा इलोंगेट कर जाएगा और उसका रिजल्ट जो होता है वो इतना है कितना इलांगेशन उसमें आने वाला है

बहुत मेजर सेक्शन है बच्चों का ऐसा जिनको नहीं पता है और इस पे जेई मेन्स दो फेब अटेम्प्ट में सॉलिड्स में डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जिसको बच्चों ने बहुत ज्यादा नहीं सॉल्व कर पाया बहुत मेजॉरिटी चंक ने तो ये तीनों आपको रिलेशन दिया है इनके डेरिवेशन में आपको नहीं कूदना है ये रिजल्ट आपको एज इट इज याद होना चाहिए बल्क मॉडल यंग मॉडल्स पॉइजन रेशियो के बीच का रिलेशन मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी यंग्स मॉडल्स पॉइजन रेशियो के बीच का रिलेशन बल्क मॉडल्स यंग मॉडल्स जी इनके बीच का रिलेशन यहां पे लिखा हुआ है 2021 में आपसे इसमें सवाल पूछा गया था ठीक है बताइए क्लियर है बेटा याद कैसे नहीं होगा याद तो करना पड़ेगा ना लिख लिख के आपको उसको रटना पड़ेगा राइट चलिए बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे फ्लुइड स्टैटिक्स की तो फ्लूइड स्टैटिक्स में आपको बेसिक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला होता है कि आपके पास कोई लिक्विड का वेसल है राइट right? वेसल है उसमें आपको लिक्विड है तो किसी एच डेप्थ पे आपको जो प्रेशर होता है वो आपको होता है रोज एच लेकिन ये सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर है अगर ऊपर आपको एटमॉस्फेयर है तो उसका भी ऊपर से दबाव होगा जिस कारण से आपको पी नॉट भी ऐड करना पड़ेगा और इस टोटल प्रेशर को हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपसे प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये यह होता है कि आपका सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आपने दो पॉइंट लिया है पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी तो दोनों पॉइंट पे आपको प्रेशर सेम होना चाहिए राइट right? सेम होना चाहिए अच्छा अब ध्यान से देखिए अगर आपका ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा सरफेस जो होसा सरफ़ेस जो होता है वो आपको हमेशा इफेक्टिव ग्राविटी के परपेंडिकुलर होता है सरफ़ेस जो होता है वो इफेक्टिव ग्राविटी के परपेंडिकुलर होता है ऑब्वियस बात है अगर आपका यही वेसल राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है तो आप देख सकते हैं जो इफेक्टिव ग्राविटी होगा वो आपको इस डायरेक्शन में होगा इफेक्टिव ग्राविटी कैसे निकालना है? ग्राविटी बना दो सिस्टम का एक्सोलेशन में, में, तो में आपका सरफेस होना चाहिए तो इस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है और ये इफेक्टिव ग्राविटी क्या है वो तो आप सभी को पता है एंगल थीटा क्या होगा जी तो रिजल्ट आपको ध्यान में होना चाहिए अगर आपके पास एक वेसल है उसमें लिक्विड है और वो वेसल के एक्सिस के अबाउट लिक्विड घूम रही है तो ऐसे केस में आपको ये वाई और एक्स के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए जो कि एक पैराबोलिक इक्वेशन होता है इस तो वाई इज इक्वल टू एच हो जाने वाला है तो इससे आपको एच आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई टू जी स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को पता होना चाहिए ठीक है बढ़िया है अब जिस तरीके से अगर आप एक नॉर्मल वेसल में देखो तो नॉर्मल वेसल में क्या होता था किसी भी एच डेप्थ पे आपका प्रेशर होता था रो जी एच तो जी क्या होता है जी इफेक्टिव होता है ना तो वैसे ही अगर आपका एक वेसल राइट साइड कर रहा है तो हमने अभी अभी देखा कि सर्फेस आपको ऐसे इंक्लाइंड होगा तो इसके परपेंडिकुलर हो गया ना जी इफेक्टिव राइट तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा रो इन जी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो आपको हाइट होगा राइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला आपको हाइट होगा तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने में ठीक है अच्छा रोटेशन वाला आपको फॉर्मूला एकदम याद में होना चाहिए कि अगर आपका एक एक्सेस है और ये ट्यूब में आपको लिक्विड है या कुछ भी है और ये आपको घूम रहा है तो वन और टू के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा पॉइंट नंबर वन और टू के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो आप इस वाले टर्म से देते हो इसको डिराइव करने का तरीका होता है राइट right? डेरिवेशन हमारे डिटेल वाले वीडियो में है लेकिन अभी फ़िलहाल काम नहीं है ज़रूरत नहीं है अपने को तो ये फॉर्मूला अपने को बस याद रखना है पासकल्स लॉ पासकल्स लॉ बेसिकली एक ऑबियसा लॉ है जो कि हम लोग पहले भी इसको, इसको इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट नंबर वन की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो लिक्विड के वजह से भी होगा ऊपर जो एम मास का पिस्टन है उसके वजह से भी होगा एम जी वाई सेक्शन एरिया और जो ऊपर हवा का दबाव है उसके वजह से भी प्रेशर होगा तो ये हो गया आपका टोटल प्रेशर एट पॉइंट नंबर वन इसी के ऊपर आपको ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसका आपको न्यूमेरिकल बन जाता है राइट सो बेसिकली फंडा क्या है एफ वन बाई ए वन यहाँ पे जो आपका प्रेशर लग रहा है एफ वन बाई ए वन शुड बी इक्वल टू ये जो आपका कार है ना एम जी और ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए टू तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो एफ वन की वैल्यू होती है ए वन बाई ए टू मल्टीप्लाइड बाई एम जी तो आप देख सकते हैं ए टू जो है वो बहुत बड़ा होता है ए टू जो है ए वन के सामने बहुत बड़ा होता है तो अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो एफ वन बहुत छोटा यानी कि आप बहुत कम ताकत लगा के भी एक भारी सी कार को उठा सकते हो ये आपका सिंपल सा लॉजिक है राइट अगर आपके पास इस तरीके से कोई टैंक वैंक है उसके अंदर लिक्विड है तो हमसे इस वाले सरफेस पे टोटल फोर्स पूछता है अगर ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जो कि आपके केस में जेई में रेक्टेंगुलर सरफेस ही होगा उस केस में जो आपको यहाँ पे जो आपको टोटल फोर्स होता है वो आपका ये रिजल्ट है ये आपका रिजल्ट होता है ठीक है इसका शॉर्ट ट्रिक यहां पे दिया हुआ है कि आप ऐसे केस में एवरेज प्रेशर को लिखें यानी कि रो जी एच बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ वॉल राइट और अगर इस वॉल पे टॉर्क पू, आपसे पूछता है तो आपको बेसिकली इसको प्रॉपर तरीके से ड्राइव करना पड़ सकता है लेकिन रिजल्ट अगर ध्यान में है तो आप सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं बढ़िया है आर्किमिडीज भैया तो लॉ लो ऑफ फ्लोटेशन में क्या है अगर आपके पास कोई बॉडी है वो एक लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट लगाता है जिसे आप ब्वाइंट फोर्स कहते हो वो जो आपका ब्वाइंट फोर्स होता है वो बॉइंट फोर्स आपका होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई ग्राविटी यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपका जो बॉडी है उसका डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तब तो वो बॉडी नीचे सिंक कर जाएगा और ज़मीन पर जाकर टच कर जाएगा लेकिन अगर इसका डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वहां पर भी दो केस होगा क्या तो डेंसिटी कम है इस केस में थोड़ा सा बॉडी बाहर फ्लोट करेगा थोड़ा सा बॉडी अंदर होता है लेकिन अगर आपका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के बराबर है तो बॉडी फ्लोट करेगा लेकिन कंप्लीटली लिक्विड के अंदर ही रहेगा राइट तो इस वाले केस पे आपसे न्यूमेरिकल बनता है जहाँ पे सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से अगर कम है तो आपका थोड़ा सा बॉडी बाहर है और थोड़ा सा बॉडी अंदर है देख सकते हो ना ये थोड़ा सा जो बॉडी है वो आपका बाहर है और थोड़ा सा बॉडी अंदर है तो इस केस में आपको ये वाला रिजल्ट याद रहना चाहिए कि भैया मान लेते हैं कि एच लेंथ नीचे है तो वो एच वन और एच के बीच में ये आपका रिलेशन है सिलेंडर एंड एच वन इज लेंथ जो कि लिक्विड के अंदर था लिक्विड के अंदर था तो इस रिजल्ट का आप याद रखें ध्यान में रखें ठीक है अच्छा आपको यहां पे सेंटर ऑफ बॉइंसी क्या होता है जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास क्या होता है सेंटर ऑफ मास होता है वो लोकेशन जहाँ से आपका एम पास करता है वैसे ही सेंटर ऑफ बॉइंसी जो होता है वो आपका वो लोकेशन है जहाँ से आपका बॉइंट फोर्स पास करेगा और वो सेंटर ऑफ बॉइंसी जो होगा ना आपका जितना पोर्शन आपका रॉड लिक्विड के अंदर में है जितना पोर्शन रॉड का लिक्विड के अंदर में है उतने पोर्शन का सेंटर ऑफ मास जो कि ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा तो वहीं से आपका बॉइंट फोर्स पास करेगा ये आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिस पे आपको टॉर्क बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं लास्ट में आपका यहाँ पे आता है अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट कि आपके पास अगर कोई बॉडी है आपको उसने आपने उसको लिक्विड में डाल दिया है तो वो बॉडी जो है थोड़ी सी लाइटर महसूस करती है आपने पक्का खुद ने महसूस किया होगा अगर आप स्विमिंग पूल में चले जाते हो तो आपको हल्का सा लाइट महसूस होता है यानी आपका जो इफेक्टिव वेट है वो घट जाता है यानी कि अगर आप स्विमिंग पूल के बॉटम पे एक वेइंग स्केल रख दो और उस पर जाके खड़े हो जाओ तो वेइंग स्केल की जो रीडिंग होती है वो इतनी होती है वो इतनी होती है बेसिकली एम जी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई ग्रेविटी इस तरीके से आप रीडिंग निकाल लेते हो इन द केस ऑफ बॉइंट फोर्स ठीक है बढ़िया है हनीश वो डेप्थ वाला जो रोटेशन uh, में जो डेप्थ वाला चीज है कि सर उसको डिटेल में वो आपको काम आएगा एडवांस में मेंस में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं आपको सिंपली वो फॉमूला पता होना चाहिए कि कितना ओमेगा और या फिर आपका हाइट राइस कितना होता है ठीक है फ्लो डायनेमिक की बात करें स्ट्रीम फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे आपको रेनॉर्स नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि इस पर जब जेई मेन 2021 में सवाल आया था बहुत से बच्चों के रूह काप गए थे कि सर ये कॉन्सेप्ट है किस बुक में तो बच्चा ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली आपको ये बता देता है कि जो लिक्विड का फ्लो है वो आपको स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है मस्त स्मूद फ्लो और टर्बुलेंट टर्बुलेंट का मतलब होता है रैंडमनेस राइट right? तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर हज़ार से कम है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको यही याद रखना है अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो लिखा हुआ है उसको भूल जाओ अगर वो इसे मैच नहीं कर रहा है तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर थाउजेंड से कम है तो वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है अगर नौ नंबर 2000 से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो है और अगर 2000 और हजार के बीच में है तो वो आपका अनस्टडी फ्लो कहलाता है ये तीनों टर्म्स भी आपको याद रहना चाहिए जहां पे रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी इज द स्पीड ऑफ लिक्विड डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप जिसमें वो फ्लो कर रहा है और ईटा आपको होगा कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी आइडियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड होता है जो कि आपका इनकंप्रेसिबल होता है जो कि नॉन विस्कस होता है एंड एवरीथिंग तो बेसिकली आपका जितना भी बर्नॉलिस का इक्वेशन लगता है या फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी

इस तरीके से सवाल को क्रैक कर सकते हो ठीक है इसके ऊपर आपको सवाल ये जो टैप वाला है वो पहले भी पूछा जा चुका है यहाँ पे आपके पास एक टैप है जिसमें से आपको पानी जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है राइट लिक्विड आपको नीचे की तरफ गिर रहा है तो हमसे पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्योंकि जब आपका पानी नीचे गिरता है ना उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी टू बी कांस्टेंट तो इस पे आपको सवाल बनता है यहां पे आप लगाते हो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का ये आप लगाते हो फ्री फॉल का इक्वेशन और फिर वहां से आप ये वाला एरिया सॉल्व कर लेते हो क्लियर एकदम बर्नॉलिस इक्वेशन आपको दो पॉइंट के बीच में अगर बर्नॉलिस का इक्वेशन लगाना है तो पॉइंट नंबर वन पे आप क्या लिखोगे वहां का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन राइट इज इक्वल टू पॉइंट नंबर टू के लिए सेम तीन टर्म लिख देते हो सो बेसिकली टोटल प्रेशर एनर्जी प्लस करेंटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये तीनों टर्म का का आपको आपको हमेशा होगा ऐसा इक्वेशन कहता है राइट right? जनरली आपका जो इसका एप्लीकेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल पाइप्स में ज्यादा रहता है हॉरिजॉन्टल पाइप के साथ फायदा ये है कि आपका ये वाला जो एच और ये वाला जो एच है वो आपका सेम है तो आपका लेफ्ट और राइट right में रोजी एच रोजी एच कट जाता है और आपके पास सिंपल सा यही एक इक्वेशन बच जाता है तो यहां से हम बेसिकली ये बात डिड्यूस कर पाते हैं कि जहां पे भी आपका वेलोसिटी ज्यादा होगा अगर ये वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये प्रेशर कम होगा अगर ये वेलोसिटी कम है तो ये प्रेशर ज्यादा है इतना आपको ध्यान में रखना है राइट और आपको ये तो पता ही है ना कि V2 जो होगा वो V1 से बड़ा होगा जहां पे पतला एरिया है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये जो आपका कोरिलेशन है कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर कम आपको ये बात जो है सिंपली ध्यान में रखना है velocity of eflux में अगर आपका ये एक सिंपल सा अगर आपका ये एक सिंपल सा सेटअप है तो जिस वेलोसिटी से आपको लिक्विड बाहर निकलता है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट 2gh इस केस में जो आपका रेंज होता है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट 2 h ब्रैकेट कैपिटल h माइनस स्मॉल h और अगर आप चाहते हैं कि आपका रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाए तो आप जो ये छेद करते हो ना वो आप छेद करोगे h by 2 पे यानी कि लिक्विड के ठीक बीचों बीच आप जाके छेद मारोगे तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा एंड दैट मैक्सिमम रेंज इज गोइंग टू बी इक्वल टू कैपिटल एच जो भी आपका इसका हाइट है ये चार आपको वैल्यूज याद रहने चाहिए अब कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो सिंपल सा सेटअप दे आपके वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स के लिए हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी बनाया था जो कि सेम बात मैंने उस पर वहां पे भी ऑलरेडी करी हुई है कि आपको हो सकता है कि लिक्विड के ऊपर एक और लिक्विड हो हो सकता है कि लिक्विड के सरफेस uh, पे आपको एक पिस्टन रखा हो आपको एक मास रखा हो ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स पूछता है सो तो आपको सिंपल सा फंडा यहां पे अपनाना है कि अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे आपको प्रेशर कुछ रहेगा यहां पे आपको प्रेशर कुछ है यहां पे आपको प्रेशर कुछ है सो लॉस इन प्रेशर इज इक्वल टू गेन इन कर्नेटिक एनर्जी राइट यहां पे भी आप लिखोगे लॉस इन प्रेशर इज इक्वल टू गेन इन कारनेटिक एनर्जी उससे आपका सवाल जो है वो क्रैक हो जाने वाला है इस वराइटी का अगर आपके पास एक लिक्विड है और नीचे आपने छेद कर दिया है तो आपका जो लिक्विड का लेवल है ना वो घटेगा और वो वैसल एम होगा एम होगा एम होगा इसके डेरिवेशन को नहीं आपको इसके रिजल्ट को याद रखना है अगर आपसे सवाल में सिंपली ये पूछा कि कितने टाइम में व्यसल पूरा खाली हो जाएगा तब तो यही वाला रिजल्ट आपके काम का है इतने टाइम में आपका वैसल पूरा खाली हो जाएगा जहां पे कैपिटल एच आपका इनिशियल हाइट है आपका ए वन है इस वाले सरफेस का एरिया और आपका ए टू है इस वाले छेद का एरिया ठीक है और किसी गिवन टाइम पे अगर आपसे ये मान लीजिए ये आपको कैपिटल एच है आपसे ये पूछा कि अगर ये वाई आपको एच वाई टू हो गया तो बताइए कितना टाइम लगा होगा तब आपको ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आपको कंप्लीट एमटीन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये थ्रस्ट मैंने अभी अभी आपसे शुरुआत में भी डिस्कस किया था लिक्विड आपको अगर बाहर निकलता है तो जो पीछे आपको बैक थ्रस्ट लगता है दैट इज योर रो ए वी स्क्वायर इसके ऊपर भी आपको सवाल पूछा गया था क्योंकि बैक थ्रस्ट ये जो आपका फोर्स है इसी को आप इक्वेट करोगे मास इंटू एक्सलेशन है तो आपके पास ये कुछ ऐसा सेटअप रहता है यहां पे भी दो वैरायटी है अगर आपका ट्यूब ऊपर की तरफ है आप ध्यान से देखिएगा यहां वाला जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम है और ये वाला एरिया आपको ज्यादा है यानी वी टू आपको ज्यादा होगा एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम यहां पे आपका एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा अगर आपका P1 P2 से ज़्यादा है तो यहां पे लिक्विड आपको ज़्यादा हाइट तक राइज किया है यहां पे आपको लिक्विड कम हाइट तक राइज किया है तो ये जो हाइट डिफरेंस है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अच्छा यहां पे हाइट डिफरेंस आया और इस हाइट डिफरेंस की वजह से आप इस वी को कैलकुलेट करते हो जिसका फॉर्मूला आपको ये होने वाला है डेरिवेशन बर्नॉलीस से ही आता है लेकिन रिजल्ट इसमें याद होना चाहिए इसका दूसरा वेराइटी है कि अगर आपका ये जो ट्यूब था वो नीचे लगा हो ऐसे केस में यह लिक्विड और ये लिक्विड अलग अलग होता है अब जनरली ये जो नीचे वाला है वो आपको मरकरी होता है तो अब आपका फॉर्मूला ये होने वाला है क्योंकि ऊपर आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखाएगा और नीचे आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखाने वाला है तो ये दोनों सेटअप के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज योर यप्ट ऑफ सर्फेस टेंशन दैट इज दैट इज सर्फेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ और या फिर फोर्स इज इक्वल टू सर्फेस टेंशन इन टू लेंथ इसका एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे रिंग्स है और ये पानी के सरफेस पे था आपको इसको उठाना है तो पानी इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा या फिर जो भी लिक्विड है वो उस रिंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो आपको उस बॉडी के वेट को ही अपोज नहीं करना है आपको उस पानी के खिंचाव को भी अपोज करना है राइट right. तो इस केस में इस केस में जो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है वो एक तो आपको एम तो होता ही है उसके अलावा आपको होता है सरफेस टेंशन का फोर्स दैट इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ तो यहां पे लेंथ की जगह आप क्या लिखोगे यहां पे लेंथ की जगह आप लिखोगे पेरीफेरी तो एक अंदर वाला पेरीफेरी और एक बाहर वाला पेरीफेरी सो बेसिकली टू टाइम्स टू पाई आर और यह आपका एस तो है ही डिस्क में आपको सिर्फ एक ही पेरीफेरी होगा सो एस इंटू टू पाई आर यहाँ पे आपका क्या है रेक्टेंगल जैसा है सो एस इन टू पेरी तो ये वाला वेराइटी पे भी आपसे सवाल अगर बन जाता है तो सवाल ईजी है दूसरा जो आपको फॉर्मूला होता है सर्फेस एनर्जी इज इक्वल टू सर्फेस टेंशन इज इक्वल टू सर्फेस एनर्जी अपॉन एरिया यानी कि किसी भी बॉडी का किसी भी लिक्विड ड्रॉप है या फिर बबल है तो उसके सरफेस का जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय सरफेस टेंशन इन सरफेस एरिया अब एक बबल के एक ड्रॉप के केस में जो आपको सरफेस है वो सिर्फ बाहर वाला ही होगा तो सरफेस टेंशन इंटू फोर पाई आर लेकिन अगर एक बबल है तो अंदर भी सरफेस है और बाहर भी सरफेस है तो आपको दो बारी लिखना होगा फोर पाई आर स्क्वायर टू इंटू फोर पाई आर स्क्वायर तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है

एक्सेस प्रेशर आपको फंडा क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास एक ड्रॉप है ड्रॉप में आपको सिर्फ एक ही सरफेस होता है तो एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है कि अंदर में आपका प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर में आपका प्रेशर कम होता है सो डिफरेंस इन प्रेशर को हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रेशर और वो एक्सेस प्रेशर आपको होता है टू एस बाई आर टू इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ दैट स्फीयर लेकिन अगर हम लोग बबल की बात करें तो बबल के केस में बच्चा आपको बाहर में भी एक सर्फेस और अंदर में भी एक सर्फेस है तो वो जो एक्सेस प्रेशर होगा वो आपको हो जाएगा फोर एस बाई आर ठीक है ध्यान में रखना है अगर आपके पास दो बबल है जो कि आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इस कांटेक्ट का जो आपको रेडियस होगा ये जो आपको कांटेक्ट है ना इसका रेडियस हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कांटेक्ट फिल्म तो ये आपको एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही ड्राइव होता है रिजल्ट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आर जो होगा यानी कि इसका जो आपको रेडियस होगा दैट इज आर वन अपॉन टू अपऑन आर टू ये हो गया दो बबल एक्सटर्नली आपस में कांटेक्ट में आए लेकिन अगर दो बबल इंटरनली आपस में एक बबल

टू एस अपॉन आर रो जी जनरली आपका ये जो थीटा होगा अगर वाटर है तो थीटा आपको जो है वो जीरो डिग्री होगा तो इस केस में आपको सिंपली हो जाएगा टू एस बाई आर रो जी यहाँ पे आपका ध्यान से ध्यान से आप समझिएगा अगर आपके पास दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स है उसमें आपको लिक्विड कितना हाइट राइज करेगा तो उसका फॉर्मूला आपको होता है टू एस अपॉन डी रो जी जहां पे डी क्या है इन दोनों प्लेट्स के बीच का आपको जो सेपरेशन है ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है है ठीक अच्छा अगर आपका ट्यूब लेंथ इनसफिस है यानी कि जो एच होना चाहिए था लिक्विड का उतना लेंथ का आपके पास ट्यूब ही नहीं है तो लिक्विड बाहर नहीं निकल आएगा लिक्विड आपको टॉप पे जाके अपना कर्वेचर चेंज कर लेगा लेकिन बाहर कभी भी नहीं आने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपके पास दो प्लेट्स है और दोनों प्लेट के बीच में कोई लिक्विड है मान लीजिए तो उन दोनों प्लेट्स को है ना सेपरेट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बच्चा उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है उसको उखाड़ने के लिए आपको जो ताकत लगती है वो ताकत है आपको ये वाला एफ इज इक्वल टू टू एस ए अपॉन डी कॉस्थीटा थीटा आपको कॉन्टैक्ट एंगल है टू एस सर्फेस टेंशन ए आपको क्या है तो ए आपको बच्चा ये जो आपको बॉटम में जो आपको ये एक सर्कुलर पोर्शन होगा उसका सरफेस एरिया है राइट और डी आपको क्या है तो इन दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है दैट इज योर डी That is your D, right? viscous force, viscous force, आपका जब दो जो आपका लिक्विड आगे मूव करता है तो उनके बीच में जो आपको इंटर लेयर फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड योर विस्कस फोर्स और उसका जो इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय ईटा ए डीवी बाय डीवाई ईटा आपको होता है ऑफ विस्कोसिटी ए आपका हो गया है सरफेस एरिया एंड डीवी बाय डीवाई इज कॉल्ड योर वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये आपका ईटा है ना इसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर कभी कभी डायरेक्ट सवाल आ सकता है या फिर इसका यूज़ किसी और सवाल में हो सकता है इसका यूनिट होता है आपको पॉइजली इसका सी यूनिट होता है आपको पॉइस एंड वन पॉइजली इज इक्वल टू टेन पॉइस ठीक है इस पर जो न्यूमेरिकल बनता है आपको वो बड़ा ही सिंपल सा बनता है एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास एक ही ब्लॉक है तो एम जी साइन थीटा की वजह से वो नीचे गिरेगा लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोई लिक्विड है राइट right, तो लिक्विड जो है इसके सरफेस पे विस्कस फोर्स लगाएगा अगर ये इसका वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है या मतलब विस्कस फोर्स और एम जी साइन थीटा आपस में बराबर है एम जी साइन थीटा और विस्कस फोर्स आपस में बराबर है तो एम जी साइन थीटा और विस्कस फोर्स क्या लिखोगे अभी अभी देखा था ना ईटा ए डी वी तो यहाँ पे ईटा ए डी यानी कि अगर आप ध्यान से देखें अगर इस ब्लॉक का वेलोसिटी है, तो इस लिक्विड के टॉप लेयर की वेलोसिटी भी, भी ही होगी। तो यहां पे आप चुपचाप v लिख सकते हो और dy यानी कि ये जो थिकनेस है लिक्विड का वो आपको टी है तो ये आप यहां पे उठा के पटक देते हो और आपका सवाल सॉल्व हो जाता है ठीक है ये जो आपका यहां पे है इस पे सवाल रेयरली ही पूछा जाएगा लेकिन अगर आपका बहुत पतला सा ट्यूब है और उससे आपको लिक्विड फ्लो कर रहा है तो जो आपको प्रेशर डिफरेंस होता है यहां पे प्रेशर पी वन मान लीजिए यहां पे प्रेशर पी टू मान लीजिए तो जो आपको रेट ऑफ फ्लो है लिक्विड का क्यू दैट इज गिवन बाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन पाई आर होगा रेडियस ऑफ द पतला ट्यूब पी वन माइनस पी टू एट ईटा ट्यूब तो इस पर भी आपको सवाल बन सकता है ठीक स्टोक्स लॉ क्या बोलता है अगर आपके पास एक स्पेरिकल बॉडी है और वो अगर फ्लुइड में मूव कर रहा है तो अगर इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो फ्लुड उस पर ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगाएगा विच इज योर याईटा आर वी इसी में आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने बॉल को लिक्विड में छोड़ दिया है तो कुछ समय बाद वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेती है एंड दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन और अगर उसकी वेलोसिटी है यानी कि उस बॉडी पे नेट फोर्स भी जीरो है यानी जितना उस पर ऊपर की तरफ बॉइंट और विस्कस फोर्स लग रहा है उतना ही उस उसपे नीचे की तरफ एमजी लग रहा होगा सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मुला जिसपे आपको भर भर के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है थीके? क्या यहां तक चीजें क्लियर है एकदम बताइए बताइए क्या यहां तक आपको समझ में आया है क्विकली बताइए सर वेलोसिटी पर डेंसिटी का इफेक्ट नहीं होता है क्या बिकॉज फाइंड बर्नौली से करते हैं किस वाले के लिए हनीश पूछ रहे हो हां जी बच्चे इसका पीडीएफ मिलेगा सेशन खत्म होने के बाद ठीक है चलिए वी हैव रीच सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन थर्मल फिजिक्स और उसके बाद आपका वेव्स खत्म ठीक है चलिए देखिए ऐसा चैप्टर है जिसपे आप सिर्फ फॉर्मले फॉर्मले पे ही फिलहाल फोकस करें ठीक है अगर बहुत डेप्थ में नहीं जाना है तो एस में क्या है पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस किया अपनी मीन पोजिशन से सो आपका पार्टिकल है वो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है वो आपको टू एंड फ्रो मोशन करता है ऐसे सिचुएशन में आपका जो पार्टिकल है मीन पोजीशन से जब वो एक्स डिस्टेंस पे है तो आपको ये जो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो आपको एक तो इम्पॉर्टेंट है दूसरा उसका जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है ये दोनों आपको याद रहना चाहिए

इस सिचुएशन में आपका जब पार्टिकल एस कर रहा है तो मीन पोजिशन पे आपका वेलॉसिटी मैक्सिमम होता है और यहां पे आपका जो वेलॉसिटी होता है वो जीरो होता है मीन पोजिशन पे आपका एक्सिलेशन जीरो होगा और एक्सट्रीम पे आपका एक्सिलेशन जो है वो मैक्सिमम होता है दैट इज योर ओमेगा स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये आपको बातें याद होनी चाहिए राइट काटिक एनर्जी आपको मीन पे मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे आपको जीरो होगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए ठीक है इसका जो ग्राफ है आप देख सकते हैं ये ग्राफ आपको बेसिकली वही बताता है कि मीन पे आपको कॉनेटिक एनर्जी ये ग्रीन वाला आपका ग्राफ है कैनेटिक एनर्जी का और येलो वाला आपका ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का तो आप देख सकते हैं मीन पोजिशन पर आपका कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे आपका कैनेटिक एनर्जी जीरो है लेकिन वहीं आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है और वो आपका मीन पे जो है वो जीरो है तो ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए फिर आपको जो इसका स्टैंडर्ड डेटा है वो याद होना चाहिए कि अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से ए बाई टू पर जाता है तब आप तब इसको जो टी वन टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू टी बाई टूवेल्व टी इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन अगर वो ए बाई टू से ए पे जाता है टी टू तो वो आपको आने वाला है टी बाई सिक्स ठीक है तो ये दोनों चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि कितना टाइम लगता है पार्टिकल को जीरो से पे पे और A by 2 से capital A पे. आपको किसी भी सिस्टम का अगर टाइम पीरियड निकालना है, अगर होता है, अगर होता तो उसमें आपको पता है, और एंगुलर एस एच एम निकालना है तो आपको निकालना है एल्फाइज टू एल्फा इज प्रपोर्शनल टू माइनस थीटा यानी कि आपने एक पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस किया है अपने मीन पोजिशन से तो वो पार्टिकल आपको लीनर एस कर सकता है उसका एग्जाम्पल आपको ये है और पार्टिकल आपको एंगुलर एसएचएम कर सकता है उसका एग्जाम्पल आपके सामने ये है दोनों का स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए स्प्रिंग ब्लॉक के केस में टू पाई अंडर रूट एम बाई के और धागे के केस में टू पाई अंडर रूट एल बाई जी अब स्प्रिंग ब्लॉक के साथ एक और खास बात यह है कि अगर उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कॉन्स्टेंट है फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि इस पर कोई चार्ज क्यू था और इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इस इसपे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कॉन्स्टेंट होगा क्यू इन टू e. ई अगर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कॉन्स्टेंट है तो स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड टू पाई अंडरवूड एम बाई के ही रहने वाला है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है यहाँ पे आपको स्प्रिंग के साथ भी खेला होता है अगर स्प्रिंग सीरीज में लगा दिया है तो के इक्वलेंट आपको पता है पैरल में लगा दिया है तो आपको के इक्वेलेंट पता है तो फिर आपसे सवाल ऐसा बना सकता है कि आपके पास यहाँ पे

टाइम पीरियड, ठीक है? अच्छा, अगर आपके पास दो ब्लॉक सिस्टम है राइट तो वहां पे आप बच्चा रिड्यूस मास का करते मास की जगह आप मास और नीचे आप लिखोगे के के तो दोनों स्प्रिंग पैरल में है तो ये हो जाएगा के प्लस टू के यानी कि थ्री के और एम और टू एम का रिड्यूस्ड मास का फॉर्मुला तो हमने पहले भी सीखा हुआ है आप इसको अप्लाई करेंगे आपका जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाने वाला है क्लियर है अब आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है अलग अलग चैप्टर के टाइम पीरियड का अगर आपके पास कोई बॉडी है आपने उसको लिक्विड में डुबो के छोड़ दिया है, दबा के छोड़ छोड़ दिया दिया है है दबा तो वो आपको ऊपर नीचे उपर, नीचे ऊपर ऑसिलेट करेगा अज्यूमिंग बॉडी का डेंसिटी डेंसिटी लिक्विड से कम है ऐसे केसेस में बच्चा आपका जो टाइम पीरियड होने वाला है दैट इज गिवन बाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट इज टू पाई अंडर रूट एच वाई जी जहां पे एच है इक्विब्रियम पोजिशन पे बॉडी का कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर था तो ये आपको इसका है उसकी जगह आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं राइट थर्मोडाइनेमिक्स में भी आपका टाइम पीरियड का सवाल बन सकता है पहले भी आ चुका है जेई में कि आपके पास एक सिलेंडर है ऊपर में पिस्टन है और यहां पे आपको प्रेशर जो है मान लीजिए पी नॉट है राइट right? अब आपने इसको हल्का सा दबा के मान लीजिए छोड़ दिया है अब जब ये आपको टू एंड फ्रो एस करेगा तो अंदर में जो प्रोसेस चल रहा है वो आपको आइसोथर्मल भी हो सकता है और आइडियाबैटिक भी हो सकता है अगर आपका आइसोथर्मल है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसा होगा और अगर आपका आइडियाबैटिक है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसा होगा जहाँ पे गामा आपका आडियाबैटिक कॉन्सेंट है दैट इज़ योर सी पी बाई सीबी तो इतना बात अपने को ध्यान में रहना चाहिए धरती के केस में आप सभी को पता है डायमीटर से अगर आपका एस एच एम हो रहा हो या फिर किसी कॉर्ड पे एस एच एम हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला टू पाई अंडरूट आर बाई जी होगा जहां पे आर आपका रेडियस ऑफ दी प्लानट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपका एस एच एम होता है अगर आपके पास यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है और इस डायरेक्शन में आप उसको ऑसिलेट करवाओगे तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो ये आपको निकल के आएगा टाइम पीरियड लेकिन अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज को बीच में रख के इस तरीके से ऑसिलेट करवाया है तब ये उसका टाइम पीरियड है आप इसको ड्राइव कर सकते हो लेकिन ये सब क्या है बच्चा अब आपको जब लास्ट के सिक्स सेवन डेज बच रहे हैं ये सब फॉर्मूलेस को आप ईजिली रट सकते हो याद कर सकते हो फिजिकल पेंडुलम में क्या है कि नॉर्मल अगर आपका धागा और बॉब होता था तो टाइम पीरियड था टू पाई अंडरूट एल बाई जी लेकिन यहां पे आपका अब होगा टाइम पीरियड का फॉर्मुला टू पाई अंडरूट आई बाई एम जी डी जहां पे आई आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एम सिस्टम का मास जी ग्राविटी डी हो जाएगा इसका पॉइंट का दूरी बॉडी के सेंटर ऑफ माथ से दिस इज योर वेरी येरीपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके ऊपर आपको नीचे में एक सिंपल सा सवाल भी दिख रहा होगा आप इसको देख सकते हैं बाद में ठीक है टॉर्शनल के केस में आपके पास एक टॉर्शनल वायर है यहां पे एक डिस्क है आपने इस डिस्क को हॉरिजोटली हल्का सा घुमा के छोड़ दिया तो ये आपको जो है ऑसिलेट करता रहेगा और उसमें आपको ये होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला टू पाई अंडर आई बाई सी जहां पे आई आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सी आपका हो जाएगा टॉर्शनल कॉन्सेंट जो कि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा राइट right. सेम आपको होता है टाइम पीरियड डाइपोल में भी अगर आपका एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है और आपने इसको हल्का सा ऐसे करके अगर छोड़ दिया है तो ये आपको ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा और टाइम पीरियड का फॉर्मुला आपका होता है ये आप इसको ड्राइव कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का इस्तेमाल करके अगर आपके पास एक मैग्नेट होता है शॉर्ट शौ, मैग्नेट तो ये आपका टू पाई आई बाई एम बी है अगर आपका सिंपल पेंडुलम एक लिफ्ट में है या फिर एक ऐसे सिस्टम में है जो कि एक्सिलेट कर रहा है तो आप टू कि ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव इतना लिफ्ट अगर नीचे एक्सलेट कर रही है तो जी इफेक्टिव इतना अगर एक गाड़ी है जो कि गाड़ी राइट साइड जा रही है तो जी इफेक्टिव इतना तो इसके ऊपर भी आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है क्लियर एकदम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो आपके पास मान लीजिए कि दो सिस्टम है जो कि एसएचएम कर रहा है एक ये वाला और एक ये वाला हमको बताता है कि हमसे ये पूछता है कि इसका बताइए रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा तो वो होता है ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस थीटर पे ए नेट जो होता है वो आपको वैक्टर एडिशन की तरह होता है वैक्टर एडिशन की तरह ये आपको होता है जहाँ पे पहले वैक्टर का आप एम्पलीट्यूड बनाते हो दूसरे वाले का आप यहाँ पे फाइव है बेसिकली तो फाइव एंगल से आपने ए टू बना दिया है फिर दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है वही आपको हो जाने वाला है ए नेट ए नेट यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है तो यहाँ पे ध्यान से देखना ये जो दूसरा वाला है वो 120 डिग्री है यहाँ पे 30 डिग्री है सो वन ट्वेंटी डिग्री 30 से 90 ज्यादा है तो इन थ्री और फोर के बीच में एंगल आप 90 डिग्री का ही लोगे तो इस तरीके से हम यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड बता कर सकते हैं जिसपे आपसे सवाल पूछा जाता है डैम्ड ऑसिलेशन की बात करें तो आपके पास यहां पे एक पार्टिकल है जो अब एक फ्लूइड में ऑसिलेट कर रहा है या फिर उसके मोशन को कोई कंटीन्यूअसली अपोज कर रहा है इसके पहले तक आपका एसएचएम में पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रेस रहता था लेकिन अब आपका पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड आप देखिए वो डिक्रीज कर रहा है समय के साथ तो इसको हम लोग कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन राइट अब जो आपका एस एच एम का इक्वेशन है वो इससे दिया जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो उस एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आपको ये है एट इज इक्वल टू ए नॉट शुरुआती एम्पलीट्यूड ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम यहाँ पे बी जो है वो आपका डैम्पिंग कॉन्सेंट है टी आपका टाइम है टू और एम आपका इस ब्लॉक का मास हो जाने वाला है मास हो जाने वाला है राइट आपको बी जो है क्वेश्चन में दिया रहता है और अब जो आपका एंगुलर एंग्वेंसी है वो इस इक्वेशन से दिया रहेगा तो ज्यादा सवाल आपका इस वाले से ही बन के निकलता है ठीक है कितने टाइम में आपका जो एम्पलीट्यूड है मान लीजिए वो आधा हो जाता है ऐसा सवाल आपको छोटा मोटा इस पर बन सकता है क्लियर है एकदम बताइए क्या मेरी बातें आपको यहां तक क्लियर है क्या बातें आपको यहां तक क्लियर है बताइए कम ऑन बस बच्चे अपने थर्मल फिजिक्स में आप घुसी गए हैं है ना थर्मल फिजिक्स में तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फॉर्मूलाज है पूरे इलेवेंथ में सबसे ज़्यादा फार्मूलाज आपका यही चैप्टर में से है तो थर्मल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला आपका आता है टेम्परेचर स्केल आपको यहाँ पे ये वाला चीज़ समझ में आना चाहिए सेल्सियस फैरन हाइट और इसके अलावा कोई और भी आपको टेम्परेचर स्केल जो है बना के दिया जा सकता है वैसे केसेस में आपको जो लिखना होता है दैट इज सी माइनस योर मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट दिस इज इक्वल टू अगर हम फेरनाइट स्केल की बात करें तो एफ माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट तो इस तरह से आप सी और एफ के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं कल को कोई और स्केल होता है तो फिर आप वहां पे भी रिलेशन निकाल सकते हो थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन एरियल एक्सपेंशन एंड योर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तीनों का आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए या आपका तीनों के केस में फाइनल एरिया लेंथ और वॉल्यूम का फॉर्मूला है यहाँ पे जो आपको एल्फा है उसको कहते हो कोईफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन जहाँ पे बीटा आपको ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ़ एल्फा होगा और यहाँ पे आपको गामा जो है वो थ्राइस ऑफ एल्फा होगा यानी एल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का आपको जो रेशियो होता है वो वन इस टू टू इस टू थ्री होने वाला है ठीक है अगर आपके वॉल्यूम में वेरिएशन आता है तो अगर लिक्विड को आपने अगर हीट किया तो वॉल्यूम में चेंज आया तो उसका डेंसिटी में भी चेंज आया है तो डेंसिटी में जो चेंज आता है उसका आप ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे अज्यूमिंग कि आपका जो गामा डेल्टा टी है वो वन से बहुत छोटा है जो कि आपको अमूमन होता ही है तो आप डेंसिटी के लिए इस वाले रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे बीच में आपको माइनस साइन जो है बस लगा देना है अब ये जो आपका एक्सपेंशन होता है ना इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई कैविटी है आपने इसको हीट किया है तो बच्चे को लगता है कि कैविटी का जो रेडियस है वो बच्चा घट जाएगा ऐसा कदापि नहीं होगा यहां पे अगर कोई एक गैप है अगर इस रिंग को हीट किया है तो ये गैप आपको घटेगा ऐसा नहीं होता है एवरी डायमेंशन हैज टू इंक्रीज I repeat myself, every single dimension has to increase. तो अगर इस रेडियस की बात करें तो जो इसका फाइनल रेडियस होगा वो इस वाले formula से ही दिया जाएगा right? यानी कि जो इसका area में का जो आप लिखोगे final area that is equal to this much. राइट right? अगर हम इसकी बात करें आपने इसको हीट किया है तो ये जो गैप है वो आपको इंक्रीज करेगा तो आप इसी इक्वेशन से इसका फाइनल गैप लेंथ भी पता कर सकते हो अगर आपके पास एक रॉड है जो कि दो दीवार के बीच में फिक्स्ड है आप इस रॉड को गर्म तो करोगे तो रॉड एक्सपैंड करना चाहेगा लेकिन क्या वो एक्सपैंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा यानी उसके अंदर एक तनाव एक स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा जिसे आप कहते हो थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस

एल्फ़ा एल्फ़ा वन इस वाले का अल्फा एल्फा टू अगर आपने इसको हीट किया है तो दो कंडीशन है अगर एल्फ़ा वन ज़्यादा है एल्फ़ा टू से यानी कि लेफ़्ट वाला ज़्यादा लंबा होने की कोशिश करेगा तो आपको ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा और अगर अल्फ़ा टू ज़्यादा है तो वो इस तरीके से बेंड होएगा मुद्दे की बात है कि इस ये जो आपका कर्वेचर आया है इसका रेडियस क्या होगा तो वो इस रिज़ल्ट से देते हैं अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके इसको ड्राइव किया गया है और यहाँ पे ये रिज़ल्ट है फॉर्मुला बेस्ड सवाल आने के चांसेस कम है लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको जेई मीनस में आ चुका था कि बेंड किधर करेगा लेफ्ट या राइट right? तो वैसा वाला डायग्राम या फिर आपको फंडा क्लियर होना चाहिए राइट right? कैलोरीमेट्री में क्या है कि इन डेप्थ अभी अपने नहीं जा सकते हैं राइट right? लेकिन बेसिक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आप मिक्स करते हो तो सिस्टम अगर एक बॉडी ने जो हीट लूज किया है तो जो आपका सेकेंड बॉडी है वो उतना ही हीट गेन करेगा और जो आपका हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला होता है दैट इज योर एम एस डेल्टा टी जहाँ पे एम आपका मास है एस आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है तो इस कॉन्सेप्ट का या फंडे का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो राइट right? फेस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपने जब बॉडी को हीट दिया है तो वो सॉलिड से पहले लिक्विड होगा और फिर लिक्विड से गैस होगा लेकिन जब वो सॉलिड में है तो वो जस्ट इमीडिएट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है उसके साथ कुछ स्टेप्स हो सकते हैं ये ग्राफ आपको अच्छे से बताएगा सपोज कीजिए आपको एक बर्फ़ है बर्फ़ आपको आइस आपको नेगेटिव टेम्परेचर में है अगर आपने उसको शुरुआत में हीट दिया तो पहले वो हीट गेन करेगा हीट गेन करेगा और वो आपको ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा उसके बाद अगर आप उसे हीट देंगे तब वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो मेल्ट करना शुरू करेगा आप फिर उसे हीट देंगे फिर उसका टेम्परेचर हंड्रेड तक जाएगा फिर आप उसे हीट करेंगे तब वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिक्विड से वेपर बनना शुरू करेगा और फिर आप उसे हीट देंगे तब उसके वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी एक ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे आपका टेम्परेचर राइस हो रहा है यहाँ पे आपका टेम्परेचर कॉन्सेंट यानी कि यहाँ पे आपको सॉलिड से लिक्विड हुआ है जो भी ये चीज था फिर आपको टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है फिर आपको यहाँ पे लिक्विड से गैस हुआ है फिर आपको टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है जब आपका स्टेट चेंज होता है जब आपका स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड तब जो आपका हीट हीट होता है लेटेंट ऑफ़ फ्यूजन और जब आपका लिक्विड से वेपर बनता है तब आपको होता है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो इसके ऊपर आपको सवाल बन सकता है क्लियर है क्या मेरी बातें आपको यहां तक क्लियर है बताइए बताओ बच्च क्या आपको यहां तक चीजें और बातें एकदम क्लियर है हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर में आपका कंडक्शन और रेडिएशन दो ही यहां पे आपको सिंपल सा टॉपिक है right? है ना कंडक्शन अच्छा बेसिक बात है कंडक्शन में क्या होता है आपको यहां पे पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है कन्वेक्शन में आपको पार्टिकल ही यहां से वहां मूव कर जाता है और रेडिएशन में तो बच्चा आपको यहां पे पार्टिकल का सवाल ही नहीं उठता है उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए है हीट को ट्रांसफर करने के लिए कंडक्शन का जो आपको यहां पे सिंपल सा फॉर्मुला है यहां पे आपके पास एक रॉड है हीट करंट के के ही तो इसका एनालॉजी आप रेजिस्टर के साथ जोड़ सकते हो राइट right? रेजिस्टेंस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है और करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस वैसे ही यहां पे भी क्या होता है इस रॉड में जो आपको हीट करंट होगा देश इसको अपने दिमाग में, जहन में बैठा लो थर्मल एरिया एंड के इज थर्मल कंडक्टिविटी विच टू बी गिवन इन पर्टिकुलर क्वेश्चन ये आपको सिंपल सा फंडा है अगर आपने करंट के साथ इसको जोड़ना शुरू कर दिया तो आपसे सवाल यूं चुटकियों में निकलेंगे सपोज कीजिए आपके पास दो रॉड है जो कि आपस में टच uh, है कॉन्टैक्ट में है ठीक है हमसे पूछता है कि लेफ्ट साइड का टेम्परेचर T1 है राइट right साइड का T2 है तो बताइए इंटरफेस का टेम्परेचर कितना है तो जनाब इस पूरे रॉड में आपको हीट करंट तो सेम ही होगा क्योंकि सीरीज में है तो ये करंट को क्या लिखोगे टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि T1 वन माइनस टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ पहला वाला रॉड शुड बी इक्वल टू t t2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दूसरा वाला रॉड हमने यही चीज यहां पे लिखा है सॉल्व करेंगे आपको कैपिटल t निकल के आ जाएगा ये आपका जंक्शन वाला जो सवाल है ये आपको रेजिस्टेंस में भी आपने जरूर से देखा होगा जहां पे आपको ये t1 दिया है ये t2 दिया है ये t3 दिया है आपसे पूछता है बताइए जंक्शन का टेंपरेचर कितना है तो यहां पे आप क्या करते हो आप लगाते हो यहां पे केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ आप क्या करते हो आप अपने मन से मान लो कि भैया सारा का सारा जो आपका हीट करंट है वो रेडियली बाहर जा रहा है आई वन भी बाहर जा रहा है आई टू भी बाहर जा रहा है आई थ्री भी बाहर जा रहा है तो यहां पे लॉ ये बोलता है कि तीनों का समीशन आपको जीरो के बराबर होना चाहिए तो आई वन को आप क्या लिखोगे टी माइनस टी वन अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस आई टू को आप क्या लिखोगे T माइनस टी टू अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस और आप आई थ्री को लिखोगे T माइनस टी थ्री अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस सॉल्व करोगे आपको जो है जंक्शन का टेम्परेचर निकल के आ जाएगा अगर आप एक रॉड में लेफ्ट से राइट right मूव करते हो तो टेम्परेचर जो है एट स्टेडी स्टेट यानी कि हर पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स हो चुका है लेकिन टेम्परेचर है कितना एक्स के साथ टेम्परेचर का रिलेशन क्या है वो रिलेशन आप यहां पे जब निकालोगे तो आपको एक्स के साथ लीनियर एक्सप्रेशन आएगा और इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से है लेफ्ट मोस्ट का टेम्परेचर टी टी वन राइट right मोस्ट का टी टू टी वन अगर टी टू से बड़ा है तो हीट करंट आपको लेफ्ट से राइट फ्लो करेगा तो ग्राफ आपको लीनियर होगा पता रहना चाहिए अगर आपने अगर आपके पास मान लीजिए दो रॉड आपस में सीरीज में है अगर आपके पास मान लीजिए दो रॉड आपस में सीरीज में है इस केस में आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस सिस्टम का के इक्वेलेंट कितना है तो आप इसको चाहो तो याद कर सकते हो बिकॉज दिस विल हेल्प यू सॉल्व गुड डिफिकल्ट क्वेश्चन इन सेकेंड्स और अगर आपका दो रॉड पैरेलल में है तो इस केस में जो आपका इक्वेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है वो इस फॉर्मुले से इस इक्वेशन से आपको दिया जाता है ये जो आपका फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन आप डायरेक्टली देख सकते हो यहां पे आपसे सवाल 2019 हजार उन्नीस जई में पूछा गया था आपसे यहां पे सिस्टम का के इक्वेलेंट पूछा गया था तो अगर आपको वो फॉर्मूला ध्यान में था तो आप इस सवाल को डायरेक्टली फॉर्मुला को पुट कीजिए आप इसको सॉल्व करते आपका आंसर जो है निकल के आ जाता ठीक है ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप इसको बाद में चेकआउट जरूर से कीजिएगा ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि जेई मेन दो में, में आपसे पूछा गया था यहाँ पे आपके पास एक शेल है जिसका आपको थिकनेस जो है वो आर टू माइनस आर वन है इनर रेडियस आर वन आउटर रेडियस आपको आर टू है राइट right? हमसे ये पूछता है कि बताइए बताइए ये जो आपका सेटअप है ना इसका आपको थर्मल रेजिस्टेंस कितना है तो वो आपको आर टू माइनस आर वन अपॉन फोर पाई के आर वन आटो से दिया जाता है इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन से किया जाता है बट फिलहाल के लिए आप इसको ध्यान में रखिए और अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है राइट जिसका कुछ थिकनेस है और इसके इनर सरफेस का टेम्परेचर टी वन है बाहर का टी टू है जिस कारण से हीट जो है वो रेडियली आउटवर्ड तो जा रही है तो अगर रेडियली आउटवर्ड जा रही है इन दैट केस आपका इस सिस्टम का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्मुला है क्योंकि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपको पहले भी पूछे जा चुके हैं फ्रीजिंग ऑफ लेक का भी आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास कोई लेक है राइट right? और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर आपको नेगेटिव में है तो आइस ऊपर से ही जमना शुरू होता है और किसी भी टाइम टी पे जो डेप्थ आपको फ्रीज हो चुका है उसका इक्वेशन आपको ये है ठीक है जहां पे रो आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड है अगर ये आपको मान लीजिए पानी वानी है ये आपको लेट हीट ऑफ फ्यूजन है, के आपको है कि आपको थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस है एंड टी इज अ टेम्परेचर इन मैग्नीट्यूड जो कि आपका सराउंडिंग का है क्लियर है एकदम अच्छा अब बात करते हैं अपने यहाँ पे रेडिएशन की तो रेडिएशन में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि या यहाँ पे आपका बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका टी है तो आपको अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो बॉडी इफेक्टिवली अपना हीट लूज करता है कर, होता क्या है बॉडी खुद के टेम्परेचर के कारण इतना हीट लूज़ कर रहा है सॉरी इतना हीट लूज कर रहा है पर यूनिट टाइम

माइनस दिस वही आप इस इक्वेशन में बेसिकली याद करते हो सिग्मा ई ए टी टू दावर फोर माइनस टी एस टू दी पावर फोर राइट अब इसी से आप निकालते हो रेट ऑफ कूलिंग यानी कि अगर बॉडी ने, ने नेट हीट लूज किया है तो इफेक्टिवली उसका टेम्परेचर भी समय के साथ घट रहा होगा तो वो आप कैसे लिखोगे तो वो आप लिखोगे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी से और इस डी क्यू बाई डी टी को आप यहां से उठा के यहां पर डालते हो तो आपको पता चलता है कि रेट ऑफ कूलिंग का इक्वेशन क्या है राइट right? इस वाले इक्वेशन का अपने को बहुत रेयरली ही कभी इस्तेमाल पड़ेगा क्योंकि न्यूटन भैया ने हमारे लाइफ को सिंपल किया न्यूटन भैया आके क्या बोले कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के आसपास ही है तो इस केस में आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि रेट ऑफ कूलिंग इज प्रपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर टी माइनस टी एस और इस पूरे को आप कोई कॉन्स्टेंट सी बोल दो सिंपल सी कहानी है ठीक है आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका जो आपको डोमिनेंट रूल है डोमिनेंट आपको जो इसका यूज है वो आपको आता है एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अभी अभी हमने देखा न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग इसका एवरेज फॉर्म पे ही आपको न्यूमेरिकल बन के आएगा अगर सवाल आएगा आपको जेई मेन 2022 पे तो इसी यही फॉर्मूले पे आपको सवाल आने वाला है एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जहां पे आप ये बोलते हो कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर टी से टी पे गया है घट के स्मॉल टी टाइम में तो टी टू माइनस टी वन अपॉन टी इज इक्वल टू सम समस्टेंट टाइम उस टेम्परेचर का एवरेज माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पहले भी आया है और बाद में भी आपको आ सकता है यहाँ पे आपको एग्जांपल है पाँच मिनट में एक बॉडी का टेम्परेचर 75 से 65 हो जाता है तो बताइए अगले पाँच मिनट में बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा तो बच्चों को लगता है कि अच्छा सेवेंटी से सिक्सटी फाइव हुआ है पाँच मिनट में तो अगले पाँच मिनट में सिक्सटी से सिक्सटी हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है इसीलिए आपको इसी इक्वेशन को दो बार लगाना है एक बार ही आप लगाओगे कि यहाँ पे 75 से 65 हुआ है पांच मिनट में कांस्टेंट उनका एवरेज माइनस राउंडिंग टेंपरेचर दोबारा फिर से लिखोगे कि अब उसका टेंपरेचर 65 से कैपिटल टी वाई ये कैपिटल टी आपको निकालना है फिर से पांच मिनट में अपॉन सम कांस्टेंट अब ये कांस्टेंट आपने ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लिया था यहां पे वो कांस्टेंट रखो और ये टी को आप सॉल्व कर लोगे ये कैपिटल टी को आप सॉल्व कर लोगे क्लियर है चलिए वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ध्यान से देखिएगा वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है वो हीट रेडिएट कर रहा है तो जो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसमें अलग अलग वेवलेंथ पाए जाएंगे राइट right? तो मान लीजिए कि आपको यहां पे जो वेवलेंथ है अलग अलग वो आपको एक्स एक्सिस में प्लॉटेड है और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो टोटल इंटेंसिटी है वो आपको वाई एक्सिस में प्लॉटेड है ठीक है तो हमसे वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि जिस वेवलेंथ के कोरिस्पोंडिंग आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम है दैट वेवलेंथ दैट वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय टेंपरेचर ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट और ये भी आपको होता है वाइंस कांस्टेंट तो यही आपको सिंपल सा फंडा है जिस पे आपको न्यूमेरिकल बनता है क्या मेरी बा बात क्लियर है ठीक है चलिए अब बच्चा अपना आता है कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जैसा कि आप लोग कह रहे हैं लेटेस्ट टेक दिस वुड बी लास्ट लास्ट ब्रेक लेटस्ट टेक अ फाइव मिनट्स ब्रेक क्योंकि इसके बाद अपना सीधे ख़त्म होगा के है थर्मो है और आपका स्ट्रिंग वेव्स वाला टॉपिक है वो आपका चुटकियों में ख़त्म होगा क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला उसके अंदर कोई उसमें खास कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो पाँच मिनट का ब्रेक है अपने मिलेंगे बच्चा आठ बजकर ट्वेंटी पे लेट्स मीट एट एट ट्वेंटी फाइव है। मैं भी थोड़ा सा सांस ले लूँ आप भी थोड़ा सा सांस ले लो चलिए आ जाओ भाई सर ए ट्वेंटी कब हो गया पता ही नहीं चला अरे तो तुम लोग चार्ट में इतना बिजी रहता है।, है ना मैं रस ले नहीं वाला था कि ए ट्वेंटी हो गया फनी <laughs> एक बच्चा बोलता है कि सर मैं तो बस अभी सोने ही जा रहा था रेस्ट लेने वाला था कि फटाक से एट हो गया सर नेक्स्ट पार्ट टू टाइम डेट बच्चा नेक्स्ट पार्ट आपका डे आफ्टर टमोरा आएगा परसों आएगा और वो आपका ट्वेल्थ है जहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इलेवेंथ वहाँ पे कॉन्सेप्ट कम और फॉर्मूला ज़्यादा है तो uh, वो बहुत और आसानी से हो जाने वाला है चलिए आ जाइए सर आपने क्या खाया कुछ नहीं बेटा मैं सामने बैठा था है ना खाली वीडियो ऑफ थी और ऑडियो ऑफ था अदरवाइज आई वॉज सिटिंग जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज मैं देख मैं तो ये देख रहा था कि आप बच्चे चैट क्या कर रहे हो सर पी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा पी मिलेगा ऐसा कौन सा पी है जो आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है है ना तो आपको सब मिलेगा टेलीग्राम चैनल जो अपना है एड्यूनिटी फॉर फिजिक्स इसको आप ज्वाइन करके रखिए आपको सब कुछ मिलेगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा ठीक है सर कोई कोई फॉर्मूला रेयरली यूज होता है एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं इसीलिए तो आपको ये सेशन बच्चा कराया जा रहा है ठीक है ताकि जहाँ जहाँ मैंने आपको फॉर्मूला का जिक्र किया है आप उनको एकदम रट ले आखिरी के तीन दिन आपको सिर्फ फॉर्मूला रटना है अगर आपका पेपर 24 तारीख को है तो 21, 22 और 23 ये तीन दिन आपको सिर्फ और सिर्फ तीनों सब्जेक्ट्स के फॉर्मूले को ही रटना है कुछ नहीं पढ़ना है कुछ नहीं सीखना है आपका जब भी एग्जाम हो उसके तीन दिन पहले सिर्फ फॉर्मला रटना है ठीक है बढ़िया है देखिए जिन बच्चों ने रिवीजन प्लेलिस्ट को कंप्लीट किया है उनके लिए भी ये मैराथन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपको कंप्लीट सेशन है कम से कम सत्ताईस से तीस घंटे का लेकिन ये आपको बहुत कम समय में सेम बातें हैं लेकिन बहुत कंसाइज वे में आपको बोली जा रही है और जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो भी आपको बताया जाता है राइट तो सभी बच्चों के लिए ये रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है चलिए स्टार्ट कर दे शुरू करें शुरू करें बताओ भाई जल्दी जल्दी एक बार ये ना चार सेक्शन में हार्ड दो बिकॉज देखिए थकावट तो ही जाती है ऑब्वियस सी बात है, है ना लगातार कितना लगातार लगभग तीन घंटे से तीन घंटे तक बोलना गले को स्ट्रेन तो पड़ता ही है राइट चलो पहले तो सेशन सेशन को तो आप लोगों ने जरूर से लाइक किया ही होगा पहले एक बारी चार्ट सेक्शन में एक हार्ड बना दो ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन आ जाए ये जो अपना आखिरी का तीन चार टॉपिक है वो भी अपने मस्त तरीके से डिस्कस करके सेशन को फिर अपने खत्म करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अपने कानीटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ इस समय डिस्कस करने का भी मन नहीं करेगा आप सभी को पता है कि आपका पी वी जो है वो कॉन्सेंट होता है आपको सिंपल में आपको लॉ इतना ही बोलता है कि अगर आपका इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपके पास मान लीजिए कंटेनर्स है इसमें आपको प्रेशर पी इसमें प्रेशर पी इसमें प्रेशर पी एंड सो ऑन और सेम टेम्परेचर पे आपने सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेम कंटेनर में अगर डाल दिया है तो प्रेशर जो है वो सिंपली एड हो जाता है यही आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है मुद्दे की बात आपको अब यहाँ पे शुरू होती है बहुत से बच्चों को ना ये पी वी टू एनआर तो याद होता है लेकिन इस पी वी इज टू एनआर को आप कैसे और दो तरीके से लिख सकते हो वो नहीं पता रहता है काफ़ी बच्चों को एक आपको ये है और दूसरा आपको ये है

या या फिर होगा, या फिर उसका RMS होगा होगा उसका उसका और ये ये है 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 पे क्या तो तो आपका आपका सबसे कम होता है, उसके बाद आपको v average होता है सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होती है मैग्नीट्यूड में वो आपको अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है यहाँ पे एकदम अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की आपके पास यहाँ पे मोनोटॉमिक डायाटोमिक पोलियोटॉमिक कुछ भी हो सकता है मोनोटॉमिक का मतलब है गैस में सिर्फ आपको एक ही आटम है एग्जाम्पल आपको हीलियम हो गया है अगर आपका ऑक्सीजन है तो वो आपको डायोटॉमिक है राइट right? आपके पास फिर पोलियोटॉमिक भी हो सकता है तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको तीन होता है डायाटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको थ्री प्लस टू क्योंकि वहां पे ट्रांसलेशनल प्लस आपको रोटेशनल भी काउंट किया जाता है बच्चों को जिस चीज में कंफ्यूजन आती है वो होता है वाइब्रेशनल तो बच्चा आपको 2021 में भी सवाल आया था अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को अकाउंट में नहीं लेंगे आपको क्वेश्चन क्लियरली बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल कि भैया ये आपका गैस है और ईच उसमें मान लीजिए सवाल में कहता है कि टेन टेन वाइब्रेशनल मोड है हर एक मोड के लिए आप हर एक मोड के लिए आप दो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करेंगे तो अगर 10 मोड है सो टू इंटू टेन यानी कि 20 आप ऐड कर देंगे वाइब्रेशनल के लिए उसके अलावा आपका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो ऐड करेंगे ही डिपेंडिंग अपॉन पोलियोटॉमिक में आपका वो डायाटॉमिक है या फिर आपका वो ट्रायाटोमिक लीनियर है कि नॉन लीनियर है राइट तो ये आपका यहाँ का फॉर्मूला है अब 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 एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का जो आपका एनर्जी होता है वो होता है के टी बाई टू इक्वी पार्टीशन लॉ बोलते हैं इसको एक एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होता है वो आपको होता है के टी बाई टू जहां पर आपका पोल्समैन कांस्टेंट है यानी कि अगर हम बात करें यहां पे मोनो एटोमिक गैस की तो उसमें तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो उसका एनर्जी हो जाएगा थ्री के टी बाई टू अगर डाया की बात करेंगे तो फाइव के टी बाई टू हो जाएगा तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के टी बाई टू से तो वो आपको देगा टोटल एनर्जी राइट ये हो गया एक मॉलिक्यूल का लेकिन अगर एक मोल की बात करेंगे एक मोल की तो एक मोल में आपको जो एनर्जी का फॉर्मूला बनता है दैट इज योर यू इज इक्वल टू एफ एन आर टी बाई टू एफ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम है एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है आर आपको गैस कॉन्स्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है इस पर आपको भर भर के सवाल बनता है यू आपको कहलाया जाता है इंटरनल एनर्जी सो बेसिकली गैस की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं राइट अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है जहां पे आपको हर गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है और हर गैस का नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मिक्सचर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको इस तरीके से दिया जाता है राइट right? अगर अगर आपने गैसेस को मिक्स किया है तो जो आपका गैस का फाइनल टेम्परेचर होगा वो आपको इस इक्वेशन से दिया जाता है जहां पे आपको इंडिविजुअल गैसेस का टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए उस केस के लिए मीन फ्री पाथ मीन फ्री पाथ का मतलब है कि आपका जो मॉलिक्यूल है दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस फ्रीली मूव किया है उसका आपको यह इक्वेशन होता है जिसको आपको इस तरीके से रीअरेंज करके लिखना आना चाहिए यहां पे स्मॉल डी आपको डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल है स्मॉल एन आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है जिसे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हो यह जो आपका फॉर्मूला है ना यह फॉर्मूला बच्चा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है

मुद्दे की बात है है कि आपका जो ये था ना, आपका ये जो है, आपका जो ये है, आपका जो ये है, जो था ना प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आप निकाल सकते हो किसके प्रोपोर्शनल होगा एंड दैट इज गिवन बाई दिस बच्चा आपको न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं इसके प्रोपोर्शनलिटी न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं थर्मोडाइनामिक्स की सबसे जो इसका सिंपल और सबसे विचित्र जो इसका लॉ है दैट इज योर लॉ इसको डिस्कस करने में में भी 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 मुझे शर्म शर्म आएगी आपको सुनने में भी आएगा लेकिन फिर भी एक बार बोल देते हैं कि आपके पास यहां पे दो कंपार्टमेंट्स है यहां पे आपको तीसरा कंपार्टमेंट है अगर ये दोनों आपस में इक्विब्रियम में है अगर ये दोनों आपस में में है तो ये दोनों भी आपस में इक्लिब्रियम में होगा ए इक्वल टू बी एक्वल टू जी इंप्लाइज बीवल्स टू सी ठीक है राइट right? लेकिन भैया एन का भरोसा नहीं है क्या पता जीरो लॉ पे कोई सवाल पूछ डाले अब आपको थर्मोडाइनमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है बड़ा ही बेसिक और फंडामेंटल लॉ है ये आपको अज्यूम करता है कि सिस्टम में से कोई एनर्जी लॉस अगर नहीं हो रहा है तो लॉ आपको ये बोलता है कि अगर आपने सिस्टम को कुछ हीट प्रोवाइड किया है तो उस हीट को ये गैस एब्जॉर्ब करके अपना थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाता है और इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर मूव भी कर देता है सो बेसिकली गैस ने कुछ काम भी किया है और गैस का एनर्जी भी बढ़ा है सो so, आपने जो भी उसको एनर्जी सप्लाई किया है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस प्लस वर्क डन बाई दी गैस वर्क डन बाई गैस अब अभी अभी आपने सीखा था कि यू सर आपको होता है एफ आर एन टी बाई टू यानी कि बच्चा आपको DU कितना हो जाएगा FRN तो आपको इस तरीके से फॉर्मूले के साथ खेलना मेन्यूपुलेट करना आना चाहिए साइन कन्वेंशन बड़ा ही यहाँ पे लॉजिकल है अगर सिस्टम के अंदर हीट गया है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा सिस्टम से हीट निकला है तो डेल्टा क्यू नेगेटिव लेना है अगर सिस्टम का टेम्परेचर बड़ा है इंक्रीज हुआ है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा टेम्परेचर घटा है तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा अगर सिस्टम ने वर्क डन किया और गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा लेकिन अगर गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो वर्क डन नेगेटिव होगा जिसे हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम क्लियर है, है एकदम मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी का आपको जनरल जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई एन डी टी जैसे अपने सीखे थे ना कैलोरीमेट्री में एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी तो वैसे यहां पे एम की जगह होगा नंबर ऑफ मोल्स और बाकी सब आपका सेम टू सेम है तो ये आपका बच्चा होता है मोलर हीट कैपेसिटी क्लियर एकदम अच्छा अब हमारे पास दो टाइप का मोलर हीट कैपेसिटी होता है यानी कि अगर आपका गैसियस प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है या फिर आपका गैसियस प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो सीवी का इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट प्रेशर होता है तो सीपी का इस्तेमाल करते हैं क्लियर है अब इस सीपी और सीवी का ढेरों फॉर्मूला है ढेर सारा फॉर्मूला है सीवी का आपके पास एक फॉर्मूला तो होता है एफ आर बाई टू एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस गैस कांस्टेंट टू आपका टू होता है अगर सीवी इतना है तो सीपी का फॉर्मूला होता है CV plus R. अगर CP minus CV लिखोगे, तो आपको सीपी का ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा एफ प्लस टू बाई टू इन टू आर ठीक है तो ये दोनों आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया है सीपी और सीवी का और देखो एडियाबैटिक क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ सीपी राइट right. अच्छा तो सीपी का फॉर्मूला आपको एफ के टर्म्स में पता है सी का फॉर्मूला आपको एफ के टर्म्स में पता यानी गामा का ये वाला फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए गामा और एफ का रिलेशन को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो आपको एफ इज इक्वल टू टू अपॉन गामा माइनस वन ये भी पता होना चाहिए अगर मैंने आपको गामा दे दिया तो आपको एफ निकालना आना चाहिए और अगर मैंने आपको एफ दे दिया है तो आपको गामा निकालना आना चाहिए अब सीपी और सीवी का गामा के टर्म्स में भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो सीवी का एक फॉर्मूला तो ये है और दूसरा फॉर्मूला आपका ये है और सीपी का आपको एक फॉर्मूला आपको ये है और दूसरा फॉर्मूला आपको ये है राइट तो ये सब आपको सारे फॉर्मूलेस थर्मोडाइनमिक्स में याद होने चाहिए अगर आपने गैसेस को मिक्स करा है तो मिक्सचर का सीवी क्या होता है वो इससे दिया जाता है पहले वाले गैस का नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले गैस का सीवी वैल्यू दूसरे वाले का नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे वाले का सीवी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सीपी इस फॉर्मूले से डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर इस फॉर्मुले से गामा ऑफ द मिक्सचर सीपी बाई सीवी करो या फिर वन प्लस टू बाई एफ कर डालो तो ये सारे आपको मिक्सचर वाले फॉर्मुलेस है इसको बोलते हैं मिक्सचर वाले फॉर्मलेस अब जो आपका जितने जितने प्रोसेस होते हैं आपके पास बच्चा आइसोकोरिक प्रोसेस होता है यानी कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर आइसोथर्मल यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और एडियोबैटिक बच्चा आपका होता है कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुआ सिस्टम से चारों के केस में आपको वर्कडन का फॉर्मुला समझ में आना चाहिए इसके वेराइटीज हो सकते हैं आइसोकोरिक का तो मतलब है वॉल्यूम ही नहीं चेंज हुआ है तो वहां पर बच्चा आपका वर्कडन ही जीरो हो जाएगा अगर आपका प्रोसेस आइसोबारिक

एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा गामा इज योर एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर राइट और अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आप एन आर डेल्टा टी की जगह पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन का भी इस्तेमाल कर सकते थे फॉर वर्कडन इन दिक प्रोसेस ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है तो आपको एरिया अंडर द कर्व जो होता है वही आपका वर्कडन होता है ध्यान ये देना है कि अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ग्राफ में देखिए ग्राफ आपको राइट साइड है अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर आर ओ लेफ्ट साइड है यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज किया था तो जो भी वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा अगर आपका प्रोसेस साइक्लिक है यानी कि आपके पास एक ऐसा क्लोज्ड लूप बना हुआ है तो वहां पे अगर प्रेशर वाई एक्सिस पे है और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है तब अगर ग्राफ क्लॉकवाइज है तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम तो का एक्सेस मैंने इंटरचेंज कर दिया है यहां पे देखिएगा अब आपका यहां पे वॉल्यूम वाइज एक्सेस में है, अब इस केस में अगर ग्राफ क्लॉकवाइज है तो आपका डन अब नेगेटिव होने वाला है और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो डन पॉजिटिव होता है राइट right? ये आपका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपके पास यहां एक इलेप्टिकल शेप है और हमसे यहां पे पूछता है भैया डन क्या है पहली बात

होगा पी टू माइनस पी वन बाई टू तो आप इस तरीके से ऐसे सवालों को ईजिली क्रैक कर लोगे आडियाबैटिक में आडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चा आपका पी के साथ पी वी गावा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये एक रिलेशन होता है लेकिन आप पी वी इज इक्ल टू एनआर का इस्तेमाल अगर अगर ध्यान से करें तो एक तो ये रिलेशन भी आता है और एक ये रिलेशन भी आएगा यानी P और V के बीच में रिलेशन T और P के बीच में रिलेशन एंड T और V के बीच में रिलेशन तो यहाँ पे बेसिकली तीनों का जो स्लोप है ना

आइसोथर्मल में आपको होता है माइनस पी बाई वी और इसमें होता है माइनस गामा पी बाई वी गामा जो है बच्चा वो आपको वन से बड़ा होता है यानी यहां पे जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है इन केस ऑफ आडियाबैटिक वो ज्यादा है मैग्नीट्यूड ज्यादा यानी कि स्लोप का स्टीपनेस ज्यादा होगा स्टीपनेस ज्यादा तो इसीलिए आडियाबैटिक वाला जो ग्राफ होता है वो नीचे होगा और आइसोथर्मल आपको ऊपर होगा क्योंकि आडियाबैटिक का आप देख देख सकते हैं ये जो है है, ना वो ज़्यादा ज़्यादा आपको वर्टिकल की तरफ वो oriented है। तो एक ये वाला भी भी आपको पता रहना चाहिए। कोई अगर को करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं तो तो में आपको एक मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मुला पता होना चाहिए पे कीजिए आपको सवाल में कहता है कि भैया आपका गैस जो है वो मोनाटोमिक है यानी कि सी की वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे थ्री आर या यहाँ पे आप डाल दोगे और एक्स जो है वो ये वी का पावर होगा उसको आप एक्स कहने वाले हो राइट एक बार ये आपको सी पता चल गया तो यानी कि जो आपको हीट एक्सचेंज होगा दैट इज एन सी डेल्टा टी और जो वर्गन होगा दैट इज डर डेल्टा टी एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस एक्स एक्स आपको होता है यहाँ पे ये यह जिसको हम कहते हैं पॉलिट्रॉपिक इंडेक्स इसे हम कहते हैं बच्चा पॉलिट्रॉपिक इंडेक्स ठीक है इस तीन के के ऊपर आपको आपको भर भर के आते हैं पे आपको कुछ भी करके सवाल में V और P में रिलेशन लीजिए तो, तो आपको ये मालूम है ये मालूम है ये मालूम है अगर x नहीं पता है तो सवाल आपसे हिलेगा भी नहीं ठीक है कानोट साइकिल आपके पास दो इंजन है एक आपके पास हीट इंजन है दूसरा आपके पास होता है रेफ्रिजरेटर साइकिल तो ये दोनों ही चीज़ें अगर कार्नॉट साइकिल को फॉलो करती है कार्नॉट साइकिल एक स्टैंडर्ड साइकिल होता है जहां पे आपका सबसे पहले होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन फिर आपका होता है आडियाबैटिक एक्सपेंशन फिर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन फिर आडियाबैटिक कॉम्परेशन सो बेसिकली अगर आपका एक कार्नॉट साइकिल फॉलो होता है तो उस केस में आपके इंजन की जो एफिशियंसी होती है ना वो मैक्सिमम होती है क्लियर है अच्छा तो इंजन का जो एफिशिएंसी होता है दैट इज योर वर्क डन बाय द इंजन अपॉन हीट from फ्रॉम source, हीट absorbed फ्रॉम दी सोर्स इसको आप वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन लिख सकते हैं क्योंकि आपका वर्गन जो होगा वो क्यू वन माइनस क्यू टू होता है यहां से जो हीट लिया माइनस जो आपने हीट सिंक को फेंक दिया किया है राइट अब क्योंकि साइकिल फॉलो कर रहा है तो क्यू वन टी सोर्स का टेम्परेचर टी टू है sink का temperature. तो आपका ये जो फॉर्मूला है एफिशियंसी का वो इंपॉर्टेंट बन जाता है लेकिन अगर यही आपका एक रेफ्रिजरेटर साइकिल हुआ जो कि यहां पे आपको दिख रहा है तो यहां पे एफिशियंसी डिफाइन नहीं करते यहां पे अपने डिफाइन करते हैं को ऑफ परफॉर्मेंस राइट इसका फील एफिशिएंसी वाला ही है सो so बेसिकली अनलाइक हीट इंजन रेफ्रिजरेटर में आप सोर्स से जब हीट खींचते हो तो सोर्स एक ठंडा जगह होता है फ्रिज है ना तो आप फ्रिज के अंदर से ही हीट खींच के फ्रिज के बाहर फेंक देते हो तो अंदर का टेम्परेचर कम होता है और बाहर का टेम्परेचर बच्चा आपका ज्यादा होता है इस वाले रेफ्रिजरेटर केस में तो यहां पे आपका जो ये फ्रिज है ना उसका मेन काम है कि वो कितना हीट खींच पाया और ऐसा करने के लिए हम लोग उसको बिजली का सप्लाई देते हैं विच इज योअर वर्कडन बाय कंप्रेसर बेसिकली सो आपका होता है सीओपी और यहां पे बच्चा आपका जो W है ना वो आपको होगा क्यू टू माइनस क्यू वन आपका जो कि करेगा आपके केसेस में, तो त, T2 -T1 इसका फॉर्मुला हो जाएगा इसके ऊपर आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लियर है ठीक है बच्चा लास्ट चैप्टर आ गया है. लास्ट टॉपिक आ गया आपका स्ट्रिंग वेव्स और फिर डॉपलर वॉपलर आएगा मेन चलिए वी हैव रीच लास्ट सेक्शन वी हैव रीच द लास्ट सेक्शन अब बेटा अब ब्रेक लेके क्या करेंगे अब इसको शुरू करेंगे फिर इसका भी अपने काम खत्म करेंगे ठीक है बताइए ओ देखते ही देखते यूनिट्स एंड डिमेंशन से बढ़ते 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 वी हैव रीच्ड स्ट्रिंग्स वेव्स और हमने कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है है ना जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मुला रिवीजन की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट एक एक फॉर्मूला पे चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो का लेंथ आपको ज्यादा से ज्यादा शायद चार घंटा होगा और अगर आप इसे फ्यूचर में 1.75 या फिर 2x स्पीड पे देखिए तो आप दो घंटे में पूरे इलेवेंथ के फॉर्मूलेस को अपने कान में सुन सकते हो इज इट एट ब्यूटिफुल बताइए इज इन दिस अमेजिंग क्योंकि एक होता है बुक से रीड करना लेकिन जब आप एक टीचर को बोलो सुनोगे ना बोलते तो वो आपके दिमाग में और ज्यादा बैठेगा वो आपके दिमाग में बच्चा और ज्यादा बैठेगा बताइए अभी तक सिर्फ साढ़े तीन घंटे हुए हैं, और ये टॉपिक आपको अब भी यू खत्म होने वाला है तो चार घंटे के अंदर में आपका पूरा सेशन खत्म पूरा इलेवेंथ का फिजिक्स आपका खत्म जिससे आप अगर टू एक्स पे देखेंगे तो आपको कंप्लीट होगा और यहाँ पे बच्चा सब कॉन्सेप्ट सब फॉर्मुलेस को टच किया गया है ऊपर ऊपर से आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है ठीक है बढ़िया है एकदम अब चलिए देखिए भैया स्ट्रिंग वेव में क्या है दो प्रकार का आपका वेव होता है साउंड वेव और स्ट्रिंग uh, वेव्स जिसके ऊपर हम लोग यहां पे बात करेंगे ईएम वेव्स बात की बात है अच्छा तो भैया जो आपका ट्रांसफर्स वेव है ना उसमें क्या होता है कि पार्टिकल आपका जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर आपका पार्टिकल ट्रैवल करता है टू एंड तो फ्रो मोशन करता है ये आपका स्ट्रिंग्स स्ट्रिंगशन वेव्स है लेकिन आपका साउंड वेव में क्या होता है कि आपका पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट कर रहा है बच्चों को इस चैप्टर में तकलीफ सबसे ज्यादा आती है वेव का इक्वेशन को समझने में तो इस पॉइंट पे आप एक काम करो इसके सारे टर्म्स को खाली याद कर लो आपका जो वेव का इक्वेशन होता है वो होता है जनरल फॉर्म होता है वाई इज टू तो ए साइन ओमेगा, ओमेगा आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी है के आपका यहां पे एंगुलर वेव नंबर होता है जो कि होता है टू पाई बाई लामडा के बराबर राइट ये जो वेव है ये जो आपकी एनर्जी है वो आपको वी स्पीड से आगे जाती है और ये वी का फॉर्मूला आपको होता है कोफिशियंट ऑफ टाइम तो इस इक्वेशन में कोफिशियंट ऑफ टाइम आपका ओमेगा है डिवाइडेड बाई कोफिशंट ऑफ एक्स जो कि आपका के है तो ओमेगा बाई के जो है वो आपका होगा वेव का स्पीड इसको भी रटना है समझना है आपको कभी कभी इक्वेशन दे देगा और उससे आपको निकालना पड़ेगा वेव का स्पीड तो कुछ भी करके टी का कोफिशियंट और एक्स का कोफिशियंट पता कीजिए दोनों को डिवाइड कीजिए आपका काम जो है यहाँ पे खत्म हो जाने वाला है राइट right? फिर आपको यहाँ पे कभी कभी पाथ डिफरेंस पूछ लेगा या फिर फेज डिफरेंस पूछ लेगा सपोज कीजिए आपको ये बोलता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल P1 है इसका दूरी X1 है और यहाँ पे जो पार्टिकल आपका P2 है इसका दूरी X2 है यानी पार्टिकल P1 एंड P2 के बीच का सेपरेशन कितना हो गया है तो वो आपको हो गया है एक्स टू इसे आप कहते हो इसे आप कहते हो पाथ डिफरेंस यानी कि इन दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू टू पाई मल्टीप्लाइड को याद रहना चाहिए 2 पाई बाई लामडा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस दैट इज योर फेस डिफरेंस यही फॉर्मुला अपने को वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होता है आई होप मेरी बातें आप सभी को क्लियर एकदम ठीक है अच्छा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव आप सिर्फ वेव के इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि आपका वेव लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा अगर आपका यहां पर ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट है जैसे यहाँ पे ओमेगा का साइन पॉजिटिव के का साइन नेगेटिव है यानी आपका वेव पॉजिटिव एक्स में जा रहा है यहाँ पे देखिए ओमेगा का साइन नेगेटिव के का साइन पॉजिटिव अगर अपोजिट है तो यानी वेव आपका राइट साइड जाएगा पॉजिटिव एक्स में जाएगा लेकिन अगर आपका दोनों ओमेगा का और के का साइन सेम है तो आपका वेव नेगेटिव एक्स में जा रहा है ये आपको ध्यान में रखना है कि वेव का डायरेक्शन क्या है वेव का डायरेक्शन क्या है ठीक है अच्छा वेव में अगर किसी पार्टिकल के वेलोसिटी की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको एसएचएम वाले फॉर्मूले जैसा ही है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको जो पार्टिकल होता है ना वो भी आपको ऊपर नीचे एसएचएम ही कर रहा होता है टू एंड फ्रो मोशन ही कर रहा होता है तो ऐसे केस में जो आपको पार्टिकल का वेलोसिटी होता है वो इसी वाले फॉर्मूले से दिया जाता है जो कि आप एस में सीखते हो और एक्सल्रेशन भी आपको इसी से दिया जाता है जो कि आप एस में सीखते हो यहाँ पे वाई क्या है तो इस पार्टिकल का आपको ये जो वाई दूरी है एक्स दूरी पर जो पार्टिकल है उसका वाई लोकेशन क्या है उसे ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फॉर्मले में एक और वायटी होता है जहां पर आपसे ये पूछता है कि बताओ अगर वेव आपका वेव का इक्वेशन अगर आपको दे दिया आपसे ये पूछेगा कि कुछ देर बाद पार्टिकल पी जो है पार्टिकल पी वन जो है वो ऊपर जा रहा था कि नीचे तो आप बहुत थोड़े से टाइम के बाद डी टाइम के बाद वेव का नया फोटो बनाए तो ये जो बोल्ड वाला है ना वो वेव का पहले वाला फोटो है कुछ टाइम बाद क्योंकि वेव आपको राइट साइड जा रही थी तो आप डॉटेड लाइन से दिखाओगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट पी है कुछ देर बाद यहां जा रहा है यानी कि ये वाला पॉइंट आपको ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा था तो इसके ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ आपका पॉइंट या किधर मूव कर रहा है है ना अच्छा वेव स्पीड का एक और फॉर्मुला होता है जिसे हम कहते हैं म्यू पे टी होता है धागे में टेंशन म्यू आपको होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट धागा वेरी सिंपल एंड क्लियर इसके ऊपर आपको यहां पे एक सुंदर सा क्लियर सा एग्जांपल है जहां पे हमको कहता है कि अगर ये ब्लॉक का मास स्मॉल एम्स के सामने बहुत ज्यादा है सो बेसिकली आप धागे के मास को कैपिटल एम के सामने इग्नोर करोगे जस्ट टू फाइंड टेंशन तो टेंशन आपको सिंपली यहाँ पे एम के बराबर हो जाएगा तो धागे में टेंशन आपको एम है तो हमको इतना पता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई पल्स जनरेट किया है तो उसको ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज एल बाई पल्स का स्पीड और पल्स का स्पीड क्या होगा ये फॉर्मूले से आप दे, आ, दे दो चुपचाप से क्लियर है उसी के ऊपर आपको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया था जेई मेन दो में जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका फॉर्मूला था ना ये जो आपका फॉर्मूला है यहां पे कहां पे टेंशन तो टेंशन में आपको यहां पे आप ध्यान से देखें तो टेंशन आपको बेसिकली एम है लेकिन कभी कभी आप जी के जगह जी इफेक्टिव का भी इस्तेमाल करते हो तो अगला सवाल जो था आपका बेसिकली वो जी इफेक्टिव के ऊपर ही बेस्ड है कि अगर आपका ये जो कार्ट है वो राइट मास इंटू जी इफेक्टिव ए स्क्र प्लस जी स्क्वायर का अंडर यानी टेंशन बदल गया तो आपका वेव का स्पीड भी बदल जाएगा उसी के ऊपर आपको ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है जो आपका स्ट्रिंग है उसके अंदर जो पावर ट्रांसफर हो रहा है एवरेज पावर ट्रांसफर ये सब आपको बच्चा फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा इस पर फॉर्मूला के ऊपर सवाल ज्यादा नहीं पूछता है लेकिन इसके प्रपोर्शनैलिटी पर सवाल ज्यादा बनता है फॉर एग्जाम्पल पावर इज प्रपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर या फिर डेंसिटी का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर तो ये सब आपको पैरामीटर याद होने चाहिए एस क्या है आपका जो वो वायर है धागा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक है इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको यहीं पे लिखा हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए राइट right? रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी क्या है आपने यहां पे कोई क्रेस्ट बनाया ये जाएगा दीवार से टकराएगा जब लौटेगा तो ये पलटी मार के लौटेगा राइट लेकिन अगर ये फिक्स्ड एंड है तो लेकिन अगर ये एक फ्री एंड है तो ये अगर ऐसे शेप में गया है तो वापस जब पलटी मारेगा तो वैसे ही शेप में वो लौटेगा भी लौटेगा भी यानी पहले वाले फेज में पहले वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो पाई का फेज चेंज आया है पाई का फेज चेंज आया है इसलिए यहां पे आपको प्लस पाई आ गया है लेकिन यहां पे आपको कोई भी फेज चेंज नहीं आया है तो यहां पे नीचे में कोई प्लस पाई नहीं होने वाला है ठीक है इस पे आपको सवाल आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ठीक है ये आपको नोट्स में मिल जाएगा बट जे मेंस में सवाल बने इसकी बहुत बहुत रेयर यहाँ पे चांस है एडवांस में इस पे सवाल बन सकता है तो आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा आप वहाँ पे इसके फॉर्मूले को देख लीजिएगा दोबारा से मेन मुद्दा आता है अपना स्टैंडिंग वेव का जिसपे स्ट्रिंग वेव्स पे, पे सवाल बन सकता है स्ट्रिंग वेव्स पे भी और साउंड वेव में भी ऑर्गन पाइप्स में तो स्टैंडिंग वेव में आपको तीन चार जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए यहाँ पे आपको जो पॉइंट कभी भी जीवन में नहीं मूव करेगा आप उसे नोड कहते हो जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेस करता है आपको उसे आप एंटी नोड कहते हो तो यहां पे बेसिकली क्या होता है वेव अपना एक ही जगह पे खड़े होके ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो है वो ऑसिलेट करता रहता है दो नोड के बीच में जो सेपरेशन होता है दो कॉन्जिक्यूटिव नोड का जो सेपरेशन होता है दैट इज लामडा बाई टू राइट और और एक एंटी नोड और एक नोड आजू बाजू वाले के बीच का जो सेपरेशन होता है वो आपको होता है लामडा बाई फोर ठीक है सिंपल सी बात है अच्छा दो नोड के बीच में यहां पे जितने भी पार्टिकल्स है इस स्ट्रिंग पे सभी आपको सेम फेज में होंगे लेकिन एक नोड के लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल और ये राइट साइड वाला पार्टिकल एंटी फेज में होंगे पाई फेज आउट होंगे पाई का फेज डिफरेंस उनमें होने वाला है उनमें होने वाला है क्लियर है अच्छा स्टैंडिंग वेव का जो अपना जनरल इक्वेशन होता है दैट इज योर टू ए साइन के एक्स प्लस फाइव वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो हर पार्टिकल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट डिफरेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है तो इसीलिए आपका एम्पलीट्यूड का इक्वेशन ये होता है यानी कि, कि किसी भी पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज टू ए साइन के एक्स प्लस फाइव वन अब डिपेंड करता है कि आपका एक्स क्या है आप यहां से एक्स दूरी अगर आप मैं आपको दे दूं यहां पे आप x पुट करोगे तो उस पार्टिकल का आपको एम्पलीट्यूड पता चल जाने वाला है यहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका फाइव वन जो है वो जीरो हो जाता है तो ये आपका बन जाता है वेव का इक्वेशन

Equation ये दे दिया था और यहां पे आप ध्यान से के में है, ये आपको है है so अगर आपने को जीरो पुट किया है, तो ये आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है यानी कि आपको तो जीरो पे नोड बना था हमसे सवाल में पूछा गया था नोड क्लियर द नोड क्लोजेस्ट टू ओरिजिन इज वेयर तो भैया ओरिजिन पे तो आपको नोड बना था तो क्लोजेस्ट जो नोड होगा उसका सेपरेशन तो लामडा बाई फोर होगा आपको यहां पे के दिया है यानी कि आप यहां से टू बाई बाई लामडा से लामडा निकाल लोगे आपका खेल खत्म हो जाएगा तो आपने इस सवाल को बड़े ही आसानी से क्रैक कर लेंगे अगर आपको ये चीज पता था ठीक अब यहां पे मुद्दा आता है स्टैंडिंग वेव बिटवीन टू फिक्स एंडस एंड स्टैंडिंग वेव बिटवीन वन फिक्सड एंड एंड वन फ्री एंड तो यहां पे आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है

ये जो एन एथ हारमोनिक है ये जो आपको एन एथ हारमोनिक है वही आपको एन माइनस वन एथ ओवरटोन कहलाएगा यानी कि आपका सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है आपका थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन है सो दिस इज क्वाइट सिंपल यहाँ पे आपको और केयरफुल रहना है अगर आपका एक फिक्स एंड है और दूसरा आपका फ्री एंड है क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका फंडामेंटल है वो है V बाई फोर एल जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला बनेगा दैट इज़ योर थ्री वी बाई फोर एल सो बेसिकली यहाँ पे वन के बाद सीधे थ्री आता है तो so बेसिकली यहाँ पर टू था ही नहीं तो so यहाँ पर जो हारमोनिक्स है वो फर्स्ट हारमोनिक है थर्ड हारमोनिक है फिर फिफ्थ हारमोनिक होगा सेवेंथ हारमोनिक होगा खाली और हारमोनिक्स है तो so अगर यहाँ पर हम लोग बात करें टू एन प्लस वन एथ हारमोनिक तो उसका फॉर्मूला बेसिकली ये हो जाएगा टू एन प्लस वन बाई फोर एल मल्टीप्लाइड बाई विटी मल्टीप्लाइड बाई विटी और जो आपका टू एन प्लस हार्मोनिक है वही आपका एन एथ ओवरटोन भी हो जाने वाला है तो आपको इस तरीके से इस फॉर्मुले को याद रखना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो ठीक है अब यहाँ पे अगर आपके पास दो अलग अलग डेंसिटी का धागा आपस में ऐसे है तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट याद रखना है जहां पे ये दोनों ज्वाइंट होंगे वहां पे हमेशा आपको नोट बनाना है ताकि ये लोग मस्त वाला स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर सके ठीक है और और दोनों धागे में टेंशन भी सेम होएगा सीरीज में है और दोनों धागे में आपको फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए ये तीनों कंडीशन का इस्तेमाल करें राइट और आप ऐसे सवालों को क्रैक कर सकते हैं आपको ये रिलेशन आएगा फिर डिपेंड करता है सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है इसके ऊपर आपको सवाल ऑलरेडी जेई में पूछा जा चुका है

राइट right साइड ले गए हैं अब दोनों वेज के बीच का सेपरेशन आपको अगर L2 है और एक लूप बढ़ गया है एक लूप बढ़ गया है एक लूप बढ़ने का मतलब क्या होता है एक लूप बढ़ने का मतलब है लामडा बाई टू लेंथ इंक्रीज कर जाना तो क्या हम L2 टू माइनस एल को लामडा बाई टू नहीं बोल सकते तो क्या हम लामडा को इतना नहीं बोल सकते तो क्या आपको ये नहीं पता चल गया कि इस इसपे जो वेव का स्पीड होगा वो कितना होगा फ्रीक्वेंसी इन आप सॉल्व करेंगे आपको वेव का स्पीड का फॉर्मूला पता चल जाएगा और आप इसको अंडर रूट टेंशन बाई म्यू से क्रॉस चेक भी कर सकते हो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो ठीक है तो ये आपको है सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट राइट right? अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर जो बच्चे कहीं खोए हुए हैं सो रहे हैं तो अब तो बिल्कुल भी जाग जाए डॉपलर्स इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट सवाल इस पे आना ही आना है डॉपलर्स इफेक्ट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये मेरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और फीलिंग है ठीक है चलिए बात करें तो भैया डॉपलर इफेक्ट में क्या है आपको पहले तो एक ट्रिक याद रखना है कि भैया जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है इक्वल टू एफ नॉट ऊपर में हमेशा ये होगा स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ सोर्स ये आपको लिखना आना चाहिए उसके बाद ऊपर प्लस होगा कि नीचे माइनस होगा उसका लॉजिक सिंपल सा है अगर अगर ध्यान से देखिएगा ध्यान से से देखिएगा ये आपके पास एक सिचुएशन है यहां पे आपको ये ऑब्जर्वर है यहां पे आपका ये सोर्स है सोर्स ने एक एफ नॉट फ्रीक्वेंसी एमिट किया लेकिन ऑब्जर्वर ने वो फ्रीक्वेंसी तो सुना नहीं उसने सुना है एफ अपेरेंट सो एफ अपेरेंट इज इक्वल टू एफ नॉट वी यहां पे ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाना चाहता है तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को घटाने की कोशिश करेगा अगर दोनों के बीच में सेपरेशन इंक्रीज होने का कोशिश किया जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए और अगर सेपरेशन दोनों के बीच में डिक्रीज करने की कोशिश की जा रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए तो ऑब्जर्वर दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहेगा तो बीच में आप यहाँ पे क्या करोगे माइनस लगा दोगे लेकिन यहाँ पे सोर्स भैया क्या कर रहे हैं सोर्स भैया यहाँ पे नजदीक जा रहे हैं तो वो तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहेंगे सो बेसिकली लेकिन सोर्स है तो डिनोमिनेटर में सो so बेसिकली आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है घटाना है तभी तो आपका न्यूमिनेटर इंक्रीज करेगा तो इसीलिए यहाँ पे नीचे में भी माइनस साइन लगेगा एक और देखिए यहाँ पे अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के तरफ भाग रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है तो इसलिए ऊपर प्लस साइन है सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाना चाहता है तो वो भी फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहता है तो नीचे भी प्लस होगा ताकि डिनोमिनेटर बढ़ जाए तभी आपका ओवरऑल वो क्वांटिटी घटने की कोशिश करेगी घटने की कोशिश करेगी यहाँ पे आपके पास दो तीन और यहाँ पे वैरायटी को डाल दिया गया आप इसको चेक कर सकते हैं ठीक है अगर आपका विंड चलना शुरू हो जाए तो भैया विंड क्या करेगा साउंड के स्पीड को क्या तो बढ़ा देगा या घटा देगा अगर साउंड का विलॉसिटी राइट साइड है और अगर विंड भी ऐसे फ्लो कर रहा है तो दोनों को ऐड कर दो राइट right? लेकिन अगर अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए यहां पर जैसे साउंड राइट साइड जा रही है लेकिन विंड लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये हो जाएगा आपको वी माइनस वी एस वी माइनस वी डब्ल्यू इतना सा ही सिंपल यहां पर आपका फंडा है कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए एक कार है जो कि एक वॉल की तरफ ट्रैवल कर रही है और कार ने हॉर्न मारा एफ नॉट फ्रीक्वेंसी अब हमसे पूछता है कि भैया यही वेव जो है जाएगी दीवार से टकरा के वापस आएगी तो बताइए ड्राइवर ने क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुना तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप दीवार को हटा के सेम टू सेम कार सामने भी एक बना दे और ये वाली कार का जो वेलॉसिटी है इस वाले कार की बराबर रखे और इस वाले कार ने मान लीजिए एफ नॉट फ्रीक्वेंसी एमिट किया है अब आप ये पता कर लीजिए कि अगर इस कार ने एफ नॉट एमिट किया था तो ये वाले कार के ड्राइवर ने क्या सुना है वही आपका फाइनल आंसर भी होने वाला है और इसमें हमसे कभी कभी बीट फ्रीक्वेंसी पूछता है जो कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बीट फ्रीक्वेंसी आपका होता है एफ वन माइनस एफ टू जो दो फ्रीक्वेंसी आपने सुना है उनके बीच का डिफरेंस होता है तो भैया ये जो ड्राइवर है वो एफ नॉट तो सुन ही रहा है क्योंकि ड्राइवर यहीं पर बैठा हुआ था ड्राइवर तो आपका यहीं बैठा हुआ है वो एफ नॉट भी सुन रहा है और वो एफ अपेरेंट भी सुन रहा है तो दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वही आपका हो जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई द ड्राइवर जिसपे भी आपको सवाल पूछा जाता है राइट right? ये जो आपका डॉप्टर में जो लास्ट कॉन्सेप्ट है डेट इज योर कि अगर ये आपको ये आपको कौन है ये आपको सोर्स है राइट right? और ये आपको ऑब्जर्वर है लेकिन इस लाइन में नहीं है तो अगर यहां पे का है, तो पहले तो दोनों को जोड़ो पहले इन दोनों के लाइन को बनाओ अब अब सोर्स का डायरेक्शन में लो ऑब्जर्वर का

Earth से तो दूर जा रहा है तो जिस वेलोसिटी से वो दूर जा रहा है with respect to the earth, उसको हम लोग यहां पे बोलेंगे v radial. उसको हम लोग कहेंगे ठीक है तो हमसे यहां पे ये पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज द चेंज इन वेवलेंथ रिसीव्ड या फिर चेंज इन द फ्रीक्वेंसी राइट तो यहाँ पे आपके पास एक तो ये वाला फॉर्मूला है जो कि आपको पता रहना चाहिए सीज द स्पीड ऑफ लाइट अगर आपका सोर्स का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है जिसपे आपको न्यूमेरिकल बनेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला फिर याद रखना है डेल्टा लामडा बाई लामडा इज इक्वल टू वी रेडियल अपॉन सी तो आपसे कभी कभी डेल्टा लामडा पूछा जाता है वॉट इज द शिफ्ट इन द वेवल्थ राइट यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है ठीक है अच्छा चलिए नेक्स्ट अपना यहाँ पे आता है ऑर्गेन पाइप अब स्ट्रिंग में जो आपका स्टैंडिंग वेव है और ऑर्गन पाइप जो आपका स्टैंडिंग वेव है फॉर्मुला कॉन्सेप्ट आपका हु बहु सेम टू सेम है ऑर्गेन पाइप में आपको दो तरह का ऑर्गेन पाइप होगा क्लोज्ड और ओपन यहाँ पे क्लोज्ड का मतलब होता है एक साइड से तो क्लोज्ड है लेकिन बच्चा दूसरे साइड से ये ओपन है राइट अब इसमें आपको सो सबसे पहला बन सकता है वो ये वाला नोड जहां पे आपको सरफेस होगा वहां पे आपको नोड बनेगा और जहां पे ओपन है वहां पे आपको एंटी नोड बनता है क्लियर है आपको तो ये जो लेंथ वो आपको लामडा बाई फोर है तो यहां पे आप फ्रीक्वेंसी जब निकालोगे ना तो ये आपको आएगा वी बाई फोर एल क्लोज ऑर्गेन पाइप के जो जो फॉर्मुलेज है और स्ट्रिंग का वन साइड ओपन एंड वन साइड फिक्स का जो फॉर्मूला है वो दोनों आपको सेम टू सेम है वो दोनों आपको सेम टू सेम है यहां पे भी आपको ऑर्ड मल्टीपल्स होगा वी बाई फोर एल राइट वी बाई फोर एल थ्री वी बाई फोर एल फाइव बी बाई फोर एल तो यहां पे आपको ये सारे हार्मोनिक्स बनने वाले हैं और जो आपका ओपन वाला एंड है यह वाला फॉर्मूला और स्ट्रिंग्स का जो आपका दोनों साइड से फिक्स्ड एंड वाला फॉर्मूला है वो दोनों आपका सेम टू सेम है v बाई टू वी बाई ट्री वी बाई टली इन टीजर मल्टीपल ऑफ v बाई ट so और बच्चा यहां पे जो आपका v होता है यहां पे जो आपका उंड होता है दैट इज योर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम गामा इज योर एडियोबैटिक कॉन्सटेंट आर इज योर गैस कॉन्सटेंट टी जो होगा टेम्परेचर इन दर्गन पाइप एंड एम इज द मॉलिकुलर मास गैस तो यह भी अपने को ध्यान में रहना चाहिए ठीक है अच्छा एंड करेक्शन तो एंड करेक्शन बेसिकली हमसे लॉजिक ये कहता है कि भैया आपका जो ये नोड बनता है ना वो एग्जैक्टली exactly यहाँ पे नहीं बनता है वो थोड़ा सा बाहर जाके बनता है उसको ही हम लोग कहते हैं ई लेंथ ये जो आपका ई e लेंथ होता है ना वो आपको होता है पॉइंट सिक्स इंटू रेडियस ऑफ द ट्यूब ट्यूब का जो रेडियस अगर आर है तो पॉइंट सिक्स इंटू रेडियस ऑफ द ट्यूब आपको होता है एंड करेक्शन यानी कि अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वी बाई फोर एल था लेकिन एल के जगह अब आप लिखोगे एल प्लस ई और यहां पे आप लिखोगे एल की जगह एल प्लस टू ई क्योंकि यहां भी एंड करेक्शन है और ये तो आपको सिंपल सा लॉजिक हो गया है एंड करेक्शन का रेजोनेंस ट्यूब रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट आपसे क्या बोलता है कि भैया आपके पास यहाँ पे एक ट्यूब है उसमें लिक्विड भरा हुआ है ठीक है आप एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आते हो जिसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ है आप ट्यूनिंग फॉर्क को टन करके यहाँ पे लाके रखते हो तो बेसिकली अगर आपको लाउड साउंड सुनाई दिया है यानी आपको यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बना है उसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं तो जो सबसे पहला स्टैंडिंग वेव बनेगा वो तब बनेगा जब ये आपको लेंथा बाई फोर के बराबर होगी फिर आप ये वाटर कॉलम को नीचे लेके जाते, ले जाते हो नीचे लेके लेके जाते जाते हो हो नीचे अगला आपको तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है थ्री लामडा बाई फोर माइनस लामडा बाई फोर विच इज टू सो बेसिकली आप जब ये लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप एल टू माइनस एल वन को लामडा बाई टू के बराबर लिख सकते हो राइट और एक बार ये आपने ऐसा लिखा यानी कि लामडा आपका इतना हो जाएगा तो हमको ये एक्सपेरिमेंट करना होता है साउंड का स्पीड निकालने के लिए तो साउंड का स्पीड कितना हो जाएगा लामडा इंटू फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी अपना कितना है जो आपको फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फोर का होने वाला है यहां से आपको वेव का स्पीड निकल में आ जाएगा अब यहां पे आपको एक और लॉजिक होता है एक और कॉन्सेप्ट है कि अच्छा सर अभी अभी आपने सिखाया था कि सर एंड करेक्शन भी कुछ होता है तो एंड करेक्शन ले लो लेकिन उससे आपके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए लैब में आप एंड करेक्शन को नहीं लेते हो फिर भी आपका आंसर सही आता है क्योंकि अगर आपने एंड करेक्शन को लिया होता तो आपका एल जो होता वहां पर आपको एक ई e एड करना था और आपको एल में भी ई e एड करना था तो माइनस करते तो ई कट जाता तो घूम फिर के आपका यही वाला चीज जो है वो आ जाने वाला है क्या मेरी बात क्लियर है बताइए क्या मेरी बात क्लियर है एकदम क्या मेरी बात क्लियर है एकदम ओ हो, हो।, खतम हो गया बच्चा सो so, आज का जो अपना सेशन है वो हो गया है खत्म है ना आ, कार्तिक द्विवेदी अगर आपको इसी पार्ट को डिटेल में और स्लो में सुनना है तो सेम चीज़ हमने थोड़ा सा आ, लंबे तक वीडियोस बना के दो तीन घंटे का नहीं लेकिन आधे घंटे का वीडियो बना के हमने उसको भी अपलोड किया है जो कि आपको रिविजन प्लेलिस्ट में है ठीक है ये आपका सिर्फ फॉर्मला रिविज़न था जि जिसको मैंने कोशिश किया है कि हल्का सा डिटेल में आपको करा दिया जाए तो चार घंटे के अंदर अंदर अपना ये पूरा सेशन खत्म होता है एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस एंड मोमेंट पे अपने किसी भी दोस्त यार को बच्चा मत छोड़ो ठीक है मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि इससे मेरा व्यूज़ बढ़े या फिर सब्सक्राइबर बढ़े वो धीरे धीरे आपके प्यार की वजह से बच्चा बढ़ ही जाएगा लेकिन इस एंड मोमेंट पे ऐसा फॉर्मूला रिविज़न कम टाइम में आपको अगर लगता है कि आपके फ्रेंड को ज़रूरत है तो ज़रूर से इसको शेयर करें ठीक है इससे थोड़ा बहुत आप हमें भी सपोर्ट करेंगे और अपने फ्रेंड को भी सपोर्ट करेंगे टेक केयर श यू बेस्ट ऑफ लक एंड वी शैल सी यू सून वेरी वेरी सून अगर आप इसके पार्ट टू को जल्द चाहते हैं तो सेशन को भर भर के लाइक करना है ठीक है पार्ट टू अगर चाहिए इसका जहां पे ट्वेल्थ को अपने रिवाइज करेंगे वन शॉट में तो आपको इसको भर भर के बच्चा सेशन को लाइक करना है शेयर करना है ठीक है राइट पी का लिंक आप